हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर तो दंगल के जो पंद्रह टेस्ट होने हैं उसी कड़ी में हमारा बारवा टेस्ट उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस टेस्ट में भी बाकी टेस्ट की तरह अच्छे परफॉर्मेंस दी होगी और आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे होंगे सोल्यूशन की शुरुआत करते हैं फिजिक्स का पेपर तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक प्रोटोन जो कि परपेंडिकुलर एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में अब कई लोग हो सकता है यहां कंफ्यूजन में इस बात पर आएंगे कि उन्होंने ऐसे एंटर करवाया होगा इस तरह से जबकि ऐसा नहीं है वो मैग्नेटिक फील्ड जो से अंदर की तरफ है ना उससे परपेंडिकुलर यू एंटर हो रहा है तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि जब ये प्रोटॉन बाहर निकलेगा तो इसका इमरजेंट एंगल क्या होगा तो देखो इमरजिंग एंगल जब प्रोटॉन यहां से एंटर हुआ तो इसका इस लाइन से ए बी लाइन से एंगल कितना था 60 और हमें पता है ये प्रोटॉन जो है वो एक से मोशन करता हुआ ऐसे बाहर निकल जाएगा तो अगेन जो बाहर यहाँ एंगल बनेगा लाइन से वो भी सिक्सटी होगा ये पूरा सिमेट्रिकल होता है मोशन इस लाइन मतलब जो यहां से लाइन है ना तो ये प्रोटोन जितने एंगल मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री से बनाएगा निकलते वक्त भी उतना ही बनाएगा ये सिंपल थियोटिकल क्वेश्चन कुछ भी इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी थी ठीक है उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी इसको देखते ही टिक किया होगा ओके बच्चों तो आगे बढ़ते हैं इसी में हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है अगले क्वेश्चन भी एक थ्योरेटिकल सीरीज का ही क्वेश्चन है इसमें आपको बोला हुआ है कि अगर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इंटरमीडिएट इमेज बनती है आपने देखा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहां पर रखते हैं बेटा फोकस के जस्ट बाहर तो फोकस जो ऑब्जेक्टिव का फोकस होता है ना सपोज यहाँ पे फोकस ऑब्जेक्टिव का है उसके जस्ट बाहर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं ताकि उसकी एक इंटरमीडिएट इमेज जो बने आई वन वो कैसी बने देखो फोकस से बाहर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो वो इमेज जो लेंस बनाएगा वो कैसी बनाएगा इनवर्टेड और लार्ज इमेज और साथ में रियल इमेज तो रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेज बनेगी सेकेंड का यहां पर अपने पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन जाएगा ओके okay बच्चों बिल्कुल थियोरटिकल क्वेश्चन था भी अगला अगले क्वेश्चन में हमारे पास यहां पर आपको बोला है कि वेंडेग्राफ जनरेटर किस चीज के लिए काम में आता है तो वेंडेग्राफ जनरेटर यहां पे जो अपना ऑप्शन बनेगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट ये हाई वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस करने के काम आता है ओके बेटा इसके बाद आते हैं हम हमारे अगले फोर्थ क्वेश्चन पे फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आपको यहां पर एक सोर्स गिवन है और इस सोर्स से आपको एक तो वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछिए देखो यहां पर एक्सेल और एक्ससी का जो रिएक्टेंस है ना रिएक्टेंस वैल्यू वो दोनों इक्वल दिया हुआ है तो एक्स नेट कितना आ जाएगा बेटा एक्स नेट आएगा एक्सएल माइनस एक्सी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स एल माइनस एक्सी पच्चीस माइनस पच्चीस कटके कितना आएगा जीरो तो जब यहां पे जीरो नेट इम्पिडेंस है इस सर्किट का रिएक्टेंस है इस दोनों पार्ट का मिला के तो ये वोल्ट मीटर भी क्या रीड करेगा जीरो है ना हम ये नहीं कह रहे कि रिएक्टेंस या इंडक्टेंस पे ड्रॉप नहीं होगा ड्रॉप तो होगा लेकिन अपोजिट पॉलरिटी में होगा इसलिए कैंसिल हो जाएगा तो फिर सारा ड्रॉप कौन खाएगा बेटा सारा ड्रॉप खाएगा resistance. तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी वी आर बाई आर वी आर कितना हो जाएगा वी एस के बराबर और यहां पर वैसे तो वी एस बाई जेड होता है पर यहां पर जेड जो है वो आर के बराबर आएगा ठीक है तो ये हो जाएगा अपने पास 240 फोर्टी बाई थर्टी तो ये हो जाएगा 80 टी एम्पियर ध्यान रखना है 80 एम्पियर आर वैल्यू है तो जो वोल्ट मीटर और एमीटर होते हैं वो हमेशा आर वैल्यू को ही मेजर करते हैं तो सॉरी 80 नहीं 8 एम्पियर तो यहाँ पे अपना ऑप्शन हो जाएगा 8 एम्पियर तो जीरो वोल्ट एंड एट एम्पियर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर फोर्थ ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन फिर आते हैं हम हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे नोट करें बेटा यहाँ तक फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए आपको यहां पे एक रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन के लिए आपको यहां पे पूछा है कि कितनी एनर्जी जो है वो इमिट होगी ओके तो बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको हीलियम के लिए कितनी एनर्जी दी हुई है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक्स दिया हुआ है तो इसमें कितने न्यूक्लियोन से टू तो हीलियम के लिए जो एनर्जी आएगी वो आएगी माइनस ऑफ टू एक्स मतलब अभी हीलियम सॉरी हीलियम हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी आएगी वो माइनस टू एक्स आएगी इसी तरह से ट्राइटियम के लिए जो एनर्जी आएगी यहां पर वन एस थ्री के लिए है ना ये वन एस टू है ये सॉरी और ये ट्राइटियम है इसके लिए कितना दिया हुआ तो -3 into y. फिर इसी तरह से जब हीलियम बनेगा तो इसके लिए कितना हो जाएगा फोर इंटू जेड अब यहां पे आपसे एनर्जी रिलीज पूछा है प्रोसेस में एनर्जी रिलीज का मतलब हाई एनर्जी और बाद की एनर्जी लो रही होगी तो Q इक्वल टू एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ टू एक्स माइनस ऑफ थ्री वाई माइनस ऑफ माइनस फोर जेड इट मींस ये क्या हो गया मेरे पास फोर जेड माइनस ऑफ टू एक्स माइनस थ्री वाई तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटा इस केस में सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ओके तो ये इजीली अपना यहां पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट बन रहा है नोट करें बेटा सॉल्यूशन फिर आता है अपना अगला सिक्स क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन पे बात करते हैं अब इस केस में आपको बोला है वाई डी में आपने स्लिट को सेपरेट किया है पॉइंट टू एट मिलीमीटर से और स्क्रीन को वन पॉइंट फोर मीटर अवे रखा है डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट एंड फोर्थ ब्राइट देखो सेंट्रल ब्राइट और फोर्थ ब्राइट सेंट्रल ब्राइट यहां पर है फिर आएगा फर्स्ट ब्राइट फिर आएगा सेकेंड ब्राइट फिर आएगा थर्ड ब्राइट और फिर आएगा फोर्थ ब्राइट तो ये जो डिस्टेंस है वो कितने फ्रिंज विथ के बराबर है चार बीटा तो चार बीटा जो है वो आपको कितना दिया हुआ है इन्होंने वो दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर तो इसका मतलब बीटा कितना आएगा बेटा 0.3 सेंटीमीटर ठीक है अब बीटा क्या होता है लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज पॉइंट थ्री सेंटीमीटर अब यहां पे बेटा आप वैल्यू पुट करें तो आपको लेमडा पूछा है ना तो लेमडा हो जाएगा पॉइंट थ्री डी बाय कैपिटल डी इसको सॉल्व करेंगे हम तो पॉइंट थ्री डी की वैल्यू कितनी है इस केस में आपको डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पॉइंट टू एट मिलीमीटर को मैं माइनस थ्री लिख देता हूं मीटर में कन्वर्ट करके और कैपिटल डी दिया है, वन पॉइंट फोर मीटर अवे चलो सॉल्व करें इसको तो ये यहां से कैलकुलेशन थोड़ा सा अपन इजी करते हैं पहले तो इसको, थ्री एट कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं वन पॉइंट फोर तो यहां पे माइनस छ पावर आ जाएगी ठीक है अब इसको काटेंगे हम तो ये कटेगा ट्वेंटी टाइम्स तो ये हो जाएगा सिक्सटी इन टू टेन टू दावर माइनस सिक्स ओके तो सिक्सटीन टू टेन पावर माइनस सिक्स तो यहाँ पे अपना आ गया अच्छा इसमें पॉइंट टू एट जो है वो एम mm में है उसको कन्वर्ट कर लिया ये बीटा भी पॉइंट थ्री सेंटीमीटर में है ना तो यहाँ पे टेन टू दावर माइनस टू और आ जाएगा अपने पास तो माइनस टू से माइनस एट हो गया माइनस एट अब यहाँ माइनस एट तो है ना एक और माइनस नाइन पावर लाने के लिए मैं क्या करूँ एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दू ये तो देखो नैनोमीटर में अपना आंसर कितना बन रहा है सिक्स हंड्रेड नैनोमीटर ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन ओके बेटा नेक्स्ट हम आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे सेवंथ क्वेश्चन में देखें आप द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ इंडक्टेंस कोइल इंडक्टेंस कोइल के लिए टाइम कॉन्स्टेंट एल बाई आर यही होता है कितना दिया हुआ है टू इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री फिर ये बोल रहे हैं कि 90 ओम रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में जोड़ दे देखो पहले तो इंडक्टेंस का खुद का भी रेजिस्टेंस रहा होगा फिर हमने एक दूसरा रेजिस्टेंस और जोड़ दिया तो नेट रेजिस्टेंस जो है वो कितना हुआ होगा आर प्लस आर एस ये यहां पर आपको वैल्यू दिया हुआ वन बाई टू पॉइंट फाइव का मतलब वन बाई टू इक्वेशन वन और टू इन दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड करेंगे बेटा तो इसका मतलब आर प्लस फोर इसका मतलब आर एस जो है वो थ्री टाइम्स ऑफ आर है वैल्यू कितना दिया आपको नाइनटी तो थ्री आर तो आर कितना हो जाएगा बेटा थर्टी हमसे क्या पूछा था हमसे रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस को पूछा वो तो थर्टी आ गया तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे अब आप इस थर्टी की वैल्यू यहां डाल दे तो इक्वेशन वन में डालेंगे बेटा आप तो एल इज टू इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री इंटू थर्टी दिस इज सिक्सटी मिली हेनरी ये इजीली बेटा आपका आंसर बन रहा है तो थर्टी मिली हेनरी एंड थर्टी ओम क्वेश्चन नंबर सेवन का अपना कौन सा ऑप्शन है बेटा फर्स्ट ऑप्शन जो है सॉरी सिक्सटी ओम सॉरी सिक्सटी ओम के हिसाब से अपना थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा सिक्सटी मिली हेनरी एंड थर्टी ओम कोई कंफ्यूजन बेटा यहां तक अगला आता है अपना क्वेश्चन नंबर एट नोट करें एक बार इसका सॉल्यूशन अब अगले क्वेश्चन में आपको करंट पूछा है सिंपल सी बात क्या है बेटा फॉरवर्ड बायस में डायोड ये डायोड कौन से बायस में है फॉरवर्ड ये डायोड में है रिवर्स तो यहां पे जो इक्विलेंट सर्किट बनेगा ये डायोड जो रिवर्स में उसको तो हटा दो जो डायोड फॉरवर्ड में है उसको सिंपल आप क्या करेंगे कंड कनेक्शन वायर से जोड़ेंगे और इसके बाद फिर आप यहां पर एक लगा देंगे जो लगा हुआ है ये ट्वेंटी फाइव और थर्टी तो इन दिस केस आपके पास जो टोटल करंट फ्लो होगा वो इस ब्रांच में फ्लो होगा है ना ऐसे तो करंट कितना हो जाएगा V बाई आर नेट V इज फाइव आर नेट इज ट्वेंटी प्लस थर्टी दिस इज फाइव बाई फिफ्टी एम्पियर सो दिस विल बी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट फॉर योर एट्थ क्वेश्चन ओके बेटा आगे बढ़ते हैं नोट करें बेटा इसको नाइन्थ क्वेश्चन बोला है कि एनर्जी लेवल किसी एटम के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेवल जो है वो इतने हैं तो फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल दिया हुआ है ई फोर ई बाई थ्री और ये है टू ई e. देखो वैसे तो हाइड्रोजन एटम में एनर्जी लेवल नेगेटिव होते हैं पर ये कोई हाइपोथेटिकल एटम है उसके लिए आपको एनर्जी लेवल दिए हुए फिर ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो उसका जो फोटोन निकलता है तो यहां पे डेल्टा ई e कितना आएगा थ्री एंड वन उसके हिसाब से जो फोटोन निकलेगा वो तो ये हो जाएगा टू ई हाई एनर्जी लेवल माइनस लो एनर्जी लेवल एनर्जी डिफरेंस एच सी बाई लेमडा ठीक है फिर उसके बाद दूसरा जो है अपने पास ये फर्स्ट इक्वेशन फिर इन्होंने बोला है कि अगर इलेक्ट्रॉन टू से वन में ट्रांजिशन करे टू से वन में तो उसका जो फोटोन निकलेगा वो कितना है तो टू की एनर्जी कितना है फोर ई बाई थ्री माइनस ऑफ ई इज एस सी बाई लेमडा इन दोनों इक्वेशंस को बना के आप डिवाइड करें बच्चों तो ये हो जाएगा टू ई माइनस ऑफ ई फोर ई बाई थ्री माइनस ऑफ ई लेमडा डेश बाई लेमडा सो इट विल बी ई अपॉन ई बाई थ्री लेमडा डेस इज लेमडा सो लेमडा विल बी दिस इज थ्री लेमडा तो अपना ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन तो आपका यहां करेक्ट ऑप्शन कौन सा बेटा फोर्थ कोई कंफ्यूजन इसमें बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है लेकिन है ना ओके okay? उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से सही से किया होगा नेक्स्ट हम आते हैं हमारे टेंथ क्वेश्चन पे टेंथ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है और ऑब्जेक्ट को थ्रो करके वो बोल रहे हैं कि फिफ्टी मीटर हाइट तक हम पहुंचा रहे हैं फिर जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसका मास जो है वो डबल है तो मास जो है वो डबल है और इनिशियल वेलोसिटी भी डबल कर दिया तो मैक्सिमम हाइट कितना है? देखो एच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर अपॉन टू जी तो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर मास पे तो डिपेंडेंसी नहीं है ना अगर आप स्पीड को टू टाइम्स कर रहे हो तो h डे अपॉन एच इज यू अपॉन यू स्क्वायर दैट इज तो h डे कितना हो जाएगा फोर एच दैट इज फोर इंटू फिफ्टी सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी टू हंड्रेड मीटर दिस इज द सेकेंड ऑप्शन ओके बेटा तो टेंथ इजी क्वेश्चन है आगे बढ़ते हम देन इलेवेंथ क्वेश्चन में आपको बोला है कि दो वेक्टर हैं ए और बी जिनके कंपोनेंट ए एक्स ए वाई और ए जेड है अब एक्स प्लस ए प्लस बी आप कैसे निकालते हैं बेटा ए एक्स प्लस बी एक्स आई के फिर बी एक्स प्लस सॉरी ए वाई प्लस बी वाई जे के एंड ए जेड प्लस बीजेड के के ये आप ए प्लस भी निकालते हैं अब A जीरो होने के लिए क्या है? ये पूरा ब्रेकेट जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो, जीरो कब होगा बेटा जब दोनों एक दूसरे के इक्वल अपोजिट होंगे तो अपना यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट है ना बाकी में कैंसिलेशन सारा नहीं हो पाएगा है ना इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा ओके बच्चों अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्वेल्थ क्वेश्चन पे ट्वेल्थ क्वेश्चन बोला है कि दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं जिनके मास कैपिटल एम और स्मॉल एम है तो अपन बना देते हैं ये कैपिटल एम ये स्मॉल एम ये स्मॉल आर ये कैपिटल आर अब ये बोल रहे हैं कि कॉमन सेंटर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्स डिस्टेंस पे कितना होगा तो यहाँ एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं हम ई तो पोटेंशियल ए पे निकालना है पहले वाले की वजह से कितना आएगा जी एम अपॉन एक्स दूसरा वाला जो है देखो बाहर दूसरे वाले के लिए तो पॉइंट अंदर हुआ ना इसका मतलब वो जितना अपनी सरफेस पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा उतना ही इस अंदर वाले पॉइंट्स पे भी करेगा तो G को बाहर निकाल लेते हैं अपन माइनस के साथ तो M बाई आर प्लस एम बाई एक्स तो इस केस में अपना थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा ओके बेटा देखो बहुत आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं ना बिल्कुल आपकी बेसिक प्रैक्टिस को ही मजबूत करना आपको नीट के लिए Then, अगला क्वेश्चन आता है इसमें हम बात करेंगे एक डीसी एमीटर और एसी एमीटर जो है यहां पर एसी थर्मल एमीटर का मतलब वो है हीट के इफेक्ट पे काम करता ना इसलिए तो यहां पे अपन ने सीरीज में कनेक्ट किया है वेर डायरेक्ट करंट पास थ्रू द सर्किट डीसी जो है वो शो कर रहा है सिक्स ठीक है तो डीसी के लिए सिक्स शो कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है साइनस ओडल अल्टरनेटिंग करंट पास थ्रू सर्किट अल्टरनेटिंग एमीटर शो कर रहा है एट मतलब ये ये क्या है बेटा वैल्यू है अब आप दोनों का जब कॉम्बिनेशन फ्लो करवा दोगे तो जो नेट करंट बनेगी वो क्या होगी वो हो जाएगी आई वन प्लस आई टू इसका मतलब ये हो जाएगा सिक्स प्लस एट रूट टू ये एट ध्यान रखना ये आर एम वैल्यू है बेटा तो इस केस में एट रूट टू और फिर यहाँ साइन ओमेगा टी की जो इक्वेशन है वो यहाँ हम डालेंगे तो यहां पर आई नेट ही आ गया अब जब आप एसी करंट कौन से सर्किट से फ्लो करवा रहे अपन हाँ जब इस दोनों कॉम्बिनेशन को फ्लो करवाएंगे तो वो इसका आरएमएस रीड करेगा एसी एमीटर और डीसी एमीटर केवल इसके कौन कौन से कंपोनेंट कंपोनेंट को को रीड करेगा केवल डीसी डीसी तो यहां पे जो है वो कौन सी रीडिंग दिखाएगा एसी थर्टीन तो का ऑप्शन हो जाएगा अपना इस केस में सेकेंड ऑप्शन ओके बच्चों तो थर्टीन का सेकेंड ऑप्शन यहां बन गया कोई दिक्कत नहीं इसमें है ना फिर आते हम हमारे फोर्टीन पे फोर्टीन में जो है वायर को सस्पेंड किया वर्टिकली और इस पे दो सौ न्यूटन का फोर्स लगाया लोअर एंड पे वायर स्ट्रेच होता है एक एम से तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी देखो जो आपने स्प्रिंग एनर्जी का फॉर्मुला पढ़ा है उसी को थोड़ा सा यहाँ पे हम रीअरेंज कर लेते हैं हाफ के स्क्वायर होता है ना इस फॉर्मुला को याद रखो तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा इस के एक्स को मैं लिख सकता हूँ के स्क्वायर अब देखो अपन को क्या दिया हुआ है अपन को एक तो फोर्स दिया हुआ है और एक स्ट्रेच दिया हुआ है तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट करता हूँ हाफ के एक्स इनटू एक्स ये के एक्स क्या होता है ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना तो हाफ एफ इनटू एक्स अब आपको फोर्स कितना दिया बेटा टू हंड्रेड वन एम एम को आप कन्वर्ट कर लो जूल तो ये कितना आ जाएगा आपके पास हंड्रेड टेन टू पावर माइनस थ्री तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा पॉइंट वन जूल तो 14 का आपका कौन सा ऑप्शन सही बेटा पॉइंट वन जूल फर्स्ट ऑप्शन ओके चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगला बोला है कि कैपिलरी राइज में वाटर जो है वो पांच सेंटीमीटर हाइट तक चढ़ता है बाद में आपने कैपिलरी को सेम रेडियस की लेकिन आपने तीन सेंटीमीटर जो हाइट की मतलब तो छोटी कैपिलरी आपने काम में ली देखो अगर कैपिलरी में इतना पानी चढ़ना है तो मान लो इसका कॉन्टेक्ट एंगल ये है ठीक है अब जब आपने इनसफिशियंट की कैपिलरी यूज की है बेटा तो इस केस में देखो पानी जो है कैपिलरी की लेंथ इनसफिशियंट है ना तो इस केस में मान लो आपने कैपिलरी को इतना से ही रखा है तो पानी जो है वो पूरी हाइट तक चढ़ेगा लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेक्ट एंगल जो है वो एडजस्ट होता है क्यों क्योंकि टू टी कॉस थीटा अपॉन आर इज रो जी एच अब ट्यूब चेंज नहीं किया है आपने केवल हाइट को कम किया है तो अगर हाइट घटेगा तो इसका मतलब कॉस थीटा भी घटना चाहिए तभी तो दोनों साइड्स को आप इक्वल कर पाओगे कॉस थीटा अगर घटेगा तो इसका मतलब थीटा क्या होगा बेटा बढ़ेगा लेकिन ध्यान रखना बच्चों इस केस में कभी भी कॉन्टेक्ट एंगल 90 से ज्यादा नहीं होगा है ना ये थीटा बढ़ेगा लेकिन क्योंकि तो 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 पहले मान लो 15 डिग्री था तो अब बढ़ के 30 45 वो जो होना है होगा लेकिन 90 से ऊपर नहीं, नहीं जाएगा ध्यान रखना तो ये बेसिक तो क्वेश्चन जो कांटेक्ट एंगल है वो इंक्रीज होगा थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें इसके बाद आता है अपना सिक्सटीन क्वेश्चन सिक्सटीन पाते आते सिक्सटीन में आपको बोला है कि पार्टिकल को ऐसी जगह प्लेस किया है जहां पे आर, स्पीड जो है हाइट टू आर है तो वहां से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए जो भी एनर्जी आप दोगे वो उसकी उस हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको बैलेंस कर दे बस और स्मॉल आर आता है फॉर्मूला में तो यहां पे आप रखेंगे तो हाफ माइनस जी कैपिटल स्मॉल एम अपॉन थ्री आर तो v कितना आ जाएगा बेटा टू बाई थ्री जी एम बाई आर रूट में जी एम बाई आर को हम लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर अपॉन आर तो ये हो जाएगा रूट टू बाई थ्री जी आर दैट विल बी योर फोर्थ ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ओके बेटा तो ये भी इजी क्वेश्चन है बस आपको यहां पे उस हाइट पे जो बेसिक कंसेप्ट था यहां तो काम नहीं आएगा काफी एनर्जी जो उस इंस्टेंट पे है जहां से आप उसको रहे, उस पोजिशन पे जो काइनेटिक और पोटेंशियल है उसको आप जीरो कर दो टोटल एनर्जी जीरो होती है ऑब्जेक्ट एस्केप करते हैं ओके फिर उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन में आपको यहां पर एक्स इक्वल टू रूट थ्री ए बाई टू पे दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो हमें देखो रूट थ्री ए बाई टू का फेज ध्यान रखना है मीन पोजिशन का फेज अगर जीरो माने इधर जाते वक्त तो ए बाई टू का फेज कितना होता है थर्टी डिग्री ए बाई रूट टू का कितना होता है फोर्टी फाइव डिग्री और रूट थ्री ए बाई टू का कितना होता है बेटा ये होता है सिक्सटी डिग्री तो अब ऑब्जेक्ट अगर यहां पे टुवर्ड्स द मीन पोजिशन अगर मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव कर रहा है तो सिक्सटी डिग्री फेस और अगर वो पलट के आ गया तो वापस उसका फेज कितना हो जाएगा 120 90 डिग्री फेज एंगल का डिफरेंस तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा थर्ड ऑप्शन करेक्ट ओके बेटा तो ये अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट बना आते अपन अब एटीन क्वेश्चन पे तो 18 क्वेश्चन में 18th में आपको मैन स्टैंडिंग ऑन रॉड हैज टू होल्ड हिज अमरेला एट थर्टी डिग्री वर्टिकल टू कीप रेन अवे नाउ ही स्टार्ट रनिंग एट टेन किलोमीटर पर आवर तो टेन मीटर पर सेकेंड एक्चुअली बेसिकली ठीक है ही दैट द रेन ड्रॉप आर हीटिंग एट इट हेड एट थर्टी वर्टिकल तो इसकी एक्चुअल स्पीड क्या होगी तो देखो यहां पर मेन जब रुका हुआ है तो उसको ऐसा लग रहा है कि बारिश की बूंदे जो है वो इस तरह से आ रही है और उसके सर पे ये वर्टिकल से थर्टी डिग्री का एंगल बनाते हुए गिर रही है ठीक है अब पर्सन रुक रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि बारिश की बूंदे इतने थर्टी डिग्री के एंगल पर आ रही होंगी इसका मतलब मैं वी एक्स और वीवाई में एक रिलेशन निकालता हूं तो टेन थर्टी के हिसाब से क्या आ जाएगा अपॉन बेस तो यहां से आएगा वन अपॉन रूट थ्री इज वी एक्स अपॉन वी वाई सो वी वाई इज रूट थ्री वी एक्स ये आ गया फिर उन्होंने बोला है कि अगर पर्सन जो है वो चलना शुरू कर दे टेन की स्पीड से है ना ये मीटर पर सेकेंड है बेटा तो वो चलना शुरू कर दे तो फिर उसमें एक्चुअल जो इसमें स्पीड थर्टी डिग्री पे ही हिट करती है तो देखो अगर उसको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो उसको इधर चलना पड़ेगा ताकि रेन को अपोजिट अब रिलेटिव टू पर्सन जब पर्सन चल रहा है ना तो रेन का एक्स कंपोनेंट और पर्सन की स्पीड इधर दे दो तो पर्सन जो है वो टेन की स्पीड से चल रहा है इसका मतलब अभी भी और वाई कंपोनेंट तो इधर है अब पर्सन को ऐसा लग रहा है कि रेन इधर थर्टी पे आ रही होगी तो उस पर सारी ड्रॉप्स ऐसे टकराएंगी तो इसका मतलब जो टेन माइनस थर्टी वी है उसका और वी का एंगल ये भी टेन 30 बन रहा होगा ना अब भी है ना तो यहां टेन माइनस ऑफ वी है ना भाई इसका नेट कंपोनेंट क्या आएगा पीछे की तरफ तो टेन माइनस वी करो अपॉन वी इज वन अपॉन तो ये कितना आ जाएगा बेटा यहां से ही आ जाएगा टेन रूट थ्री माइनस ऑफ रूट थ्री वी एक्स इक्व टू वी वाई वी वाई की वैल्यू कितना है रूट थ्री वी एक्स तो यह आ जाएगा टेन रूट थ्री इज टू रूट थ्री वी एक्स ओके तो वी एक्स आ जाएगा फाइव वी एक्स जैसे ही फाइव आएगा आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वी वाई कितना आ जाएगा तो वी स्पीड कैसे निकालोगे आप रेन की वी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव तो स्क्वायर और ये इसका रूट थ्री टाइम्स तो फाइव रूट थ्री स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव और फाइव दैट विल बी फाइव फाइव तो ये हो जाएगा अपने पास सेवेंटी फाइव और फाइव तो टेन आ जाएगा अपना आंसर तो जो रेन की स्पीड है वो कितनी है वो है टेन मीटर पर सेकेंड ओके कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें इजीली तो अपना यहाँ पे आंसर बन रहा है थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है है और लेकिन कॉमन ओके उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको सही किया होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं 19th की तरफ। अब यहाँ पेन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं नाइनटीन क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक पर्सन जो है वो ट्रेन को जब आते हुए देखता है तो जब ट्रेन उसकी तरफ आ रही है तो उसको फ्रीक्वेंसी कुछ f1 सुनाई देगी और जब ट्रेन उससे दूर जा रही है तो उसको फ्रीक्वेंसी कुछ f2 सुनाई देगी ये वी स्पीड से जा रहा था इधर भी वी से तो इधर जो एफ फ्रिक्वेंसी थी वो इसको एफ टू सुनाई देगी तो एफ वन कितना हो जाएगा एफ सी माइनस वी ओ अपॉन सी माइनस ऑफ वी एस तो ये वी और इधर आ जाएगा एफ एफ टू सी माइनस वी ओ ऑब्जर्वर रुका हुआ है प्लस वी तो यहाँ पे एफ वन अपॉन एफ टू क्या हो जाएगा सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी ये रेशियो आपको दिया हुआ इलेवन बाई नाइन का नाइन सी प्लस नाइन वी सी माइनस ऑफ इलेवन वी तो, तो ये हो जाएगा टू सी ट्वेंटी वी तो c v कितना हो जाएगा c बाई टेन सी कितना दिया आपको थ्री फोर्टी बाई टेन दैट इज थर्टी फोर ओके बेटा तो ये आपका सॉल्यूशन रहा थर्टी फोर अपना कौन सा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस केस में नाइनटीन के लिए ओके बेटा फिर हम आते हैं हमारे फोर्थ पे फोर्थ क्वेश्चन की बात सॉरी ट्वेंटी क्वेश्चन की बात करते हैं ट्वेंटी क्वेश्चन बोला है कि पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए बॉडी एट टेम्परेचर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन एंड सराउंडिंग है तो यहां टी नॉट कितना है ट्वेंटी सेवन प्लस टू सेवेंटी थ्री थ्री हंड्रेड टी वन टेम्परेचर कितना दिया हुआ आपको वन ट्वेंटी सेवन प्लस 273 दिस इज 400 और T2 टू टेम्परेचर दिया हुआ है 227 ट्वेंटी सेवन प्लस टू दैट इज 500 अब ये बोल रहे हैं कि पावर जो है वो P पावर देखो P पावर अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसका टेम्परेचर 127 ट्वेंटी रहेगा कांस्टेंट रहेगा रहे मतलब जितनी एनर्जी हमने सप्लाई की वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा तो इसका मतलब यहां पर पावर इमिटेड इक्वल टू पावर सप्लाई इक्लोरियम की कंडीशन ये होती है अब पावर सप्लाई P इक्वल टू इमिटेड अब इमिटेड पावर किस पे डिपेंड करता है बेटा T4 फोर माइनस टी नॉट फोर होता है ठीक है तो यहां पे हम लिखेंगे T4 फोर माइनस टी नॉट फोर एक इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन बना के डिवाइड करो तो यहां T1 लिखो यहां T2 लिखो अब देखो इन सब में ना जीरो जीरो तो सब में कॉमन हो तो कट जाएगा ना तो इधर बचेगा फोर की पावर फोर माइनस थ्री की पावर फोर फाइव की पावर फोर माइनस थ्री की पावर फोर तो ये हो जाएगा सोलह और सोलह चार चौक सोलह दो सौ छप्पन माइनस एटी वन और ये हो जाएगा पाँच का पच्चीस छ सौ पच्चीस माइनस एटी वन पी अपॉन पी डेश तो दो सौ छप्पन में से एट्टी वन माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास वन सेवेंटी फाइव और 625 में से 81 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 544 so, P will be 544 upon 175 P. So, 544 सो विल बी अपॉन अपॉन तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ओके नोट करें बेटा इसको बच्चों हमारा 21 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है हाउ डज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेरी द डिस्टेंस इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर तो यहां पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पूछा है चलो आते हैं इस पर हम तो इस केस में हमें पता यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर अगर होगा तो उसके लिए जो यहां पर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर की अगर हम बात करें तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आपने थ्रू आउट अंदर रखा हुआ है ना पूरे को यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है तो इसके लिए इनसाइड फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है ये होता है के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब इसका मतलब ई e इन जो होता है वो आर की सिंगल पावर पे डिपेंड करता है तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बढ़ता जाएगा सरफेस तक तो बढ़ेगा उसके बाद घटेगा और जो इसका ग्राफ आता है वेरिएशन का वो किस तरह से आता है बच्चों ये इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग ओके तो एक बिल्कुल थियोरिटिकल क्वेश्चन काफी आसान नोट करें बेटा इसका सोल्यूशन सोल्यूशन क्या नोट करना आसानी है ऋतु तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट इंक्रीज डायरेक्टली एज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओके बेटा 22 में आपको सेल जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का और ई 10 वोल्ट का इसको यूनिफॉर्म वायर पे हमने अप्लाई किया है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम तो वायर का रेजिस्टेंस 3 ओम है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और ये सेल लगा दिया आपने 2 ओम 3 ओम 10 वोल्ट अब इसकी वजह से आप डेल्टा वी वायर निकालो तो वो कितना आएगा ई एम एफ को रजिस्टेंस के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करो तो थ्री अपॉन थ्री प्लस टू तो ये हो जाएगा टेन अपॉन थ्री फाइव सिक्स वोल्ट तो सिक्स वोल्ट तो यहाँ आ गया वायर का रेजिस्टेंस अब आपसे पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है तो वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर ये कितना हो जाएगा सिक्स अपॉन वायर की लेंथ कितना बेटा ये है फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर तो ये जाएगा सिक्स से एक इंसलेशन होता है या नहीं होता है तो थ्री बाई टू फिफ्टी अपन देखते हैं एक बार आंसर किस टर्म्स में आना अपन को टेन वोल्ट है ना तो छः वोल्ट इस पर आ जाएगा छः वोल्ट और लेंथ दिया हुआ इतना तो अपन यहाँ पे सेंटीमीटर में आपको अंदाज से आंसर लेकर आना है ना तो करते हैं कोशिश एक बार इसको थाउजेंड वोल्ट पर सेंटीमीटर है ही सही तो इसको एक तो सिक्स थाउजेंड लिखो अब यहाँ लिख दो मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर भाई मुझे ये थाउजेंड लिखने का आइडिया कहां सा क्योंकि सारे ऑप्शन में मिली वोल्ट दिया हुआ है ना तो मिलीवोल्ट के हिसाब से अब ये देखो कितनी बार कटेगा पचास से कटेगा थर्टी मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर तो थर्टी मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है सिंपल आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा गया है ओके चलो ट्वेंटी थ्री पाते हैं हम 23 में आपको बोला है कि कार जो है वो स्टार्ट करती है रेस से फिर कांस्टेंट एक्सलरेशन से वो v की स्पीड गेन करती है चलो एक कार को कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला के v की स्पीड गेन करवा दी हमने फिर ये कांस्टेंट रिटार्डेशन से चलती है रिटार्डेड कांस्टेंट रेट टू कम टू रेस्ट कंसीडर दैट कार मूव विद कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर द हाफ ऑफ द टाइम देखो यहां पे उसका रिटार्डेशन और एक्सलरेशन जो है वो कॉन्स्टेंट है ठीक है तो इस केस में रिटार्डेशन और कांस्टेंट है मतलब जितना टाइम उसको यहां लगेगा उतना ही टाइम इसको यहां लगेगा रुकने में अब टोटल टाइम को अगर मैं कैपिटल टी मानू तो उसने बोला कि आधे टाइम तक वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है आधे टाइम तक वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही कार तो इसका मतलब ये टी और ये टी और ये टी बाई टू मिलकर के कितना हो जाएगा कैपिटल टी तो स्मॉल टी कितना आ जाएगा यहां से टी बाई फोर अब जैसे ही आ गया अब आपको एवरेज स्पीड पूछा है एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये होता है एवरेज स्पीड चाहे वेलोसिटी पूछे स्पीड पूछे एक ही बात है क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है एरिया निकाल लो एरिया क्या जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाइट कितना है वेलोसिटी जितना है ठीक है और टाइम कितना लगेगा ये तो इस केस में हाफ सॉरी oh ये अपना ट्रेपेजियम बनेगा ना तो इस केस में एरिया हो जाएगा हाफ इन टू पैरल साइड्स का सम टी प्लस टी बाई टू वी डिवाइड बाई टी तो ये आएगा थ्री टी बाई टू यानी कि थ्री बाई फोर वी दैट इज द एवरेज वेलोसिटी ओके बच्चों ये आ गया अपना ट्वेंटी थ्री का आंसर आगे बढ़ते हम ट्वेंटी फोर पे 24 में कौन सी जो रीडिंग है वो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स की हो सकती है स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना होता है बेटा पॉइंट वन एम एम पॉइंट वन एम एम बोल दो या सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर लिख सकते हो या आप इसको मीटर में लिखना चाहो तो पॉइंट जीरो जीरो सेंटीमीटर को मीटर में लिखो तो दो जीरो बढ़ा दो पॉइंट जीरो जीरो मीटर ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है तो अगर इस तरह की रीडिंग आती है तो ये वर्नियर के से हो सकती है अब यहां पे देखो कौन सी रीडिंग वर्नियर के से हम ले सकते हैं है ना या कौन सी रीडिंग जो है वर्नियर के से आई होगी देखो वर्नियर के हमेशा सेंटीमीटर में पॉइंट के बाद की दो डिजिट की एक्यूरेसी देता है आप यहां पे पॉइंट के बाद एक भी वैल्यू पे एक्यूरेट नहीं हो इसका मतलब आपने ये ऐसे स्केल से मेजर किया जिसका डिस्काउंट वन सेंटीमीटर है यहां पे आप पॉइंट के बाद वन वैल्यू पे श्योर हो इसका मतलब आपने एसी वैल्यू से मेजर किया ऐसे स्केल से मेजर किया जिसका लिस्ट काउंट क्या है सेंटीमीटर का दसवा हिस्सा यानी एक एम mm. एम तो, तो नॉर्मल स्केल जो होता है वो है यहां आप सेंटीमीटर में पॉइंट के बाद की दो वैल्यू पे श्योर हो इसका मतलब ये कंफर्म आपने वर्नियर स्केल से ही मेजर किया होगा तभी तो आपने पॉइंट के बाद दो जीरो तक बोल दिया कि भाई सेवन के बाद पॉइंट में जीरो और फिर जीरो आएगा ये आपने वर्नियर से मेजर किया तभी आया और ये जो फोर्थ रीडिंग है ये है स्क्रू गेज की स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है एक सेंटीमीटर का हजारवा हिस्सा या एक मिलीमीटर का सोवा हिस्सा तो ये तो स्क्रू गेज की रीडिंग है हमें वर्नियर की रीडिंग बतानी वर्नियर की रीडिंग है थर्ड वाली तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थर्ड ट्वेंटी फोर्थ का ओके बच्चों फिर इसके बाद हम बात करते हैं एक आइडियल गैस का टेम्परेचर जो है वो आपने एट प्रेशर जो है वो एट टाइम्स बढ़ा दिया तो आपसे यहाँ पे प्रेशर जो है वो एट टाइम्स बढ़ा हुआ है तो P1 वन माइनस गामा टी गामा इज कॉन्स्टेंट ये एडियाबेटिक की इक्वेशन होती है अब जैसे ही आपने यहाँ पे गामा कितना दिया थ्री बाई टू तो इसका मतलब P1 वन माइनस थ्री बाई टू टी थ्री बाई टू इज कॉन्स्टेंट तो T की पावर थ्री बाई टू प्रपोर्शनल टू P की पावर वन बाई टू यानी टी क्यूब प्रपोर्शनल टू पी यानी कि टी प्रपोर्शनल टू पी की पावर वन बाई थ्री ये तो पहले अपन ने इसको सॉल्व कर लिया गामा के हिसाब से अब इन्होंने क्या बोला है कि प्रेशर को आपने एट टाइम्स कर दिया तो टी डे अपॉन टी इज पी डे अपॉन पी पावर वन बाई थ्री पी डेश कितना है एट टाइम्स ये भी वन बाई थ्री करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा सॉल्व करने पे टू क्योंकि टू की पावर थ्री होता है ना एट तो थ्री से थ्री कट के टू बच जाएगा तो टी डेश है टू टाइम्स ऑफ टी अब यहाँ पे टू पहले टेम्परेचर कितना था 300 हंड्रेड के था 27 का मतलब 300 आ जाएगा केल्विन में तो यहाँ पे टी डेश अगर 300 से डबल होके 600 हो रहा है तो सेंटीग्रेड में क्या आएगा इन डिग्री सेंटीग्रेड 273 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका 25th का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके okay, बेटा तो ये अपना आंसर आ गया इसमें फिर आपके पास यहां पे काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय मास एम इन ट्रेवलिंग सर्टेन डिस्टेंस डी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स देखो जब कांस्टेंट फोर्स होता है ना तो अपन वर्क एनर्जी लगाए तो जो भी वर्क होगा ये सारा का सारा वर्क किसमें कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में मतलब काइनेटिक एनर्जी इज फोर्स इन टू डिस्टेंस क्या ये कहीं भी मास पे डिपेंड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसका मतलब जब ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसके इसमें हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मास चाहे ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो या आंसर जो है वो सेम आएगा ओके बेटा फिर आता अपने पास इस केस में अगला ट्वेंटी क्वेश्चन बोला कि एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रॉन का है अब हमें पता है देखो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जो है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो एक्सेलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो इसका परपेंडिकॉट मतलब बी क्या होना चाहिए जीरो डॉट प्रोडक्ट करो एक्स वाले को एक्स से तो टू एक्स थ्री इंटू वन प्लस फोर इंटू माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री माइनस फोर जीरो सॉल्व करोगे तो एक्स कितना आ जाएगा वन बाई टू इन मीनस पॉइंट फाइव फर्स्ट ऑप्शन ट्वेंटी सेवन का करेक्ट ओके बेटा फिर आते हैं ट्वेंटी एट क्वेश्चन पे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कॉमन सबसे जो यूनिवर्सल फिनोमिना है वो कौन सा है डाया मैगनेटिज्म जो होता है वो हमेशा यूनिवर्सल फिनोमिन होता है हर नेचर में हर एटम में हर सब्सटेंस में होता है बस किसी में रिप्रेजेंट हो जाता है किसी में शो हो जाता है किसी में आ, शो नहीं हो पाता ठीक है लेकिन होता सब में तो ट्वेंटी एट का फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन में देखें थियोरिटिकल आपको ये पूछा है कि कौन सा यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर हो स्विच के फॉर्म में देखो स्विच के फॉर्म में जहां आउटपुट हाई होता है ना और जहां इनपुट लो होता है यहां ट्रांजिस्टर ऑफ स्विच होता है और यहां ट्रांजिस्टर ऑन होता है सेचुरेशन में ट्रांजिस्टर ऑन और कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर ऑफ तो आपका सेकेंड फर्स्ट और थर्ड दोनों रीजन में ट्रांसफर स्विच की तरह काम आता है तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके बेटा फिर आते हम आ, यहां पे बोल रहे हैं कि दो घंटे बाद ये इनिशियल का एक बटा सोलह बचा तो एन नोट रहा होगा फिर एन नोट बाई टू हुआ होगा फिर एन नोट बाई फोर हुआ होगा फिर एन नोट बाई एट हुआ होगा फिर एन नोट बाई सिक्सटीन हुआ होगा कितनी हाफ लाइफ लगी बेटा इसमें एक दो तीन चार हाफ लाइफ यानी कि फोर इन टू टी हाफ कितना है यह टू आर्स तो दो घंटा जो है वो लगा इसमें तो टी हाफ कितना है बेटा टी हाफ है वन बाई टू आर्स आधे घंटे बाद यह आधा हो रहा है तो बोल रहे हैं कि हाफ लाइफ कितना है आधा घंटा यानी कि थर्टी मिनट थर्ड ऑप्शन थर्टी का करेक्ट कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें फिर आते हैं हम हमारे थर्टी वन क्वेश्चन पे थर्टी वन क्वेश्चन में आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है फ्रॉम पॉइंट ए तो और ये तीन सेकंड बाद जमीन के टकराता है देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है इस केस में रूट टू और ये तीन दिया हुआ है इसका मतलब H कितना हो जाएगा नाइन इंटू टेन बाई टू दैट इज फोर्टी फाइव मीटर अगर ये थर्टी है तो ये भी थर्टी ये है हाइट और ये है रेंज आर तो इस केस में बेटा टेन थर्टी क्या हो जाएगा एच बाई आर वन बाई रूट थ्री अब इससे आर कितना आ जाएगा एच रूट थ्री अब आर क्या होता है? एक्स कंपोनेंट ऑफ इनटू टाइम एच दिया हुआ है तो तो कितना कितना था? 3. तो इससे Vx कितना आ जाएगा? X component of velocity is 15, root 3. अब फेका ही हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब सारी स्पीड जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी इसका मतलब velocity equals to Vx, 15, root 3. कोई इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका थर्टी वन का ओके फिर इसका हम आगे बढ़ते हैं थर्टी टू में आपको बोला है कि टावर से एक एम के ऑब्जेक्ट को ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक रहे हैं और दूसरे को जमीन से छोड़ उसी पोजीशन से छोड़ रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा देखो सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन क्या हो जाएगा एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू अपॉन एम वन प्लस एम टू अब हम इसको फेंके या छोड़े उससे कोई मतलब नहीं एक्सेलरेशन तो केवल से ही निकालोगे ना आप तो ये माइनस ऑफ जी फिर एम मास माइनस ऑफ जी अपॉन टू एम तो इट वुड बी माइनस जी इसका मतलब जो एक्सलरेशन है वो टेन का होगा जी की वैल्यू टेन होती है ना माइनस का मतलब क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं जी डाउन ओके योर ऑप्शन विल बी जी डाउन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन थर्टी थ्री की थर्टी थ्री क्वेश्चन में आपको यहां पर एक पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवाया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो हमें पता है कि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है मतलब जैसे जैसे थीटा एंगल बढ़ता है रस्सी का टेंशन कम हो जाता है मिनिमम पॉइंट बॉटम पॉइंट पे मैक्सिमम टेंशन और टॉप पॉइंट पे मिनिमम टेंशन तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा टेंशन डिक्रीज होगा सिंपल लॉजिक लगा लो नीचे टेंशन मैक्सिमम होता है ऊपर मिनिमम होता है अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि थर्टी डिग्री पे टेंशन टी वन है थर्टी डिग्री फिर एक सिक्सटी डिग्री एंगल पे टी टू है तो इसका मतलब थीटा टू जो है वो ज़्यादा है थीटा वन से टी T2 कम होगा T1 से तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा मेरे पास थर्ड ऑप्शन T1 ज्यादा होगा T2 से। यानी कि 30 डिग्री वाली पोजीशन पे टेंशन ज्यादा होगा इस केस में कोई कंफ्यूजन इसमें फिर आता है थर्टी फोर थर्टी फोर में आपको बोला है कि रिजल्टेंट ए और बी का रिजल्टेंट देखो यहां पे ए और बी का रिजल्टेंट का मतलब होता है उनका एडिशन का रिजल्टेंट ठीक है इस बात से कंफ्यूज मत होना कि सब्सट्रक्शन का या मल्टीप्लिकेशन का बाय डिफॉल्ट हमेशा एडिशन का रिजल्टेंट होता है तो ए और बी का रिजल्टेंट जो है वो इधर है मान लो अब हमें पता है कि जो रिजल्टेंट जो है वो बड़े वेक्टर की तरफ झुकता है तो अगर ये ए बड़ा है ए बड़ा है बी से तो कन्फर्म एल्फा छोटा होगा बीटा से ठीक है अगर ए बड़ा है तो एल्फा छोटा हो जाएगा इस केस में अपना कौन सा ऑप्शन है तो ए बड़ा है तो एल्फा छोटा होगा यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है तो ये थर्ड ऑप्शन आ गया देखो बड़े वेक्टर की तरफ जो है रिजल्टेंट शिफ्ट होता है ओके और अगर दोनों बराबर होते तो बीचों बीच हो जाता है ना थर्टी फाइव में आपको यहां पे पूछा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब ही नहीं है ई इक्वल टू क्या होता है बी इन सी तो बी क्या हो जाएगा ई बाय सी e की वैल्यू सिक्स अपॉन सी सी कितना हो जाएगा यहां पर थ्री इंटू टेन टू दावर एट सो दिस इज टू इंटू टेन टू दावर माइनस एट अब आप वैल्यू को देखेंगे तो ए की वैल्यू मैच कर रही है इसलिए डायरेक्शन से परेशान होने की जरूरत नहीं है ओके okay, बेटा फिर आपके पास आता है अगला सेक्शन जिसमें आपको फिफ्टीन में से फोर्टीन क्वेश्चन टेन क्वेश्चन करने चलो आपको यहां पे एज्यूम करना है एज्यूम देट uh, वेवलेंथ 6000 उजेंड एक्स्ट्रॉज कमिंग फ्रॉम स्टार व्हाट द लिमिट ऑफ रिजोलूशन ऑफ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोपेक्टिव डायमीटर दिस इंच में दिया हुआ है कोई बात नहीं बेटा तो यहां पे आपके पास जो एंगुलर रिजोल्यूशन का फॉर्मुला होता है वो होता है कितना दिया हुआ है सिक्स थाउजेंड टू दावर माइनस टेन एक इंच होता है टू सेंटीमीटर तो 100 इंच का मतलब कितना हो जाएगा 254 सेंटीमीटर को लिखो 10 तो टू द पावर माइनस टू ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट योर क्वेश्चन तो सॉल्व करने पर आपका जो आंसर यहाँ पे बनेगा बेटा वो बनेगा इस केस में अब बच्चों यहाँ पे इसी की के हम कैलकुलेशन करें तो इस केस में यह आ जाएगा वन पॉइंट टू टू इंटू सिक्स टेन टू दावर माइनस सेवन डिवाइड बाई टू फिफ्टी फोर ऊपर जाके फिर माइनस फाइव ठीक है अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो देखो सिक्स और जोड़ोगे तो मैं जोड़ो लिखू तो ये टेन पर माइनस सेवन तो यहाँ पे देखो ये आंसर तीन से थोड़ा सा कम बनेगा तीन से थोड़ा सा कम ऑप्शन एक ही है मेरे पास ठीक है तो मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है अप्रोक्सिमेशन आपको कैलकुलेशन में यहाँ करना होगा ओके बच्चों फिर आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे 37 क्वेश्चन में आपको यहां पर एक वेसल जो है डेप्थ टी इज हाफ फिल्ड विद ऑयल ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो यहां पे एक कंटेनर में आपने टी बाई टू डेप्थ को तो म्यू वन से भर दिया और बची हुई टी बाई टू को आपने म्यू टू से भर दिया अब आपसे वर्चुअल डेप्थ पूछा तो डी डे क्या हो जाएगा जो ये टी बाई टू डेफ्थ है वो तो हो जाएगी म्यू वन टाइम्स और जो ऊपर वाला टी बाई टू डेफ है वो हो जाएगा म्यू टू टाइम्स तो यहाँ पे टी बाई टू आप कॉमन निकालें म्यू वन म्यू टू का एल्शियम लें और ये आ जाएगा म्यू वन प्लस म्यू टू तो डी डेष डी डेष हो जाएगा यहाँ पे टी बाई टू म्यू वन प्लस म्यू टू अपॉन टू ये अपना कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा है फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा ओके बच्चों फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फोटो इमेसिज सेल से विद एक्स एक्जीक्यूटिंग वेवलेंथ लेंथ लेमडा ठीक है यहाँ पे इसमें पे अपन ने वेवलेंथ लेमडा स्पीड डाला है फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितना है वी एक्साइटिंग वेवलेंथ इज चेंज तो यहाँ पे अगर हम एक्साइटेड किया देखो एक्साइट है बेसिकली तो एक्साइट अगर कर रहे हैं तो इस केस में देखो अगर ई इक्वल्स टू फाइव प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो ये हो जाएगा एच सी बाई लेमडा इज फाइव प्लस के पहली इक्वेशन बाद में अपन ने वेवलेंथ को लेमडा बाई फोर कर दिया इज फाइव प्लस के तो इस केस में देखो के डिश मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन तो यहां ऐसा करते हैं इसको लिख देते हैं फोर एच सी बाई लेमडा इज फाइव प्लस के डिश अब एच सी बाई लेमडा को मैं लिख सकता हूं फाइव प्लस के फाइव प्लस के डेश, है ना, ये के डेश है तो के डेश कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से फोर के प्लस थ्री फाइव ओके अब अगर सोचो फाइव जीरो होता तब तो केडेश फोर के डेश 4K के बराबर होता लेकिन केडेश तो फोर के से भी ज्यादा है ना क्योंकि आपने कुछ ऐड किया है केडेश फोर के डेश 4K में कुछ ऐड हुआ है तो केडेश तो फोर के से भी ज्यादा आएगा इसका मतलब जो वेलोसिटी आएगी वो टू वी से भी ज़्यादा आएगी मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कितनी आएगी वो तो फिर कैलकुलेशन से पता चलेगा लेकिन टू वी से ज़्यादा आएगी ये कंफर्म है ओके okay, बेटा बच्चों यहाँ पे थर्टी नाइन क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो टकराता है दूसरे ऑब्जेक्ट से जो कि रेस्ट में टक्कर के बाद वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट की जो स्पीड है उससे डबल स्पीड किसकी है सेकेंड की तो इसकी टू वी डिश मान लेता हूं मैं तो मोमेंटम इक्वेशन जब आप लगाएंगे बेटा तो क्या बन जाएगा एम वी इक्वल टू एम वी डे प्लस एम टू वी डेष तो वी डेष कितना हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा v बाई थ्री अब यहाँ पे आप e इक्वेशन लगाएं तो स्मॉल e क्या होता है सेपरेशन अपॉन अप्रोच सेपरेशन कितना हो जाएगा इस केस में ये हो जाएगा टू वी डे से वो जा रहा है वो वीडेश से पीछा भी कर रहा है सेपरेशन स्पीड क्या है टू वी डे माइनस वी डिश अपॉन वी तो इसको आप सॉल्व करोगे तो टू वी बाई थ्री माइनस ऑफ वी बाई थ्री अपॉन वी तो ये कितना हो जाएगा वी बाई थ्री अपॉन वी यानी कि वन बाई थ्री तो यहाँ ई e हो जाएगा वन बाई थ्री फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कोई कन्फ्यूजन इसमें उसके बाद आएगा थर्ड थर्टी नाइन थर्टी नाइन की बात करें तो इस केस में फ्रिक्वेंसी जो है वो ट्यूनिंग फॉक की सी की कंपैरिजन में तो सी की आ, आपको बताना है a और b को अगर एक साथ बजाएं तो कितने बीट्स आएंगे तो यहां पे देखो सी के कंपेरिजन में तीन परसेंट कम है ऐसा करता हूं मैं एक बार देखो सो के आसपास ऑप्शन दिए ना मैं सी को सो मान लेता हूं तो ए की कितनी कम है तीन परसेंट ज्यादा तो ए की फ्रिक्वेंसी आ जाएगी तीन परसेंट ज्यादा यानी कि सो प्लस तीन वन जीरो फाइव वन जीरो थ्री फिर बी की फ्रिक्वेंसी कितना है यहाँ प्लस थ्री परसेंट करना था यहाँ माइनस टू परसेंट करना है तो सो का टू परसेंट यानी कि माइनस टू नाइनटी एट अब आपसे पूछें कि अगर ए और बी को एक साथ बजाए तो फाइव बीट आने चाहिए देखो आ रहे हैं इसमें फाइव का डिफरेंस आ रहा है सही मानी तो ए की फ्रीक्वेंसी कितना ऑप्शन ठीक है 103 40 का अपना थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल हो जाएगा ऑप्शन काफी हेल्प करेंगे इसमें आपकी फिर इसके बाद हम बात करते हैं फोर्टी वन में फोर्टी वन में ए बोल रहे हैं कि एक बॉक्स का वेट uh, आपने मेजर किया है तो वो 2.3 पॉइंट है अब 2.3 पॉइंट और यहाँ पे आप सोने के दो टुकड़े बॉक्स uh, में है डाल दे तो बॉक्स का कुल मास कितना होगा तो देखो 2.3 पॉइंट को आप 20.15 और 20.17 ये सा ग्राम में है ये भी ग्राम में है और ये एक अकेला के में तो टोटल वेट यो वेट का मतलब एक्चुअली मास है ये तो यहां पे आपको है ना तो यहां पे टोटल मास आपसे पूछा गया है तो टोटल मास कितना होगा अब देखो यहां पे और इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा है पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं अपन एम वन और एम टू में बड़ा कौन है एम टू माइनस एम वन तो ट्वेंटी पॉइंट माइनस ट्वेंटी पॉइंट फिफ्टीन कितना है पॉइंट जीरो टू ये सिग्निफिकेंट फिगर वाइज भी देखें तो करेक्ट है क्योंकि दोनों में पॉइंट के बाद दो दो एस है तो आंसर में भी पॉइंट के अपना जो एस आ रहा है वो कितना आ रहा है डिफरेंस आ गया इसमें अब यहाँ पे करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से हम देखें तो अपना डिफरेंस पॉइंट जीरो टू आ गया इसके बाद अपन को यहाँ पे एक पूछा है कि टोटल मास कितना है तो टोटल मास के लिए अपन को क्या करना होगा यहाँ पे इसमें टोटल इसको ऐड करेंगे तो देखो बीस ग्राम और ट्वेंट ट्वेंटी पॉइंट वन सेवन ग्राम को अगर आप ऐड करोगे तो भी 2.3 पॉइंट में कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा ऐसा तो नहीं कि देखो बाकी ऑप्शन देखो 2.8 पॉइंट कोई आपने सौ सौ आठ तीन के बाद कितना पांच सौ ग्राम के आपने ढाई ढाई सौ ग्राम के थोड़ी आपने डाले ऑब्जेक्ट तो ये 2.8 पॉइंट कंफर्म गलत ये कंफर्म गलत ये कंफर्म गलत तो आपका बचा क्या फिर यहाँ पे एक ही तो ऑप्शन बचा थर्ड ऑप्शन तो इवन 2.3 पॉइंट से आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बाकी दोनों पॉइंट टू ग्राम दिया हुआ डिफरेंस तो ये आपका ऑप्शन ईजीली आ जाएगा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ओके तो फोर्टी वन अपना बन गया फिर उसके बाद फोर्टी टू की बात करते हैं फोर्टी टू में आपको बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आई है इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशियंट गामा है तो इसका टेम्परेचर डेल्टा सीटा से बढ़ाते हैं तो देखो आई क्या होता है आई होता है टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे डी आई आपसे पूछा है डी आई क्या हो जाएगा टू बाई फाइव एम टू आर डॉट डी आर डिफरेंस निकाल दो ठीक है अब यहाँ पे आपको आ, एरर अगर निकालना है तो डी आई बाई आई इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ डी आर बाई आर ये एरर वाला मेथड ये कहता है ना कि रिलेटिव एरर आप ऐसे निकालोगे रिलेटिव एरर जो है वो टू टाइम्स हो जाएगी क्योंकि आई जो है वो आर की दो पावर पे डिपेंड कर रहा है ठीक है तो इस केस में अब टू डी आर अब यहां टू कैसे निकालोगे डी आर अपन आर हो जाएगा एल्फा डेल्टा थीटा डी आई अपोन आई एल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा टू आई इधर ये हो जाएगा गामा बाई थ्री डेल्टा थीटा तो ये जाएगा टू बाई थ्री गामा डेल्टा थीटा आई ये मेरा सेकेंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बन जाएगा कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें ओके फिर हम बात करते हैं फोर्टी थ्री की फोर्टी थ्री में परसेंटेज हीट कन्वर्टेड इन टू वर्क डन आइसोबेरिक प्रोसेस देखो आइसोबेरिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू डब्ल्यू और डेल्टा यू ये होता है एन सी पी डेल्टा टी मैं डेल्टा यू को आगे लिख देता हूँ क्योंकि उन्होंने इसी हिसाब से आपको वर्क डन और हीट का रेशियो पूछा हीट और वर्क डन का रेशियो है ना तो ये हो जाएगा एन सी बी डेल्टा अच्छा इसमें केवल इतने ही पूछा है ना तो अपन डायरेक्ट देखो ये रेशियो तो निकाल लेंगे परसेंटेज हीट तो वर्क कितना आ जाएगा पी डेल्टा वी पी डेल्टा वी को मैं क्या लिख सकता हूँ एन आर डेल्टा टी अब देखो यहाँ पे सीपी की वैल्यू कितनी आती है सीपी की वैल्यू हो जाएगी एफ बाई टू प्लस वन आर तो एफ बाई टू प्लस वन आर के हिसाब से देखें तो यहां पे कौन सा है डाइटमिक गैस है ना तो ये हो जाएगा मेरे पास फाइव बाई टू प्लस वन आर यानी कि सेवन बाई टू तो यहां पे ये तो डन आ गया इसको अगर आप लिखना चाहो तो इसको आप क्या लिखोगे सेवन बाई टू एन आर डेल्टा टी अब सेवन बाई टू से मल्टीप्लाई किया तो टू बाई सेवन से मल्टीप्लाई कर दो अब ये जो है ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एनसीपी डेल्टा टी एन सी पी डेल्टा डी क्या होता है तो ये आ जाएगा। तो वर्क डन जो है वो कितना है टू बाई से टू हंड्रेड बाई सेवन देखो टू टेन होता तो तीस परसेंट आता तीस परसेंट से कम वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है मुझे ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव तो अप्रोक्सीमेशन करें कैलकुलेशन में आपका इजिली आंसर बन रहा है ओके बेटा फोर्टी थ्री हो गया अपना बच्चों हम बात करते हैं फोर्टी फोर क्वेश्चन में आपको स्टडी स्टेट में कैपेसिटर पे वोल्टेज पूछा है तो देखो स्टडी स्टेट में कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट जाएगा नहीं तो करंट तो ऐसे जाएगा ना तो करंट कितना हो जाएगा टोटल वोल्टेज टू वी माइनस वी अपॉन आर प्लस टू आर ये कितना हो जाएगा वी बाई थ्री आर फिर इसके बाद में इस टू आर पे ड्रॉप निकालता हूं तो इसको मैं आई जो टू आर पे ड्रॉप आएगा डेल्टा वी जो टू आर पे आएगा ये आएगा I इं टू टू आर तो ये हो जाएगा V बाई थ्री आर इन टू टू आर टू वी बाई थ्री अब टू वी बाई थ्री का ड्रॉप यहां आ गया तो आपके पास जो ये दो पॉइंट बचेंगे A और B उनमें डिफरेंस कितना आएगा देखो इसको देखते हैं अपन तो वी बी माइनस वी ए जो आएगा वो आएगा टू वी माइनस वी एक्रॉस टू आर उसको माइनस कर दो क्योंकि यहां पॉलिरिटी ऐसे बनेगी ना प्लस माइनस तो टू वी माइनस टू वी बाई थ्री इसका मतलब ये आएगा फोर वी बाई थ्री अब फोर वी बाई थ्री का डिफरेंस अगर इस ब्रांच में देखो यहां अगर फोर वी बाई थ्री का डिफरेंस है तो यहां भी डिफरेंस कितना रहेगा फोर वी बाई थ्री का लेकिन कैपेसिटर तो कटा हुआ है ना तो खाली इस ब्रांच को मैं अलग से बना रहा हूं कैपेसिटर वाली ब्रांच को देखो यहां पे 4v वी बाई का डिफरेंस है मतलब अगर मैं यहाँ जीरो वोल्ट मान लेता हूँ और ये वी वोल्ट है तो यहाँ फोर वी बाई थ्री होना चाहिए तो ये डिफरेंस कितना है देखो इन दोनों का डिफरेंस तो जो वी सी आएगा वो आएगा फोर वी बाई थ्री माइनस वी मतलब कि वी बाई थ्री ये मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा ओके बच्चों नेक्स्ट पे आते हम हम फोर्टी फोर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये यह बोला है कि वाटर जो है एक पानी नल से बाहर निकल रहा है और इसका डायमीटर इतना दिया हुआ है तो देखो नल से जब पानी बाहर निकलेगा तो बाद में उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका डायमीटर कम हो जाएगा यहाँ आने का डायमीटर कुछ कम हो जाएगा ना ये पानी का तो इस केस में आपको सबसे पहले तो वी वन दिया हुआ है वी टू एच और यहाँ लग रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो वी टू क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस टू ए एस एस बोल दो या h बोल दो कोई इशू नहीं है तो v1 स्क्वायर कितना हो जाएगा इस केस में v1 हो जाएगा मेरे पास इनिशियल स्पीड कितना दिया है पॉइंट ज़ीरो फोर काफ़ी कम है g की वैल्यू कितना है टेन और h h कितना दिया है एट इंटू टेन टू पावर माइनस वन तो भी ये ऑलमोस्ट स्पीड जो है वो फोर के आसपास आएगी है ना फोर से थोड़ी सी ज्यादा लेकिन नेगेजिबल अमाउंट इसलिए कोई दिक्कत नहीं तो फोर स्पीड क्या था? हमारे पास अब क्या होता है ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू तो आपको डी वन स्क्वायर बाई फोर वी वन पाई डी टू स्क्वायर बाई फोर वी टू तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा बेटा पानी की जो स्ट्रीम है उसका डायमीटर पूछा है तो डी टू कितना हो जाएगा डी वन D1 कितना दिया इन्होंने ये दिया हुआ है 8 इंटू टेन पावर माइनस थ्री इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है पॉइंट जीरो फोर अपॉन ये फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है फोर तो फोर से फोर ये कटेगा एट इंटू टेन पावर माइनस थ्री और ये आ जाएगा फोर बाई फोर हंड्रेड वन बाई हंड्रेड यानी कि एट इंटू टेन टू दावर माइनस फोर तो ये देखो इस केस में आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है अप्रॉक्सिमेशन में थर्ड ऑप्शन बन रहा है बाकी ऑप्शन तो दूर दूर है ना इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी ना इजीली आपका आंसर बन रहा है तो तो एक बार तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के वी निकाले और फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दें ये आपका आंसर आ जाएगा ओके बच्चों फिर हम आते हैं हमारे फोर्टी सिक्स क्वेश्चन पे फोर्टी सिक्स क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रोल करता हुआ तो किस केस में ज्यादा हाइट तक चढ़ेगा देखो जब एच वन तो कब uh, है जब टोटल सरफेस। होगी तो केवल ट्रांसलेशनल एनर्जी कन्वर्ट होती है एम जी एच टू में अब हमें बताए तो टोटल एनर्जी ज्यादा होती है इसका एच वन ज्यादा होगा मतलब रफ के, के केस में ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा हाइट अचीव करेगा तो 46 का बिल्कुल आसान सा यहां हिंट है। ओके बच्चों अब हम बात करते हैं फोर्टी की तो फोर्टी में आपको देखो एक ऑब्जेक्ट गिवन है सिस्टम को हम कितने एक्सलेशन से ऊपर लेके जा रहे हैं 2.2। तो देखो जो T1 है उसको पूरे सिस्टम का एम बैलेंस करना है यानी कि 12 प्लस एट जी प्लस ट्वेल्व प्लस एट को जो है वो एक्सेलरेशन भी तो प्रोवाइड करना है तो ये जाएगा ट्वेंटी जी प्लस ए ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट प्लस टू पॉइंट टू ये जाएगा टू फोर्टी न्यूटन तो टू फोर्टी न्यूटन ए की मारा मेरा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ गया देखो तो टी वन निकालते आपका आंसर आ गया ठीक है टी टू भी चेक कर ले कोई दिक्कत नहीं वो भी आ जाएगा उसके बाद हम आते हैं फोर्टी एट पे फोर्टी एट में आपको एक लूप दिया हुआ है जिसका एरिया दिया हुआ है रजिस्टेंस दिया हुआ है ये एरिया याद रखना ये आ, कौन सा वाला एरिया इसमें जो लूप का एरिया है वो और रजिस्टेंस आपको टेन दिया हुआ है तो ये वाला एरिया जो लूप का है ना ये वाला एरिया आपको दिया हुआ है रजिस्टेंस दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है तो पॉइंट फोर साइन फिफ्टी पाई टी टेस्टला मैग्नेटिक फील्ड है तो ये बोल रहे हैं कि इतने टाइम में तो देखो बी टीक्वस टू जीरो पे कितना है जीरो टी इक्वस टू टेन एम पे ये कितना आएगा पॉइंट फोर साइन फिफ्टी पाई टी का मतलब है टेन एम तो टेन इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री सॉल्व करेंगे तो यह आएगा पॉइंट फोर साइन पाई बाई टू साइन पाई बाई टू मतलब पॉइंट फोर तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना चेंज हुआ आप देखो आपसे क्या पूछा है डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू होता है डेल्टा फाइव बाई आर ये हो जाएगा एरिया बी टू माइनस बी वन डिवाइड आर एरिया कितना आपको फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री पॉइंट फोर का डिफरेंस आया आर कितना है इसके इसमें टेन ओम तो ये हो जाएगा टू इंटू टेन टू दावर माइनस फोर कुलम तो टू इंटूर माइनस फोर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ओके बच्चों फिर इसका आता है फोर्टी नाइन पे तो फोर्टी नाइन में फोर्टी नाइन में आपको कोएर्सिविटी दिया हुआ है एक मैग्नेट को डी मैगज करने के लिए तो कोएर्सिविटी बेटा एक अपोजिट डायरेक्शन में जो फील्ड लगाते हैं वो होता है अब यहां फील्ड जो है वो आप आ, कैसे लगाओगे सोलड में रखे तो एच क्या होता है बी अपॉन म्यू नॉट यानी कि एन आई तो ये तो आपको दिया हुआ है थ्री इं टू टेन टू दी थ्री एन कितना दिया है हंड्रेड टर्न है टेन सेंटीमीटर में यानी कि ये स्मॉल एन की वैल्यू और ये आई तो आई कितना आएगा इससे आपके पास ये आएगा आपके पास थ्री इं टू टेन टू द थ्री डिवाइड बाई टेन टू द थ्री सो आई इज थ्री एम्पियर तो थ्री एम्पियर सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ओके बेटा फिर इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे लास्ट क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि इस 500 हंड्रेड ऑम पे फाइव वोल्ट आ रहा है तो आपको आर टू की वैल्यू बतानी देखो अगर फाइव हंड्रेड वोल्ट इस पर आ रहा है तो रेशियो में कितना आएगा वन और फाइव के रेशियो में डिवाइड हुआ होगा फाइव वोल्ट इस पर आया तो मतलब वन वोल्ट इस पर आएगा वन और फाइव तो इस पूरे कॉम्बिनेशन पे कितना आ गया सिक्स वोल्ट तो बच्चा हुआ सिक्स इसको मिला होगा वोल्टेज बराबर मिलने का मतलब क्या है कि ये दोनों रेजिस्टेंस भी बराबर रहे होंगे इसका मतलब 400 हंड्रेड इक्वल टू ये कितना है बेटा 600 और R2, टू सिक्स प्लस आर मतलब 600 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 400 के बराबर रहा होगा तभी 6 और 6 डिवाइड हुआ इक्वल तो यहां पे ये जीरो से जीरो उड़ाओ चौबीस सौ प्लस फोर आर टू एक आर्टु। तो आर्टु कितना हो जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड ओम तो इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ तो बच्चों यहाँ पे हमने पूरा डिस्कशन कंप्लीट किया है उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको काफी इजीली सॉल्व किया होगा और आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे ओके बच्चों अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल मजबूत बनाए रखें इसी लेवल के नीट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें पूरा कॉन्फिडेंट रहें आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपकी तैयारी बहुत अच्छी आपने करी है पिछले तीन महीने से आप लगातार पेपर दे रहे हैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सारे पेपर दें और नीट की भी तैयारी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जारी रखें ओके बच्चों थैंक यू ऑल द बेस्ट हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ दिनेश दादीच टीम केमिस्ट्री सी एल सी दंगल ट्वेल्व का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन है सिक्सटी फोर प्लस सी एल माइनस एस माइनस टू एंड सी ए प्लस टू एंड इलेक्ट्रॉनिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देर साइज इसमें जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है साइज क्या होती है इंक्रीज होती है और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज क्या होती है डिक्रीज होती है हमारे पास आयन है के प्लस सी एल माइनस एस माइनस टू एंड सी ए प्लस टू अगर इनकी साइज का ऑर्डर चेक करें तो आईसओ इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में सबसे बिगर साइज का कौन होगा एस माइनस टू क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या हो गया इंक्रीज हो गया तो एस माइनस टू सबसे बिगर साइज का हो जाएगा फिर कौन हो जाएगा सी एल माइनस पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगी तो इसके बाद के प्लस और इसके बाद सी ए प्लस टू ये इनकी साइज का ऑर्डर रहेगा तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर करेक्ट डी स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन है एन टी में पी ब्लॉक में सेम लिखी हुई है। अगर बोरोन की रिएक्शन आप एन एच के साथ करवाते हैं बोरोन एलिमेंट की रिएक्शन एनएच के साथ करवाते हैं तो एन एच के साथ रिएक्शन करके बोरिक एसिड के सोल्ट का फॉर्मेशन करता है एन ए थ्री बीओ थ्री प्लस एच टू गैस क्या कर देता है रिलीज कर देता है अगर पी फोर की NaOH के साथ करवाते हैं वैसे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों हो सकता है बट है तो NaOH के साथ करवाते हैं तो एक तो बन जाता है अपने पास PS3 थ्री और एक बन जाता है अपने पास प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड का सोल्ट एन एच टू पीओ टू का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम लोग S8 या सल्फर की रिएक्शंस NaOH के साथ करवाते हैं, तो भी ये क्या देता है? बिल्कुल फोस्फोर्स नॉन मेटल की तरह। सल्फर भी डिस्पर्पोर्शन रिएक्शन शो करता है, एक तो बना देता है Na2S और एक बना देता है अपने पास Na2S2O3 ये बन गया अपने पास सोल्ट ऑफ हाइपो तो यह अपने पास तीनों रिएक्शन सही है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास फोर्थ स्टूडेंट्स नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अरेन्जमेंट आर अकॉर्डिंग टू गिवन कैरेक्टर कुछ डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर गिवन है उनके बारे में अपने को डिस्कस करना है ऑप्शन फर्स्ट है एच एफ एच बी आर एच सी एल एच बी आर और एच आई इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में इधर से इधर जा रहे हैं हम लोग तो क्या हो रहा है बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है एच प्लस का रिलीज होना क्या हो जाएगा इजियर हो जाएगा तो एचआई इस से एचआई स्ट्रांग एसिड हो गया तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाते हैं एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सही ऑर्डर है नेक्स्ट है वही सेम एचएफ एचसीएल एचबीआर और एचआई अगर इनकी बात करें तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग करेक्टर आई माइनस होता है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ऐसे बॉन्ड डिसोशियन एनथेल से समझा दे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी समझा दे तो एच आई सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो यह करेक्टर भी क्या हो गया सही हो गया यह करेक्टर भी सही हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपने पास गिवन है एफ टू सी एल टू बी आर टू और आई टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथेल्पी का ऑर्डर पूछ रहा है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथेल्पी के ऑर्डर में एफ कहा शिफ्ट हो जाता है नॉन पेड नॉन पेड रिपल्सन के कारण F2 यहां शिफ्ट हो जाता है तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो गया रॉन्ग हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अपने पास कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो इएन क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड हो तो ये इएन रहती है अपने पास 2 2 2.5 2.75 एंड 3.25 नियर अबाउट तो इएन क्या होती है इंक्रीज होती है कौन-कौन से स्टेटमेंट सही हो गए फर्स्ट सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही हो गया तो देखिएगा ए सही है और कौन सा सही है बी भी सही है सी नहीं है डी सही है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर चेक करें तो कौन सा हो जाएगा यह वाला ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट लिक्विड होना चाहिए और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होना चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में थर्ड ग्रुप से लेके 11थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ठीक है जिनके आउटर मोस्ट टू सेल इनकंप्लीट होते हैं तो इसमें अगर चेक करें तो अपने पास टू कौन से ब्लॉक का हो गया पी ब्लॉक का हो गया अगर पी ब्लॉक का है पी ब्लॉक का हो गया तो अपने पास क्या हो गया Br2 एच जी डी ब्लॉक का तो है लेकिन क्या नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है गैलियम खुद क्या उनसे हो गया पी ब्लॉक का हो गया तो हम यह कह सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स है वो कौन से के हो गए ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा ओके okay? नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मैम स्पिन ओनली मैग्नेटिक फॉलोइंगली मैग्नेटिकट स्टूडेंट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट को अगर हमें लिखना होगा तो हम ये कंसीडर करेंगे कि कौन से वाला केवल कंसीडर करना है स्पिन के कारण ही कंसीडर करना है अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही कंसीडर करना है अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिख सकते हैं तो टीवी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर मोस्ट सेल का होता है वो होता है फोर एफ नाइन फाइव और सिक्स एस अगर यहाँ से टी बी प्लस फोर लिखा जाए तो हम कह सकते हैं 4f कितना हो जाएगा सेवन हो जाएगा फाइव डी और सिक्स एस हो जाएगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें जो होंगे वो कितने हो जाएंगे सेवन सेवन नंबर ऑफ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे अगर सेवन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये सबसे क्या हो जाएगा टर्बियम सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट रखेगा तो कौन सा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट नेक्स्ट द मेटल फॉर्म सोल्ट लाइक हाइड्राइड बाई द डायरेक्ट सिंथेसिस एट इलेड टेम्परेचर द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस हाइड्राइड अगर इन हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी को चेक करना है अपने पास जो फर्स्ट ग्रुप है एल्किली मेटल्स इनके हाइड्राइड अपने पास गिवन है अपने पास है एल आई एच अपने पास एन ए एच के एच आरबीएच और सी एस एच डिफरेंट डिफरेंट एल्कि मेटल्स के जो हाइड्राइड है उनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है लेटिस एनर्जी पे और जो लेटिस एनर्जी होती है यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर प्लस प्लस आर माइनस तो किसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी एल आई एच की लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और सी एस एस की लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी सबसे कम जिसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी ज्यादा रहेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी एल आई एच की ज्यादा होगी हो देन तो अपने पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा अपने पास एल आई एच एनएच के एच आरबी और सी एच सेकेंड जो अपने पास ऑर्डर है वो सही हो जाएगा नेक्स्ट सॉफ्ट मेटल ए फ्लेम वेस्ट व्हेन बर्न इन क्रोम येलो पाउडर बी ऑन रियक्शन गिव्स द एल्के स्टूडेंट्स सॉफ्ट मेटल जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एस ब्लॉक मेटल्स होते हैं सॉफ्ट मेटल होते हैं इनमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट ए है जो फ्लेम टेस्ट में येलो कलर दे रहा है आप अगर जानते हैं तो सॉफ्ट मेटल में हम लोग ये कह सकते हैं लिथियम पोटेशियम लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम और सीजियम अगर इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर देखे तो इस में से वोलेट कलर किसका होता है फ्लेम टेस्ट में पोटेशियम का जो कलर होता है वो कैसा होता है वॉयलेट कलर होता है फ्लेम टेस्ट में अब ये एक्सिस ऑफ ओ के साथ रिएक्शन करता है पोटेशियम ओ के साथ रिएक्ट करता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शन कर सकता है लिमिटेड ओ हो तो ये क्या बना सकता है सिंपल ऑक्साइड बना सकता है ओ एक्सिस में हो तो परोक्साइड भी बना सकता है और सुपर ऑक्साइड भी बना सकता है जब ये सुपर बनाता है तो के जो बनता है वो किस कलर का होता है येलो कलर का पाउडर होता है ओ माइनस 2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं येलो कलर का पाउडर होता है ठीक है अब केओ2 की रिएक्शंस केओ2 की रिएक्शंस H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपने पास बेस बनता है KOH प्लस एक बनता है H2O2 क्योंकि तो सुपर ऑक्साइड की रिएक्शंस H2O के साथ करवा रहे होते हैं तो H2O2 भी रिलीज होता है और O2 भी रिलीज होता है तो अगर हम आइडेंटिफाई करें, तो कौन सा मेटल होना चाहिए पोटेशियम मेटल होना होना चाहिए। चाहिए? और किसका फॉर्मेशन सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होना चाहिए और सिंपल जो परोक्साइड है उसका हाइड्रोलिस करते हैं तो हाइड्रोक्साइड और एच का ही फॉर्मेशन हो पाता है तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड ओके स्टूडेंट नेक्स्ट सेवेंटी वन विच इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में करेक्ट ऑर्डर बताना है बी टू है बी टू का अगर अपन बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे तो बी टू है अपने पास उसमें आउटरमोस्ट सेल में अगर बी टू की एमओटी टी सभी की एमओ टी देख लेते हैं एक बार बी टू की अगर एमओ टी बनाए तो बी टू की एमओ टी इस तरह से हो जाएगी ये अपने पास बोरोन होता है ये अपने पास पी के तीन ऑर्बिटल हो जाएंगे अगर इसकी अगर एमओटी बनाना चाहें तो ये बन जाएगा ये और ये ये क्या हो गया 2s और ये क्या हो गया 2p ये 2s और 2p अब बोरोन की एमओटी 1 2 यहां अपने पास टोटली फोर इलेक्ट्रॉन और यहां पे बोरोन की एमओटी बनाना चाहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा वन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन टू तो क्या हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा क्या हो जाएगा अपने पास पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बॉन्ड ऑर्डर वन हो जाएगा टू डिवाइडेड बाई टू और मैग्नेटिक हो गया C2 की एमओटी अगर बनानी हो तो सेम टाइप में C2 की एमओटी बनती है C2 की बनाएंगे, तो तो 2p इलेक्ट्रॉन है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रहेगा टूपी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रहेगा टूपी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रहेगा टोपी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रहेगा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वन टू वन टू तो कितना हो जाएगा वन टू थ्री फोर बोन्ड ऑर्डर कितना हो गया फोर डिवाइडेड बाई टू बोन्ड ऑर्डर हो गया टू सही है पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है cl2 टू की बात करें तो cl2 टू में MOT अपने पास जो होगी जस्ट लाइक ए एफ टू की तरह होगी एफ टू की अगर बातचीत करेंगे तो अपने पास जो पी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह से होगा पी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ये अपने पास हो जाएगा पी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से ठीक है और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे क्या हो जाएंगे अपने पास वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ये होगा टेन इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया वन अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और बॉन्ड ऑर्डर कितना हो रहा है वन पॉइंट फाइव ओटू की एमओटी हम जानते ही हैं अगर ओटू की एमओटी बनाएंगे तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहां पे दो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा टू हो जाएगा तो ये भी कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो गए सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो गए ए बी सी डी सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट चेक करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ पीसीएल फाइव जब पीसीएल फाइव क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है तो पीसीएल फाइव अपने पास पीसीएल फोर प्लस प्लस पीसीएल सिक्स माइनस के फॉर्म में रहता है अब हमें स्टेटमेंट केटाइन इज ऑक्टाइड्रल ये जो होता है वो टेट्राइड्रल होता है टेट्राइड्रल शेप में होता है और एनाइन होता है वो किस शेप में होता है ओक्टा हेड्रल में होता है sp3 d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ओके okay. एनाइन इज ए टेट्राइडल तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया रॉन्ग हो गया PCL लेंथ इज हायर इन एनाइन जैसे ही फोर्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा P और सीएल की लेंथ है वो क्या हो जाएगी बॉन्ड लेंथ लार्जर हो जाएगी तो एनआईन की जो लेंथ रहेगी वो कैसी रहेगी लार्जर रहेगी ओके डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इनऑर्गेनिक बेंजीन इनऑर्गेनिक बेंजीन की बात करें तो हम लोग इनऑर्गेनिक बेन्जिन में कुछ स्टेटमेंट गिवन है उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं सिक्स सिग्मा बोन्ड थ्री पाई पाइबोंड सिग्मा बोन्ड के बारे में डिस्कशन करना है इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं ये हमने बनाया बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन और बोरोन इनऑर्गेनिक बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं एच 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 और एच और नाइट्रोजन के पास नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बोरोन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बोन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा ये कोऑर्डिनेट बोन्ड बनेगा और ये कोऑर्डिनेट बोन्ड बनेगा इसकी स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग हमें बोन्ड के बारे में बताना है तो यहां बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन भी एसपी होता है और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन भी एसपी टू होता है प्लेनर स्ट्रक्चर होती है तो हम बात करें ओनली सिक्स एस पी टू एसपी टू सिग्मा बॉन्ड एंड थ्री पी पीपाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बात तो बिल्कुल सही है लेकिन ओनली सिक्स सिग्मा बॉन्ड नहीं है नेक्स्ट ट्वेल्व एस पी टू एसपी टू सिग्मा बॉन्ड नो क्या है ये बॉन्ड तो एसपी टू एस पी टू सिग्मा बॉन्ड है सिक्स एस पी टू एसपी टू सिग्मा बोड सिक्स एस पी टू एसपी टू सिग्मा बोन्ड एंड सिक्स एसपी टू टू सिग्मा वन, टू, थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स एसपी टू एसपी टू सिग्मा बोन्ड बिल्कुल सही है और क्या हो गया सिग्मा बोन्ड एंड थ्री पाई बिक्स एस पी टू एसपी सिगमा बोन्ड एंड सिक्स एस पी टू सिग्मा बोन ये एस पी और हाइड्रोजन की कौन सी और बैटल काम आती है S सिग्मा बोन एंड थ्री पी पाई पीपाई कोर्डिनेट बोड थ्री पी पाई पीपाई क्या हो गए कोर्डिनेट बोन बोरोन की भी पी और बैटल काम में आ रही है और नाइट्रोजन की भी पी और बैटल यूज हो रही है ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस ए मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इज ऑब्टेन इन द रेशियो 50:50 व्हाट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड कोई डियर स्टूडेंट्स ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है ये क्या हो गया ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस हो गया ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस की रिएक्शंस हुई वाई के साथ तो 50% डी बन रहा है और 50% एल बन रहा है जो ए और बी का रेशियो हो रहा है इसमें क्या हो रहा है एक बार y के साथ रिएक्शन हो रही है तो जो y यहां आ रहा है एक बार y के साथ रिएक्शन हो रही है तो y यहां आ रहा है तो दोनों में 50 50 प्रोजेक्ट परसेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर यह हो रहा है तो क्या हो जाता है इंटरमीडिएट क्या रहा होगा कार्बोकेटाइन रहा होगा और यहां पे अपने पास कार्बोकेटाइन जो रहा होगा C2H5, CS3 और H कार्बोकेटाइन प्लेनर रहा होगा जिसके फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी अटैक हो सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी अटैक होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन से डी बनता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन से एल बन रहा होगा तो 50 फिफ्टी परसेंट एल डी और एल का इक्विमोलर मिक्सचर बन जाता है इसे हम कहते हैं रेसेमाइजेशन तो कौन सा आंसर सही है रेसेमाइजेशन अपने पास इस करेक्ट हो जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी

जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे कम होंगे तो अगर ये प्रोडक्ट देखें तो ये प्रोडक्ट अपने पास क्या हो गया रोंग प्रोडक्ट हो गया अगर करेक्ट प्रोडक्ट बनता तो क्या बनना चाहिए था सी एस थ्री सी एच ओ एच और सी एस थ्री मेजर प्रोडक्ट अपने पास ये वाला बनना चाहिए था तो ये क्या हो गया रोंग हो गया मेजर प्रोडक्ट नहीं है अगर हम बात करते हैं सी एस ऑप्शन की सेकेंड ऑप्शन में अपने पास कोई एल ग्रुप है एन के साथ रिएक्शन करवा रहा है डी स्टूडेंट्स एन क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है और CHO को किस में कन्वर्ट करता है सी OH में कन्वर्ट करता है और इसने क्या कर दिया ऑक्सीडेशन इसका करेक्ट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था सी एच थ्री सी टू सी एच थ्री और अपने पास सी का सी और क्या होना चाहिए था सी ओएच OH होना चाहिए था ये प्रोडक्ट क्या हो गया रॉन्ग प्रोडक्ट हो गया इसलिए ये सीक्वेंस सीक्वेंस ये रिएक्शंस रॉन्ग है अगर हम कहते हैं अपने पास ये हो गया एस्टर एस्टर की रिएक्शंस एक इसमें एस्टर ग्रुप है और एक इसमें कीटोनिक ग्रुप है इसकी रिएक्शन NaBH4 के साथ करवा रहा है NABH4 reducing agent होता है, जो कार्बोनाइल को तो एल्कोहल में रिड्यूस कर देता है बट एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है एस्टर को reduce नहीं करता है, तो इसने ये वाला ये वाला क्या हो गया रॉन्ग हो गया क्योंकि इसका अगर प्रोडक्ट बनता अपने पास तो ये बन जाता ओ OH और सी एच टू सी डबल बोन्ड ओ और ओ सी एस 3 ये प्रोडक्ट इस वाले ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशंस देखते हैं बेंजीन की रिएक्शंस H2SO7 ओलियम के साथ करवाते हैं तो सल्फोनेशन हो गया बिल्कुल सही है सल्फोनेशन इसकी रिएक्शन NaOH के साथ गर्म कराएं एनएउस के साथ करवाएं गर्म करें और एच प्लस के साथ तो एसएन2 मैकेनिज्म से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फिनोल बनता है ये फिनोल तो ये वाली रिएक्शंस क्या होगी करेक्ट रिएक्शन होगी तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट ज बिटवीन ग्लेक्टोज एंड ग्लूकोज इन प्रजेंट इन होता है एक मोनोसेक्राइड्स होता है अपने पास ग्लेक्टोज और दूसरा मोनोसेक्राइड होता है ग्लूकोज अब इसमें हमें ये जानना चाहता है कि किसमें कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है तो डी स्टूडेंट्स अगर इसकी स्ट्रेक्चर को हम कंफर्म करें तो अपने पास इसकी स्ट्रक्चर में एक तो होता है अपने पास बीटा डी ग्लेक्टोज होता है बीटा डी ग्लेक्टोज की बात करें तो ओ एच ओच, एच ओ एच एच ओ एच एच और हम बोलें तो जो ग्लेक्टोज होता है वो किसका ग्लूकोज का सीफोर एपिमर होता है ये अपने पास क्या हो गया बीटा ग्लेक्टोज बीटा डी ग्लैक्टोज अगर अपने पास ये होता है अपने पास ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज ओ एच एच ओ एच एच थर्ड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट ओ एच एच ओ एच 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 और सी एच टू ओ एच ये इनमें कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है ग्लेक्टोज गलेक्टोज गाताओ ग्लेक्टोज का कौन सा काम में आता है सी वन काम में आता है और ग्लूकोज का कौन से काम आता है सी फोर काम में आता है यहां से एच टू ओ रिलीज हो जाता है और क्या बन जाती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाती है तो सी वन कार्बन तो ग्लेक्टोज का, का काम आ रहा है और सी फोर कार्बन किसका आ रहा है ग्लूकोज का, का काम आ रहा है कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में प्रोडक्ट हमें डिस्कस करना चाहता है एक रिएक्शन है जिसमें बी आर टू और एनओ टू मेटा पोजिशन पे लगे पेरा पोजिशन पे लगे और रिएक्शंस का प्रोडक्ट जानना चाहता है अगर इस रिएक्शंस को हम चेक करें तो सबसे पहले अपने पास Br2 Fe के साथ रिएक्ट करता है तो ये प्रोडक्ट जो अपने पास बनता है वो क्या हो जाएगा ब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट बन जाएगा ये CH3 हो गया और ये अपने पास NO2 हो गया यहां पे ESR रिएक्शंस हो जाएगी और Br2 CH3 ग्रुप होता है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है तो इसकी ऑर्थो पोजिशन पे रिएक्शंस होके ये प्रोडक्ट बन जाएगा अब अगर इसका आप रिडक्शन करवा देते हैं तो एनएस टू ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है एनओ टू ग्रुप एनएस टू में कन्वर्ट हो जाता है ये हो गया अपने पास सी एच ये अपने पास हो गया बी आर और ये अपने पास हो गया एनओ टू ग्रुप एनएस टू में कन्वर्ट हो गया इसकी रिएक्शंस आप Na, और HCl से करवा देते हैं तो क्या हो गया सोल्ट बन जाएगा बेंजीन डाइ एजोनियम सोल्ट की रिएक्शन एस थ्री पीओ टू के साथ करवा देते हैं तो यह किसमें कन्वर्ट कर देता है इसे रिड्यूस करके सी एस थ्री बी आर और ये बना देगा इसकी जगह एच दे देगा इसकी रिएक्शन केवनोर एच प्लस करते हैं तो अपने पास जो बेंजाइलिक कार्बन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है सीओ एच में कन्वर्ट हो जाता है तो इस रिएक्शन का अगर प्रोडक्ट आप चेक करोगे तो सीओ एच और बी आर ये प्रोडक्ट इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा कौन सा ऑप्शन और है ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट नेक्स्ट हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन है और स्टेटमेंट पूछ रहा है अक्सर ऐसा क्वेश्चन नीट में आ जाता है अपने पास लिखा है सीएफ टू सीएफ टू को टेफलोन कहते हैं डी स्टूडेंट्स सी एफ टू सी एफ टू अगर मैं इसका पोलिमराइजेशन कर देता हूं तो इसका पोलिमराइजेशन करने से अपने पास सी एफ टू सी एफ टू ये एन पॉलीमर होता है और इसका नाम भी क्या होता है टेफ्लोन इसका नाम होता है टेफ्लोन इसका नाम होता है अगर हम कहते हैं एक्रिलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CH और CN इसका अगर, अगर अपन पॉलीमर कर देते हैं पॉलीमराइजेशन तो अपने पास बन जाएगा CH2 CH CN और अपने पास इसको हम क्या कह देते हैं ओरन कहते हैं इसको पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं और ओरलोन भी बोलते हैं ओरलोन भी इसका नाम होता है अगर हम बोले द स्ट्रक्चर ऑफ लो डेंसिटी पोलीएथीन इज हाइली ब्रांस अगर थर्ड ऑप्शन को अगर होगा, होगा, मान लो कोई है, highly branched तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा डेंसिटी डी इज इक्वल टू एम बाई वी हाईली ब्रांसड हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी लो हो जाएगी बिल्कुल सही है वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा और डेंसिटी लो हो जाएगी बैकलाइट एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड कंडेंसेशन पॉलीमर टेरलिन होता है टेरलिन भी बोल देते हैं और डेक्रोन भी बोल देते हैं टेरलिन और डेक्रोन किसके पॉलीमर होते हैं एक तो होता है अपने पास टर्थेलिक एसिड टर्थेलिक एसिड और अपने पास इथाइलिन ग्लाइकोल का कंडेंसेशन पॉलीमर होता है बिल्कुल तो ये कंडेंसेशन पोलिमर है अपने पास बेकेलाइट फिनोल और फॉर्म का कंडेंसेशन पॉलीमर होता है लेकिन पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड की अगर बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl तो ये कैसा पॉलीमर होता है एडिशन पॉलीमर बनाता है CH2 CH और Cl कैसा पॉलीमर होता है एडिशन पॉलीमर होता है तो ये दो तो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है लेकिन ये कौन सा पॉलीमर हो जाएगा एडिशन पॉलीमर हो जाएगा तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ओके डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डी स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट सेटिल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड इज ए पॉपुलर कैटायोनिक डिटर्जेंट एंड यूज एज ए हेयर हैंड कंडेक्टर ठीक है हेयर कंडीशनर में यूज किया जाता है बिल्कुल एनसीआर में ऐसा का ऐसा ये स्टेटमेंट देखेंगे डिटर्जेंट्स वगैरह का तो आपको बिल्कुल एनसीआरटी में ऐसी लाइन टू लाइन मिलेगी करेक्ट स्टेटमेंट है एस्प्रिन यूज टू ए प्रिवेंट हार्ट अटैक बिसाइड बींग एंटीसेप्टिक एंड अनाल एजेंट गजेंप्रिन की स्ट्रक्चर देखेंगे एनसीआरटी में और एस्प्रिन से रिलेटेड आप

एट ए कुकिंग टेम्परेचर इट इज यूज्ड इन कोल्ड फूड्स ये तो बिल्कुल सही है एस्पार्टेम होता है कोल्ड फूड्स में काम आता है लेकिन ये किस पे स्टेबल नहीं होता है कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता है लोअर टेम्परेचर पे स्टेबल होता है तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट एन हेक्जेन की रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ फ़ॉल्स। एन की सीआर टू क्रोमियम ऑक्साइड और ऑक्साइडी एम पे कर रहा है तो ये रिएक्शन कैसी होगी एरोमेटाइजेशन एरोक्शन होगी जिसमें एन एनजेन है वो किसका फॉर्मेशन करता है का। और ये बेनजीन की क्या होगी दोनों अरेजुनेटिंग स्ट्रेक्चर होगी CH4 की रिएक्शन H2O के साथ करवाते निकिल कैटालिस्ट की प्रजेंस में तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है दिस मेथड इज अडोप्ट इन द मॉडर्न प्रोडक्शन ऑफ द डाई हाइड्रोजन बिल्कुल हाइड्रोजन बनाने के फॉर्मेशन में NCERT में लिखा हुआ है कि CH4 की रिएक्शन H2O के साथ करेंगे तो CO और H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन सी एस टू सी एस टू एस टू पीडी पी डी एन आई सी एस थ्री पीटी एंड पी डी कैटालिस्ट द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर बट द रिएिविटी एट हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर आज रिक्वायर्ड विथ निकिल कैटालिस्ट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पी टी एंड पी डी कैटालाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर बट द रिलेटिवली हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड फॉर द निकिल केटालिस्ट निकल कैटालिस्ट पुअर कैटालिस्ट होता है तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है अगर फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो सी एस थ्री सी को लेता हूं और इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूं तो ये कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया और कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस की जो रिएक्शंस होती है सी एस रेडिकल मैकेनिज्म होती है सी रेडिकल बनता और सी रेडिकल सी रेडिकल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता एथेन का फॉर्मेशन करता तो एथेन बनता इसमें अपने पास गिवन क्या है सी गिवन है तो ये प्रोडक्ट क्या हो गया रॉन्ग प्रोडक्ट हो गया तो ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन होगी फॉल्स रिएक्शन होगी ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट चेक करते हैं अपने पास गिवन है सीएस थ्री सीएच डबल बोर्न सीएस टू प्रोपीन गिवन है 81 क्वेश्चंस में इसकी रिएक्शंस बी टू के साथ करवा देते हैं सी फोर की प्रेजेंस में तो अपने पास क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू बी टू का कैसा एडिशन हो जाएगा एंटी एडिशन हो जाएगा इसकी रिएक्शंस पहले एल्कोलिक एल्कोलिक के के साथ करवाते हैं तो अपने पास एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा सी सी एच सी एच बी आर और एलकिन का फॉर्मेशन इसकी रिएक्शन हम लोग एन एन टू के साथ करवा देते हैं तो एन एन टू के साथ करवाएंगे तो सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए का फॉर्मेशन हो जाएगा और एच प्लस देंगे तो ये क्या बन जाएगा एच प्लस देंगे तो सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्रोटोनेशन हो जाएगा इसका अगर रेड होट एफी ट्यूब ले लें तो रेड होट एफी ट्यूब से रेड होट एफी ट्यूब ले लेते हैं तो रेड होट एफी ट्यूब में अपने पास क्या बन जाता है तो अपने पास पूछा क्या है, विल बी द प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट सी क्या बेटा ये वाला प्रोडक्ट सी ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया आफ्टर प्रोटीनेशन प्रोडक्ट क्या हो गया सी हो गया तो अपने पास कौन सा हो गया प्रोपाइन एजे प्रोडक्ट हो गया ओके स्टूडेंट्स एटी टू क्वेश्चन हमारे पास गिवन है सी एच थ्री सी ट्रिप डबल बॉन्ड सी एच डबल बोन सी एच टू प्रोपीन गिवन है प्रोपीन की रिएक्शंस एक बार एच बी आर के साथ करवा रहे हैं किसकी परजेंस में परोक्साइड की प्रेजेंस में PH सी डबल O ओ सी डबल बॉन्ड और पी एच परोक्साइड की प्रेजेंस में परोक्साइड में जो एच परोक्साइड की पर्जेंस में HBr का जो एडिशन होता है वो कौन सी मैकेनिज्म से होता है रेडिकल मैकेनिज्म से होता है और प्रोडक्ट जो बनता है CS3CH2CS2Br ये वाला प्रोडक्ट अपने पास बनता है ठीक है अगर अपने पास HBr से अटैक करवाएं इसी की रिएक्शन केवल HBr से तो कौन सी मैकेनिज्म होती है होती है और आयोनिक तो मैके पास प्रोडक्ट बनेगा सी एस थ्री सी एच बी आर और सी एस थ्री वाला प्रोडक्ट अपने पास बन जाएगा यहाँ कार्बोकेटाइन क्या रहेगा मोर स्टेबल रहेगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ए वाला तो हो जाएगा वन ब्रोमोप्रोपेन और बी वाला हो जाएगा टू ब्रोमोप्रोपेन थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट एटी थ्री क्वेश्चन करेक्ट आई यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग अगर इसमें हमें नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग इस साइड से इस साइड से करें तो वन टू इस साइड से वन टू थ्री तो यहां पे तो वन सब वन पे ही सब्सटीट्यूएंट आ रहा है वन टू थ्री फोर और फाइव तो नाम क्या हो गया दो सब्सटीट्यूएंट में अपने पास दो तो क्या हो गए ब्रोमो हो गए एक क्या हो गया फिनाइल हो गया एल्फाबेटिकली कौन पहले आता है ब्रोमो पहले आता है तो टू थ्री डाइ ब्रोमो वन फिनाइल पेंटेन क्या हो जाएगा करेक्ट आईयूपी नाम हो जाएगा ओके द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रेक्चर कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रेक्चर गिवन है एक नंबर दो नंबर और तीन नंबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के कुछ रूल हम डिफाइन करते हैं फर्स्ट रूल होता है नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब चार्ज नहीं होता है वो वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है इन तीनों में से सबसे मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी वो फर्स्ट हो जाएगी क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है फिर हम कहते हैं जिसमें

और फिर कौन सी हो जाएगी सेकेंड ऐसा ऑर्डर कौन सा है हुआ फर्स्ट हो गया थर्ड हो गया सेकेंड हो गया थर्ड वाला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 86. पोजिशन आइसोमर्स क्या है पहले ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड किस तरह के आइसोमर्स हो गए एक में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है एक में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो किस तरह के आइसोमर्स हो जाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे सेकंड और थर्ड की बात करें तो ये क्या हो गया इसमें कीटोन कौन से नंबर पे सेकंड नंबर पे इसमें कीटोन कौन से नंबर पे आ गया थर्ड नंबर पे तो थर्ड नंबर पे कौन से आइसोमर्स हो गए पोजिशनल आइसोमर्स हो गए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगर हम सेकंड और फोर्थ की बात करें तो सेकंड में कौन सा है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और फोर्थ में कौन सा एल फंक्शनल ग्रुप आ गया तो ये किस तरह के आइसोमर्स हो गए की बात करें तो थर्ड और फोर्थ में लिखते हैं देखना, third और fourth. अगर देखते हैं सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू और सीओच ओ ये तो हो गया अपने पास थर्ड और फोर्थ थर्ड और फोर्थ को ये फर्स्ट हो गया जिसमें कौन सा ग्रुप है देख लो एल डी एड ग्रुप है अगर थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं तो थर्ड और फोर्थ भी कैसे हो गए फंक्शनल आइसोमर्स तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो रहा है सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट विच मेथड इज यूज फॉर द सेपरेशन सेपरेट डाइस्टिमर्स डाइस्टीरियोमर्स को किस मेथड से सेपरेट किया जा सकता है डाइस्टीरियोमर्स के पॉइंट में डिफरेंस होता है तो बॉइलिंग पॉइंट में जिनमें डिफरेंस होता है उनको किससे सेपरेट तो किस से कर, से कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट करते हैं तो डाइस्टीरियोमर्स को किससे सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं नेक्स्ट एक कंपाउंड है जिसकी एनए एन ए के साथ रिएक्शंस करवाई जाती है तो प्रोडक्ट क्या होगा डी स्टूडेंट्स रिएक्शंस को पहचानिए एक की रिएक्शंस ओ का मतलब होता है सीएल टू प्लस एनएच इस तरह की रिएक्शंस लेते हैं तो आपको पता है ये डिसप्रोपोर्शनेट होके NaOCl बना लेता है तो रिएक्शंस कैसी होगी हेलोफॉर्म रिएक्शंस होगी हेलोफॉर्म रिएक्शंस में ये जो कार्बन है वो तो क्या बना लेता है हेलोफॉर्म बना लेता है और ये क्या बन जाता है सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता है तो ऐसा देखना कौन से वाले में है ऐसा अपने पास लिखा हुआ है इस वाले में सेकंड ऑप्शन में देखना सेम कंपाउंड है ये तो क्या बना लिया सोल्ट ऑफ एसिड बना दिया और ये क्या बन गया हेलोफोम प्रोडक्ट बन गया तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके पीएचसीएचओ एटी एट पीएचसीएचओ अगर इसकी रिएक्शंस की बात करें और कंसेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शंस करवा रहा है कंसट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शंस करवा रहा है तो ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा एच एब्सेंट है अल्फा एच एब्सेंट है तो कौन सी रिएक्शंस हो जाएगी फेमस नेम रिएक्शंस होगी जिसे हम कहते हैं केनीजारो रिएक्शंस में और केनीजारो रिएक्शंस में एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल यूटिलाइज होते हैं उनमें एक को तो क्या हो जाता है एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है और एल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है तो एल्सिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है तो क्या बन जाएगा ऑफ एसिड बन बन जाएगा जाएगा और एक क्या रिड्यूस होके एल्कोहल बना लेगा देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन नहीं है सेकेंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन नहीं है फोर्थ ऑप्शन नहीं है तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट चेक करते हैं

इसे दो एसिड में दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा तो मैं फोर से इसे नहीं कर सकता अगर मैं सोडियम मेटल तो दोनों दोनों के पास क्या है है एक्टिव एच है। दोनों किसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देंगे अगर मैं आई टू और एनएच लेता हूं तो फेमस कौन सी रिएक्शंस होगी हेलोफॉर्म रिएक्शंस होगी ये वाला हेलोफॉर्म रिएक्शंस नहीं देगा और ये वाला हेलोफॉर्म रिएक्शंस दे देगा तो दोनों की डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होगी न्यूट्रल एफी थ्री तो किसको आइडेंटिफाई करने के काम आता है फिनोल को आइडेंटिफाई करने के काम आता है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट बेंजीन की रिएक्शंस ए बेंजीन की रिएक्शंस हम किसके साथ करवा रहे हैं बेंजीन की रिएक्शंस बेंजीन की रिएक्शंस है बेंजीन है और बेंजीन की रिएक्शंस सीएच थ्री सी एच टू सी एल और एएलसीएल3 से तो डियर स्टूडेंट्स देखना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हुई क्या ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस करवाते हैं तो ए अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा टू CH2 टू और Cl ये अपने पास बन जाएगा फिर इसकी रिएक्शंस KMnO4 के, के साथ करवाते हैं डियर स्टूडेंट्स की रिएक्शंस KMnO4 के, के साथ करवाएंगे तो कौन सा हो गया बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन हो गया और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा ये इसे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा इसकी रिएक्शन एन के साथ करवा रहे हैं और साथ में हीट कर रहे हैं तो क्या बन जाता है एनएस के साथ रिएक्शंस करवा के हीट करते हैं तो अपने पास प्रोडक्ट के रूप में अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा सी डबल बोन्ड और एनएस अब इसकी रिएक्शंस हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं Br2 और KOH के, के साथ करवा रहे हैं तो डी स्टूडेंट्स याद है फेमस कौन सी रिएक्शंस होगी हाफमेन ब्रोमामाइड रिएक्शंस होगी और हाफमेन ब्रोमामाइड रिएक्शंस में एक कम कार्बन का क्या बनता है अमाइन बन जाता है तो अपने पास क्या बन जाएगा एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा ये अपने पास एनिलीन बन जाएगा कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओके डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टूडेंट आई एफ सेवन लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड के साथ मैच करना है तो जो स्ट्रेक्चर होती है वो पेंटागोनल बाई पैरामेडल स्ट्रेक्चर हो जाएगी पेंटागोनल बाई पैरामेडल स्ट्रेक्चर है वो कैसी हो जाएगी स्ट्रेक्चर अपने पास नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगी और सिमेट्रिक होने के कारण कैसा हो जाएगा अपने पास सिमेट्रिक होने के कारण अपने पास आई एफ 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 और एफ अपने पास कैसा हो जाएगा अपने पास नॉन पोलर हो जाएगा तो अपने पास ये इससे साथ मैच हो जाएगा एसओ टू एसओ टू में कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है SO2 में अपने पास हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और sp3 होने के साथ एक नॉन पेयर होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वी शेप हो गया तो प्लेनर तो हो गया लेकिन क्या हो गया पोलर हो गया कौन सा मैच कर रहा है फर्स्ट वाला मैच कर रहा है SF4 में हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें कैसा हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया अपने पास नॉन प्लेनर भी हो गया और पोलर भी हो गया और अगर सी एस टू का देखे तो कैसा डबल कैसा हो गया प्लेनर भी हो गया और कैसा मैच कर रहा है फर्स्ट के साथ, वाला कर रहे। के साथ फर्स्ट वाला मैच कर रहा है और एस के साथ थर्ड वाला तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके डी स्टूडेंट स्टूडेंट नेक्स्ट चूज करेक्ट स्टेटमेंट सी एस थ्री ओ एच इज लेस एसिडिक देन एस आई थ्री ओ एच एक अपने पास सी एस थ्री ओ एच है। एक अपने पास एस आई एच थ्री ओ एच की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो क्या बना लेते हैं कॉन्जुगेटेड बेस बना लेते हैं ये हो गया अपने पास CS3, o और ये अपने पास कौन हो गया si, H3 और o यहां अपने पास कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती है यहां सिलिकॉन के पास वैकेंट वैकेंट डी ऑरबाइटल होती है और वेकेंट डी ऑर्बिटल होगी तो ये क्या हो जाएगा बेक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा और कॉन्जुगेटेड बेस है वो क्या हो जाएगा मोर स्टेबल हो जाएगा मोर स्टेबल हो जाएगा अगर मोर स्टेबल हो जाएगा तो इस वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी पहला स्टेटमेंट है सी एस थ्री ओ एच इज लेस एसिडिक देन एस आई थ्री ओ एच बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है सेकेंड वाला एस सी एस थ्री ओ एच इज मोर एसिडिक देन एस आई थ्री तो कैसा हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट BF3 एफ थ्री हैव मोर length एफ बॉन्ड लेर माइनस नहीं री स्टूडेंट्स थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं BF3 हो गया BF3 में बोरोन के पास क्या होती है वैकेंट पी और होती है वैकेंट पी और होने के कारण यहाँ क्या हो जाएगी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी 2p 2p बैक बॉन्डिंग कैसे करैक्टर आ जाएंगे डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाएंगे जबकि BF4 में BF4 बनेगा F F F, F और F तो यहां बोरोन के पास क्या नहीं रहेगी वैकेंट और वाइटल नहीं रहेगी ऑलवेज कैसे करेक्ट रहेंगे सिंगल बॉन्ड के करेक्ट रहेंगे तो कौन सी बॉन्ड लेंथ स्मॉलर होगी बी एफ हो थ्री वाली बॉन्डलेंथ स्मोलर होगी बी एफ थ्री मोर बी एफ बॉन्ड तो स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया हम कह रहे हैं बी एफ थ्री एंड बी एफ फोर एवं सेम बीएफ लेंथ नहीं किसकी स्मॉलर होगी बी एफ थ्री की स्मॉलर होगी तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट विच एज द मैक्सिमम ई एन नाइन्टी सेवन मैक्सिमम ई एन इफेक्टिव एटोमिक नंबर इफेक्टिव एटोमिक नंबर कैसे काउंट कर लेते हैं क्रोमियम का एटोमिक नंबर कितना होता है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है एटॉमिक नंबर 24 फोर ईडीटीए कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है ईडीटीए की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है सिक्स होती है तो अगर हमें यहाँ पे सबसे पहले तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेनी चाहिए क्रोमियम की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अक्स मान लेते हैं इस पर कितना चार्ज होता है ईडीटीए पे माइनस फोर चार्ज होता है और ये कितना हो गया माइनस फोर इक्वल टू अपने पास माइनस वन हो गया तो अक्स इक्वल टू प्लस थ्री हो गया अक्स इक्वल टू प्लस थ्री हो गया तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर माइनस थ्री ट्वेंटी वन प्लस ट्वेल्व कितना हो जाएगा थर्टी थ्री इसकी इन हो जाएगी अगर इसकी इन की बात करते हैं कोबाल्ट तो सेकेंड में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी चेक कीजिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री होगी अगर ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ट्वेंटी सेवन एटोमिक नंबर होता है ये ट्वेंटी फोर प्लस कितना हो जाएगा इन बाइडेंटेड लिगेंड होता है तो टी इन ट्वेल्व कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स हो जाएगा अगर थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं एफ ई का होल ट्राइज माइनस थ्री की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी प्लस थ्री तो ये हो गया अपने पास ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेल्व कितना हो जाएगा थर्टी फाइव हो जाएगा अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं फोर प्लस माइनस टू तो यहां निकल का एटॉमिक नंबर होता है ट्वेंटी एट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू तो ट्वेंटी सिक्स प्लस कितना हो गया एट कितना हो गया थर्टी फोर थर्टी फोर हो गया तो सबसे ज्यादा नंबर कौन से में हुई नंबर सेकेंड वाले ऑप्शन में हो जाएगी तो नाइनटी सेवन का सेकेंड करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट, करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स अपने पास ये कॉम्प्लेक्स गिवन है इसका करेक्ट आई नाम लिखना है सीएल को क्लोरिडो कहते हैं NO2 टू नाइट्रो कहते हैं इन को इथाइलिन हैं कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, में है तो हम लोग बोल सकते हैं प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अल्फाबेटिकली इन्हें चेक करें तो पहले क्या आ जाएगा क्लोरिडो फिर क्या आ गया नाइट्रो अगर हम चेक करें तो क्लोरिडो बीस इथाइलिन डाइएमिन नाइट्रोकोबाल्ट थर्ड क्लोराइड बिल्कुल अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स और थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है नेक्स्ट टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म प्रजेंट इन द पेंटाएमाइन नाइट्रोक्रोमियम थर्ड क्लोराइड डी स्टूडेंट्स पहले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये देखते हैं कि ये कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है अगर कॉम्प्लेक्स बनाए तो अपने पास लिखा हुआ है क्रोमियम थर्ड क्रोमियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है पेंटा एमाइन एनएस थ्री कितना हो गया फाइव हो गया और अपने पास हो गया नाइट्रो, uh, NO2 टू और क्लोराइड क्लोराइड कितने ले लें प्लस वन चार्ज इस पे हो, माइनस इस पे हो गया माइनस टू तो यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है थ्री आ रही है देखो थ्री आ रही है क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है क्या नहीं ऑप्टिकल जो एम ए फाइव बी टाइप का होता है

ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल भी शो नहीं कर रहा है ज्योमेट्रिकल कहां से शो होती है एम ए फोर बी टू टाइप से स्टार्ट होती है तो कौन कौन सी आइसोमेटिजम शो कर रहा है ये अपने पास लिंकेज और आयोनाइजेशन बी एंड सी आइसोमेटम शो कर रहा है तो ये वाला ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स फोर कॉम्प्लेक्स निकिल्स द कॉम्प्लेक्स विच विल बी एट्रैक्ट बाई द मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट बाई द मैग्नेटिक फील्ड मतलब कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए पेरा मैग्नेटिक होना चाहिए पैरा मैग्नेटिक होना चाहिए पैरा मैग्नेटिक में फर्स्ट वाला हमने लिखा एनआई सीएन फोर माइनस टू अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सीएन कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और डी क्या हो जाएगा निकिल प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो डी एट हो जाएगा और डी एट हो जाएगा तो अपने पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेरिंग हो जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या नहीं है कैसा हो गया डाया मैग्नेटिक हो गया पैरा मैग्नेटिक नहीं है एनआई फोर माइनस टू NiCl4- फोर को देखें तो Cl कैसा हो गया वीक लिगेंड हो गया वही Ni+2 ऑक्सीडेशन में स्टेट में और D8 हो हो गया वीक लिगेंड हो जाएगा तो अपने पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन टू अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए तो कैसा हो गया पैरा मैग्नेटिक हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा अगर हम NiCO4 की बात करें तो NiCO4 में NiCO4 इसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये क्या होता है D8 होता है और S2 होता है 4S2 3D8 अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो S वाले इलेक्ट्रॉन किस में आ जाते हैं S वाले इलेक्ट्रॉन D में शिफ्ट हो जाएंगे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने टेन इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन कैसा हो जाएगा डाया मैग्नेटिक हो जाएगा अगर एनआईए की बात करें तो एच टू वीकली प्लस टू तो निकल की प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई और प्लस टू ऑक्सीडेशन में एट इलेक्ट्रॉन हमें फिलअप करने तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट एट इलेक्ट्रॉन फिल किए तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये और ये सेकंड और फोर्थ कौन से में सेकंड और फोर्थ कौन सा ऑप्शन हो गया फोर्थ ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन ओके डी स्टूडेंट्स नीट के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक जेसीएलसी हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हो भाई सब लोग बढ़िया एक बार आपका दंगल 12 में स्वागत है माय नेम इज संजय अग्रवाल बेटा अपन फिजिकल के जो क्वेश्चन है से सेक्शन ए और बी में उनको डिस्कस करेंगे तो अपन क्वेश्चन नंबर 51 से बात करते हैं जो फिजिकल अपने केमिस्ट्री के, के क्वेश्चन है ओके बेटा क्वेश्चन 51 बोलता है द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ सी एच फोर एट एस इज एस पर सी एच फोर मतलब मिथेन के 11.2 लीटर में कुल परमाणुओं की संख्या क्या होगी तो बेटा यहां से अपन को पता लग रहा है कि गैस के लिए बात कर रहा है एस और एन पर दिया है तो अपन इसके लिए मोल्स निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर तो यहां से आपके पास में 0.5 मोल्स आएंगे अब यहां से अपने पास में मॉलिक्यूल यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछता तो अपन डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल देते बट आज हमसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा है ये चीज ध्यान रखनी है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिए अपन क्या करेंगे कुल परमाणु की संख्या टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल इनटू एवेग्रो नंबर इनटू एटम्स यहां से बात करें मोल पॉइंट फाइव इनटू टू एन एन एटम्स कितने होंगे वन और फोर फाइव तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा टू पॉइंट फाइव एन ए इसके अकॉर्डिंगली अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है बेटा तो अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन है फिफ्टी वन के बाद में अपन की बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है लिख लेते हैं अपन को का तुल्यांकी बार पूछ रहा है इक्वलेंट वेट पूछ रहा है इस रिएक्शन में बेटा ये रिएक्शन अपन को समझ में आ रही है डीकंपोजिशन टाइप रिएक्शन है तो इसके लिए अपन जब भी बात करते हैं तो यहां से चार्ज देखें ये प्लस टू ये माइनस टू प्लस टू से प्लस थ्री में जा रहे हैं तो यहां पे एन वन हो जाएगा वन एक ही एटम है वन इंटू वन वन इलेक्ट्रॉन का चेंज माइनस टू से चेक करें प्लस सिक्स में जा रहे हैं तो बेटा यहां पे डिफरेंस जो होगा वो तो फोर नहीं होगा एट होगा माइनस टू से जीरो और जीरो से सिक्स तो एट का डिफरेंस है एक ही एटम है इसका तो यहां से आएगा एट जब भी अपन डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हो विघटन रेडॉक्स अभिक्रिया की, की बात करते हैं और अपन इस स्पीशीज के लिए तुल्यांकी भार वेट की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है वेट वेट इज इक्वल टू इसका मास अपॉन फैक्टर यहाँ पे मोलर मास को तो एम ही लेना है एन फैक्टर इस टाइप की रिएक्शन में दोनों को ऐड कर लेते हैं एन वन प्लस एन टू तो यहां से आएगा वन और एट नाइन तो यहाँ पे ये आएगा एम अपॉन नाइन तो यहां से आपका बेटा कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा कैसे इसकी बात कर ली है यहाँ पे जनरली अपन जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं माइनस टू से सिक्स फोर का डिफरेंस नहीं है एट का है माइनस टू से जीरो और जीरो से सिक्स और फिर दोनों को ऐड करके सिंपल अपन ने फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर दिया है समझ में आती है बात बेटा तो क्वेश्चन फिफ्टी टू का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट बेटा अपन इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री की बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रियक्शन रिएक्शन का टाइप ध्यान रखें फर्स्टर रिएक्शन को दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब फॉल डाउन फ्रॉम एक्स एम टू एक्स बाई थर्टी टू एम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको पता है कि हाफ लाइफ जितना टाइम ले रहा है वो टाइम सेम होता है जब यह हाफ डिकम्पोज होता है तो मैंने बात की एक्स से एक्स बाई टू ये एक हाफ लाइफ हो जाएगी। X by two से अगेन हाफ लाइफ देखेंगे X by four, X by four से अगेन जाएंगे X by eight, X by eight से अगेन जाएंगे X by sixteen और उससे फिर अगेन आगे चलेंगे अपन तो X upon thirty two। यही अपन से पूछा है कि X से लेके X by thirty two तक पहुंचने में आपका कितना टाइम लगेगा टोटल टाइम पूछा है फ्रॉम X m to X upon thirty two m यहाँ पे मोलरिटी की बात कर रहे हैं कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं अपन को पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन को बता दिया है क्वेश्चन ने तो यहाँ पे आपको पता है टाइम पीरियड सारे सेम होंगे कितनी हाफ लाइफ लगी है यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव तो मैं बोल सकता हूं यहां से यहाँ जो टोटल टाइम टेकन है वो टोटल टाइम कितना है यहां से यहाँ टोटल टाइम फाइव टी हाफ है और यहाँ पे टी हाफ अपन को फाइव मिनट दिया है तो फाइव इंटू फाइव यहाँ से आपका आएगा ट्वेंटी फाइव मिनट सिंपल सा क्वेश्चन था किस तरीके से हुआ ये मैंने आपको बताया तो यहां से आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा कैसे इसको अपन बेटा डिस्कस कर चुके हैं तो फिफ्टी थ्री का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसके बाद नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाथ फंक्शन निम्न में से कौन सा पथ फलन है आपको पता है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ साथ इंपॉर्टेंट टू जो होते हैं तो यहां से वर्क और हीट दोनों होगा इसका मतलब ऑप्शन फोर करेक्ट है हम जल्दीबाजी में वर्क देख कर देते हैं फोर्थ ऑप्शन भी हमें देखना चाहिए क्या बोल रहा है बोथ या अब ऐसा कुछ तो नहीं है इसके अकॉर्डिंगली अपन बोलेंगे कार्य और आपका ऊष्मा दोनों पथ फलन होंगे तो यहां से आपका फोर्थ ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहां से फोर्थ ऑप्शन आगे देख लेते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55। for a reaction H2 plus I2, change into 2HI, अपन को दिया है 37.5 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा S अपन को दिया है 150 जूल पर पर मोल।

Pka minus half log C. क्या होगा हाफ पी के माइनस हाफ एप्लीकेबल है जब अपना वीक एसिड हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो वो भी मोनोप्रोटिक हो चाहे मोनोप्रोटिक एसिडिक हो बेस हो चाहे मोनोप्रोटिक बेसिक एसिड हो समझ में आ रही है बात एक क्षारीय होना चाहिए एक अम्लीय क्षार हो या एक क्षारीय अम्ल हो तो इस अकॉर्डिंगली अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हाफ पीके माइनस हाफ लॉकसी कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है ये C है इसको मैं टेनस टू पावर माइनस टू भी बोल सकता हूं फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करते हैं हाफ पी के ये दिया है 4.74 पॉइंट सेवन फोर माइनस हाफ लॉक सी सी की वैल्यू आपको दी है टेनस टू पावर माइनस टू प्रॉपर्टी आपको पता है लॉग एम टू दी पावर एन इज इक्वल टू होता है और लॉग टेन आपको पता है वन होगा बेस 10 पे बात कर रहे हैं तो यहां से ये माइनस टू आपका आगे आएगा क्या मिलेगा टू पॉइंट थ्री सेवन माइनस माइनस टू अपॉन टू लॉक टेन वन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस रहेंगे आपके टू से टू जाएगा तो ये प्लस होके आपको मिलेगा तो यहां से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा तो क्वेश्चन फिफ्टी सिक्स का आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा सिंपल ओस्ट डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग पीएच का क्वेश्चन था फॉर्मूला अप्लाई करना था और उसके अकॉर्डिंग अपन को बात करनी थी चले बेटा आगे इसके बाद सॉलिड स्टेट तो का है इससे रिलेटेड कई बार वो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है जिसमें अपन इनके डायरेक्शंस को बताते हैं डाइपोल्स को बताते हैं डोमेन्स को बताते हैं तो अपन को पता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करता है तो उसमें सारे एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं तो सारे एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं तो यहाँ पे एमएनओ का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा इंपॉर्टेंट है आप बोलोगे डायरेक्ट ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है बिल्कुल बेटा कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी हमसे पूछ लेता है तो यहां से आपका एमएनओ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर ली जो एक दूसरे के साथ रिवर्स चलेंगे और फाइनली कैंसिल आउट करेंगे तो यहां से क्वेश्चन नंबर फिफ्टी की बात करते हैं राउल टू तो लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ आपका सॉल्यूशन चैप्टर का विलियन वाले चैप्टर का आपको बोला है एन आइडियल सॉल्यूशन एक आदर्श विलियन है उसमें 10 मोल एक्स है 20 मोल वाई है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा जिसका प्योर स्टेट में शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब हमें बताया है तो अपन यहां से बात करें तो अपन राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग बात करें टोटल प्रेशर पीएस जो होगा वो आपका पीएक्स और पीएक्स प्लस पीवाई होगा यहां से आपका पीएक्स क्या होगा राउल्ट के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं इसका मोल फ्रैक्शन और इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर का मल्टीप्लाई होगा तो यहां से अपन बोल सकते हैं इसके लिए प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पी नॉट एक्स और इसका मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन मोल भिन्न को एक्स से बताते हैं तो एक्स की मोल भिन्न प्लस पी नॉट वाई वाई की मोल भिन्न अपन मोल भिन्न मोल फ्रैक्शन को एक बार चेक कर लेते हैं तो यहां से एक्स एक्स क्या बोलेंगे खुद के मोल अपॉन टोटल मोल तो टेन अपॉन टेन प्लस ट्वेंटी तो ये आपका आएगा वन बाई थ्री ठीक है जी बेटा वहीं पे y का मोल फ्रैक्शन तो ये दोनों हैं तो इसको वन में से डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं क्योंकि एक सोल्यूशन में उसके जितने भी कंपोनेंट हैं उनके सबके मोल फ्रैक्शन का सम आपको कितना मिलता है बेटा आपको वन मिलता है तो वन माइनस वन बाई थ्री करोगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास में टू अपॉन थ्री सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ से पी आपका आएगा यदि वैल्यूज रखें तो 200 हंड्रेड इंटू वन बाई थ्री प्लस हंड्रेड इंटू टू बाई थ्री तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये आपका रहेगा 400 हंड्रेड अपॉन थ्री इसका मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन यहां से करेक्ट होगा समझ में आती है बात बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिगार्डिंग अ केमिकल प्रोसेस इन शॉर्ट दैट के लिए बात कर रहा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी आपका नेगेटिव होना चाहिए ये बात अपन करते हैं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आपकी इक्वेशन होती है मुझे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करनी है स्वतः प्रक्रम की बात करनी है तो बेटा अपने को यहाँ पे स्पोटेनियस प्रोसेस के लिए बात करना है स्वतः प्रक्रम के लिए बात करना है अपने पास में जो इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अपने पास में इक्वेशन है बेटा यहाँ पे अपन को स्पॉन्टेनियटी देखनी है तो डेल्टा जी अपना नेगेटिव आना चाहिए और ये बोल रहा है एट ऑल टेम्परेचर ये सभी तापों पर बात कर रहा है कि डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आए तो इसके लिए कंडीशंस क्या होगी बेटा इस पे अपन को ऑप्शन चेक करना पड़ेगा अपन ऑप्शन वन की बात कर लेते हैं या अपन को ये नेगेटिव चाहिए यहां से अपन ने डेल्टा एच पॉजिटिव ले लिया ये माइनस है टेम्परेचर ऑलवेज सारे टेम्परेचर पे बात कर रहा है और यहां से ये बोल रहा है डेल्टा जी नेगेटिव तो बेटा ये जरूरी नहीं है डेल्टा जी नेगेटिव आए इस पर भी तो डिपेंड करेगा कि इसका साइन क्या है

बेटा अपन यहां पे बात करें तो देखिएगा ये नेगेटिव है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो ये ओवरऑल पूरा दोनों मिलके हमेशा नेगेटिव ही रहेंगे इस केस में डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगा चाहे कोई भी ले लो और हमें डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव चाहिए एट ऑल टेम्परेचर तभी अपन स्पॉन्टेनिटी के लिए बात करेंगे स्वतःता के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा इस कंडीशन के लिए सभी ताप पर अपना प्रक्रम स्वतः होगा एट ऑल टेम्परेचर ऑल प्रोसेसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है बेटा तो 59 का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कैसे इसकी बात अपन निकल ली है इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 द ई नॉट वैल्यू दिस एंड दिस दे रखा है देन ई नॉट वैल्यू इसके लिए क्या होगी बेटा मैं इनको 1 बाय 1 लिखता हूं अपन को बोला है एयू प्लस के लिए बात की है प्लस इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू एयू इसके लिए मुझे ई नॉट दिया है इसे ई नॉट 1 ले लेता हूं 1.69 वोल्ट बोला है समझ में आ रही है एयू प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन चेंज इन टू एयू यहां पर अपन को इसके लिए इ नॉट टू जो दिया है वो वन पॉइंट फोर जीरो वोल्ट दिया है और हमें इन दोनों की हेल्प से इसके लिए निकालना है किसके लिए निकालना है अपन को निकालना है Au प्लस से ए प्लस थ्री में जाना है अपन को उसके लिए बात कर रहा है कि उसको अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे तो यहाँ अपन बोल सकते हैं ए यू प्लस थ्री प्लस टू इलेक्ट्रॉन इसके लिए E नॉट क्या होगा उसको चेक करना है इन दो रिएक्शन से इसके लिए अपन को लेके आना है आपको पता है बेटा E नॉट जो अपना होता है एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है तो अपन को इसके लिए डेल्टा जी की हेल्प लेनी पड़ेगी डेल्टा जी नॉट के लिए बात करना पड़ेगा तो इसके लिए डेल्टा जी नॉट क्या होगा आपको ये पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस

और अपन इस रिएक्शन के लिए बात करें तो इसके लिए डेल्टा जी नॉट क्या आएगा वो देख लीजिएगा जो अपन को फाइनल देखना है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू तो माइनस एन एफ नॉट से यही होगा बेटा आपका अब मुझे पता लग रहा है कि मुझे ये रिएक्शन लानी है तो एयू प्लस लेफ्ट में चाहिए लेफ्ट में है एयू प्लस थ्री राइट में चाहिए जबकि यहां पे लेफ्ट में है तो इसको मेरे को रिवर्स करके ऐड करना पड़ेगा इसलिए डेल्टा जी नॉट टू जो होगा वो माइनस हो जाएगा तो यहां से मैं रिजल्टेंट क्या बोल सकता हूं यदि मुझे वहां पे लेके जाना है तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट वन माइनस डेल्टा जी नॉट टू यदि सिंपल डायरेक्टली एड करते तो प्लस होता इसको रिवर्स करके एड किया है तो माइनस हो गया यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं माइनस टू एफ ई नॉट इज इक्वल टू माइनस एफ ई नॉट वन माइनस माइनस थ्री एफ ई नॉट टू बोलिए सही बात है यहाँ पे थोड़ा सा अपन माइनस एफ को एक बार हटाते हैं माइनस एफ से माइनस एफ गया माइनस एफ गया तो अपन को क्या मिलेगा E0 नॉट इज इक्वल टू जो फाइनल चाहिए ई नॉट वन माइनस थ्री ई नॉट टू यही चाहिए तो इसके अकॉर्डिंगली यदि अपन बेटा बात कर लेंगे और ये जो टू है ये टू अपने पास इधर रहेगा ही तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपन देख लेते हैं अपन को क्या मिल रहा है फाइनल तो यहां से अपन को मिलेगा टू ई नॉट इज इक्वल टू E आपका कितना है बेटा 1.69 माइनस थ्री इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस फोर पॉइंट करेक्ट है थ्री से अपन इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है इसके बाद बेटा अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो जैसे इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो अपन को ये कितना मिल रहा है 4.20 में से 1.69 आपको बेटा माइनस करना होगा तो बेटा यहाँ पे अपन देख लेते हैं ये जीरो है ध्यान रखिएगा बेटा कैलकुलेशन वगैरह का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किस तरीके से अपने पास में यहाँ पे बात हो रही है तो मेरे ख्याल से ये आपका जो आएगा वो आपका आएगा टू कैलकुलेट थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह देख लें माइनस के साथ आएगा 2.51 ठीक है बेटा कैलकुलेशन वगैरह का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें किस तरीके से हो रहा है तो यहाँ पे अपन ने सिंपल कैलकुलेशन की है इसके बाद अपन इसका नॉट देख लेते हैं तो ये नॉट रहेगा माइनस टू पॉइंट वन पॉइंट यहाँ पे आपका आ जाएगा टू फिर अपन बेटा बात करेंगे फाइव तो माइनस वन पॉइंट टू फाइव फाइव वोल्ट रहेगा इस अकॉर्डिंगली अपन बात करें तो माइनस वन पॉइंट टू फाइव फाइव वोल्ट इसका फर्स्ट थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा तो याद रखें ई नॉट अपनी एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए डेल्टा जी नॉट से बात की रिएक्शन को रिवर्स किया इसलिए यहाँ पे माइनस आया है फिर बाकी सिंपल कैलकुलेशन का बेटा आपको ध्यान रखना है क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो फिर बेटा काम नहीं चलेगा समझ में आ रही है बात बेटा क्या किया है इसके बाद बेटा अपन इसमें आगे और बात कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन का अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया है नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 द रेट कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 500 केल्विन टी अपन को दिया है 500 केल्विन एक्सप्रेस कैसे हो रही है k is equal to a e टू द पावर 1000 बेटा अपन इसको ऑरेनियस इक्वेशन से बात करें ऑरेनियस समीकरण से बात करें तो इसको कंपेयर कर लेते हैं k is equal to a e टू द पावर ea upon rt यही होता है बेटा इससे अपन इसको कंपेयर कर लेते हैं एक बार कंपेयर करेंगे तो बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए ऑन अपन को क्या मिलेगा माइनस ई ए अपन आर टी बेटा साइन का भी स्पेशली ध्यान रखें आप लोग माइनस थाउजेंड माइनस से माइनस गया व्हाट विल बी वीटा यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी होगा सक्रियण ऊर्जा होगा तो कितना आएगा थाउजेंड आर टी बेटा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैलोरी में बात हो रही है तो कैलोरी में आर की वैल्यू टू होती है तो थाउजेंड इंटू टू टेम्परेचर आपको दिया है 500 तापमान आपको 500 दिया है तो यहां से आपका आएगा थाउजेंड इन टू थाउजेंड जिससे मैं आपको क्या बोल सकता हूं और इसके अकॉर्डिंगली अपन बात करें तो थाउजेंड ये कितना था कैलोरी प्रति मोल कैलोरी पर मोल तो ये कितना आएगा थाउजेंड किलो कैलोरी पर मोल यहाँ पे एक थाउजेंड को अपन ने किलो में ले लिया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो तो यहां से अपने पास में ऑप्शन क्या मिल जाएगा बेटा ये ये रॉन्ग है कंफ्यूज नहीं हो

टिंग पावर ऑफ फॉर एफ एच थ्राइस कोलाइड बेटा आपको पहली बात तो पता होना चाहिए फेरिक हाइड्रोक्साइड एफ एच थ्राइज यह आपका पॉजिटिव सोल्व है धनावेश सोल्व है तो हार्डी शुल्जे लॉ से अपन को पता है कि इसका कोएग्युलेटिंग पावर देखना है, शक्ति देखनी है तो नेगेटिव आयन वो भी ज्यादा नेगेटिव है वो सबसे ज्यादा करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आयन में सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है फोर माइनस थ्री है तो इसके लिए कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी सबसे ज्यादा होगी और हार्डी नीट के तो रिलेटेड से पढ़ें <coughs> इसके बाद नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री की बात करते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है इफ रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज पॉइंट फोर जिसमें वन मोल NaCl है और थ्री मोल वाटर है देन व्हाट विल बी द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ NaCl <coughs> बेटा हमको बोला है कि विलियन के वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी 0.4 है इसमें वन मोल NaCl और थ्री मोल वाटर है तो प्रतिशत आयनीकरण कितना होगा NaCl के लिए बेटा अपन यदि बात करें अपनी कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अणु गुणधर्म के अकॉर्डिंग तो वाष्प में सापेक्षिक अवनामन रिलेटिव रोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है <coughs> बेटा अपन वाष्पदाम में अपेक्षिक अवनमन के अकॉर्डिंग इस फॉर्मुले की बात कर रहे हैं बेटा पे XA क्या होता है जो भी अपना सॉल्यूट है अवाष्पशील विलय है तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं आई एन अपॉन आई एन प्लस एन याद रखिएगा आई टोटल के साथ नहीं आएगा क्योंकि जो आई होता है जो अपन वॉन्ट ऑफ फैक्टर की बात करते हैं वो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट अवाष्पशील विलय की बात करते हैं यहां हम इसको लगाना भूल जाते हैं केवल वहीं लगाते हैं ये मिस्टेक होती है तो थोड़ा सा क्वेश्चन का ध्यान रखें इस टाइप से भी भी ऑप्शन दिया हुआ होता है तो ये आई बिकॉज पे इन थ्री मोल्स और मोल बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है और नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट बहुत छोटा भी नहीं है तो अपन इसको नेग्लिजिबल करके आई एन अपॉन कैपिटल एन भी नहीं बोल सकते दोनों लेना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें इस पूरे की वैल्यू अपन को दी है पॉइंट फोर स्मॉल एन दिया है वन और सॉल्वेंट विलायक के सोलवेंट हैं थ्री तो यहां से आएंगे अपॉन से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं सोल्व करें उधर जाएगा पॉइंट सिक्स आई इज इक्वल टू वन पॉइंट टू तो यहां से आई कितना आएगा आपके पास में टू आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर अपने पास आ गया टू NACL के लिए बात करूं फॉर NACL तो आपको पता है यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो टू होंगे तो यहां से मैं बोल सकता और आपके पास में आ गया है टू तो यहाँ से अपन को पता लग रहा है डायरेक्टली कंपेरिजन करें एन नंबर ऑफ आयन टू है तो तो यहां से आपका क्या आ जाएगा अल्फाइज टू वन इट मीन हंड्रेड परसेंट तो यहां से हंड्रेड परसेंट फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है याद रखें यहां पे आई सॉल्यूट के लिए आएगा दोनों जगह लेंगे इसको नेगलिजिबल भी नहीं मान सकते हैं बिकॉज कैपिटल एन बहुत ज्यादा हाई नहीं है स्मॉल एन से तो सिक्सटी थ्री का आपका फोर्थ ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा इसके बाद बेटा अब अपन इसमें सेक्शन बी में बात करते हैं कुछ क्वेश्चन सेक्शन बी में अपने पास में जो है उनको चेक कर लेते हैं सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टीवी एंड ओवी इन C.C.P. Lettuce, C.C.P. F.C.C. की एक ही बात करते हैं अपन बेटा यहां पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि F.C.C. क्रिस्टल जो होता है उसमें बॉडी डायगोनल जो होता है वो रूट थ्री ए होता है समझ में आ रही है बात बेटा तो मैंने ये बोला कि F.C.C. में बात करें तो आपका जो बॉडी डायगोनल होगा आपका काय विकर्ण की बात कर रहा हूं बॉडी डायगोनल वो होता है आपका रूट थ्री ए बोलो सही बात है उस बॉडी डायगोनल के अकॉर्डिंग अपन बात करें जैसे एक रूम को कंसिडर करें तो सामने वाली फेस का टॉप कॉर्नर और बॉटम वाली फेस का पीछे वाली फेस का बॉटम कॉर्नर ये आपका बॉडी डायगोनल बनेगा काय विकर्ण बनेगा उसमें आपको पता है मिड पॉइंट पे तो ओवी बनता है ऑक्टाहेड्रल जबकि टीवी का बनता है जो डायगोनल होता है बॉडी डायगोनल और कॉर्नर कॉर्नर के जस्ट पास बनता है रूट थ्री ए बाई फोर डिस्टेंस पे तो मैं इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकता हूं कि जैसे मान लीजिए ये आपका बॉडी डायगोनल है जिसके अपन बात कर रहे हैं टोटल लेंथ आपकी रूट थ्री ए है तो यहाँ पे आपका टी बी बन रहा होता है सेंटर पे आपका ओ बी बनता है यहाँ पे आपका टी बी बनता है इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है ये डिस्टेंस होती है रूट थ्री ए बाई फोर ये डिस्टेंस होती है रूट थ्री ए बाई फोर ये डिस्टेंस होती है रूट थ्री और ये डिस्टेंस होती है रूट थ्री मतलब टी वी और ओ वी के बीच में भी डिस्टेंस रूट थ्री टी वी और कॉर्नर के बीच में भी डिस्टेंस रूट थ्री तो इन फोर सेगमेंट्स को एड करते हैं तो रूट थ्री आ जाता है यहाँ पे हमसे टीवी और ओवी के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है वो कितनी आएगी रूट थ्री ए बाई फोर इसका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ओके बेटा तो ये क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन था इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एच तो बेटा एच टू एसिड के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं तो इसका प्लस आता है अकॉर्डिंग टू रूल देखें तो टू प्लस एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो आपको पता होना चाहिए कि जो सल्फर की रेंज होती है वो माइनस टू से प्लस सिक्स होती है ये रेंज से बाहर जा रहा है इसका मतलब ये रॉन्ग है इसका रीजन इसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन बिकॉज हमने सारे ऑक्सीजन को ऑक्साइड मान लिया जबकि इसका स्ट्रक्चर बोलता है कि सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड नहीं है इसमें कुछ आपके परऑक्साइड भी हैं अपन इसके स्ट्रक्चर को डिजाइन करके देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है वो एक बार देख लीजिएगा तो इसका स्ट्रक्चर बेटा अपन को ऐसा मिलता है ये तो आपका ऑक्साइड है ये आपका ऑक्साइड है ये आपका ऑक्साइड है, आपका है. यहां पे. यहां पे प्लस वन यहां पे प्लस वन यहाँ पे यहाँ पे प्लस वन ये माइनस वन आपस में इनमें कुछ नहीं होगा माइनस वन प्लस वन तो आपको पता लगा ये जो है दोनों ये परोक्साइड है और इस बॉन्ड को जो दोनों के बीच में होता है इसे लिंकेज कहते हैं क्या बोला जाता है बेटा परोक्साइड लिंकेज तो यहां से अपन को पता लगा थ्री ऑक्सीजन तो आपके होते हैं ऑक्साइड फॉर्म में जबकि टू ऑक्सीजन आपके होते हैं परोक्साइड फॉर्म में समझ में आ रही है बात बेटा तो यहां से अब अपन इसका कंप्लीट देखते हैं एच टू एसओ फाइव के लिए बोलते हैं दो हाइड्रोजन प्लस वन सल्फर पे एक्स थ्री ऑक्सीजन ऑक्साइड टू, टू से प्लस टू गया तो यहां से X आपका कितना मिल जाएगा प्लस सिक्स मिल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा तो अपन ने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा वहां से पता लगा सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड नहीं थे कुछ परोक्साइड कुछ ऑक्साइड थे उसके अकॉर्डिंग बात की गलत पैसे कैसे पता लगा अपन को बिकॉज़ सल्फर की रेंज जी -2 से प्लस +6 है यदि ये प्लस +8 आ रहा है इसका मतलब रॉन्ग है तो यहां से आपका बेटा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा इसके बाद आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 93 एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट जब भी अपन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंट की बात करते हैं तो फार्मूला होता है nh 2π इस h 2π को कई बार अपन ऐसे भी लिख देते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेल सेकंड दे दी है तो ये कितना हो जाएगा आपका म्यू एन म्यू एन आपका हो जाएगा टू एच डैश तो यहाँ से आपका सिंपल डायरेक्ट आंसर मिल रहा है थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा समझ में आ रही है बात बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर द सम ऑफ रेडियल नोट एंड एंगुलर नोट्स इज बेटा रेडियल नोट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए त्रिजीय नोट की बात कर रहा हूं एन माइनस एल माइनस वन एंगुलर नोट की बात करूं कोणीय नोट की ये होता है एल यहाँ से सम पूछ रहा है तो सम करेंगे तो क्या आएगा एन माइनस एल माइनस वन प्लस एल L, एल L से L गया, तो आपको टोटल क्या मिल जाएगा N -1. यही पूछा था कि नोड और त्रिजीय नोडों के योग क्या है सम ऑफ रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड तो यह आएगा एन माइनस वन यहां से आपका बेटा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कैसे इसकी बात अपन ने कर ली है तो ये अपने दंगल ट्वेल्व में जो केमिस्ट्री में फिजिकल वाले पार्ट के क्वेश्चंस थे वो अपन ने डिस्कस किए 16, 17 क्वेश्चंस। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन कर रहे हैं ओके okay, बेटा अच्छे से क्वेश्चन करें अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दें जिससे आपका नीट में इजिली अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन ओके थैंक यू जय सी एल सी ऑल दी बेस्ट हेलो बच्चों मैं डॉक्टर आयुष पारिक वेलकम है आप सभी का तो बच्चों दंगल 12 का वीडियो सॉल्यूशन आज हम करेंगे तो इस पूरी सीरीज में पंद्रह दंगल जो है मेजर टेस्ट जो है आपके सीएलसी ने आपको दिए हैं उम्मीद है कि अभी तक आपने सभी टेस्टों को बहुत ही सीरियसली लिया होगा और बहुत अच्छा आपका स्कोर उन सभी में आया होगा अगर आपने इन सभी को सीरियसली लिया है इतने टेस्टेस हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराए हैं कि अगर आपने टेस्ट सभी दिए हैं तो आपका जो नीट है वो भी आपका एक नॉर्मल टेस्ट की तरह आपको लगेगा आपको ऐसी फीलिंग ही नहीं लेनी है जैसे एग्जाम है आपको ये सोच के चलना है कि वो भी एक तरह का क्या है मेजर टेस्ट है जो आप जैसा कोचिंग में देते हैं वो वहां पर कौन ले रही है, ले रही है। आगे पीछे तो बस अपने एकदम इजीली बहुत ही आसानी के साथ वापस ये मान लीजिए कोई टेस्ट नहीं है ये एक तरह का आपका कंसेप्ट का रिवीजन है तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट का रिवीजन करना तो देखो पहला क्वेश्चन यहां पर हमारे सामने जेनेटिक्स से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आप लोगों का बिल्कुल आपको रिवाइज कराने के साथ से हम लोग बात कर रहे हैं हमें यहाँ पर देखो जीनो दे रखा है अब हमें क्या है? तो बच्चों, अगर हमें निकालने हो, ठीक है नंबर ऑफ गैमेट्स हमें निकालने हो तो बहुत ही फेमस फॉर्मूला अगर आप लोगों ने आपको याद होगा टू की पावर एन इसमें से ये जो एन है ये क्या है नंबर ऑफ हेट्रो जाइस यानी कि जो भी जीनोटाइप दे रखा है उसमें आप हेट्रोजाइगस की जो नंबर्स हैं उन्हें कैलकुलेट कर दीजिए और इस तरह इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए आपको क्या मिल जाएगा यानी विषम आप इसमें से क्या कर लीजिए फाइंड आउट कर लीजिए और उसको इस फॉर्मूले में रख दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा जैसे कि देखो हमारे सामने ये इस समय जो है हमारे सामने ये जीनोटाइप दे रखा है ए ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी ये हमारे सामने क्या दे रखा है बच्चों जीनोटाइप दे रखा है तो देखो ये इसमें हेटेरोजाइगस हो गया ये इसमें हेटेरोजाइगस हो गया ये इसमें तो हेटेरोजाइगस हो गया ये इसमें हेटेरोजाइगस हो गया यानी इसमें चार विषम युग्मजी हमें दे रखे हैं तो कितने हो गए विषम युग्मजी चार तो n की जगह पर मैं क्या कर दूं किसकी वैल्यू पुट कर दूं 4 ठीक है तो देखो 2 2 2 2 तो कितना हो गया 2 2 जा 4 फोर टू जाट एट टू जा सिक्सटीन तो यहाँ पर देखो आंसर क्या आ गया हमारा सिक्सटीन आंसर जो है वन सिक्स जो है हमारा आंसर हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो ये देखो ये हमारा आंसर वन सिक्स हमें कौन से ऑप्शन में मिल गया सेकेंड ऑप्शन में मिल गया ठीक है बच्चों समझ में आया चलो आगे चलते हैं बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मतलब ऐसे पूछ लिया यहाँ पर जैसे मेनोपोज को सीधा पूछते हैं तो यहाँ पे क्या करके पूछ लिया कि कौन से समय पर आवर्त चक्र या फिर मेनोस्टल साइकिल बंद हो जाती है तो आप बिल्कुल सही हो इस समय लगभग पचास वर्ष की जो आयु होती है उसमें फीमेल्स में मेनोस्टल साइकिल क्या हो जाती है बंद हो जाती है और इसे हम किस नाम से जानते हैं मैनोपोज के नाम से जानते हैं तो आंसर कौन सा हो जाएगा अराउंड द एज ऑफ 50 इयर्स ठीक है बच्चों चलो

डिसेंट्री जो होती है उसकी यहाँ पर बात कर रहा है ये तो ये भी एक तरह का क्या हो गया ये बैक्टीरिया तो हुआ नहीं ठीक है यानी ये किस कैटेगरी में रखा जा सकता है ये प्रोटोजोआ हो गया तो यहाँ मलेरिया की हम बात करें तो फिर से ये क्या हो गया प्लाज्मोडियम हो गया तो इस तरह से अगर आप सभी को देखोगे तो यहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है टाइफाइड जो है वो कैसी बीमारी हो गई एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज हो गई ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या रिवीजन हो गया सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं जो हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हैं उनको एक बार आपने वापस से क्या कर लिया रिवाइज कर लिया ठीक है बच्चों चलो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है एचआईवी वायरस का अनुवांशिक पदार्थ या फिर जेनेटिक मटेरियल पूछा है अगर आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन हो कि वो जो डायग्राम बनाया हुआ है ये जो साइकिल है जब एच वायरस एंटर करता है तो वो क्या है वो जो डायग्राम जो बनाया हुआ है वो एक प्रकार के मैक्रोफेज साइक जो है उसमें एच वायरस की एंट्री है यहाँ क्या पूछा है एच वायरस खुद की बात कर रहा है तो आपको तो ये पता ही होगा कि जो एच वायरस है ये कैसा वायरस है ये एक रेट्रो वायरस है तो रेट्रो वायरस है तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल हो गया वो कौन सा हो जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर एकल सूत्री भी हम उसे कह सकते हैं जो हमें कहा मिल गया बच्चों ऑप्शन में मिल गया ठीक है चलो आगे और रेट्रोवाइर यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसमें पाया जाता है तो जब ये एंट्री करता है तो उसका उपयोग करके क्या बना देता है डीएनए का फॉर्मेशन कर देता है ठीक है आप सभी जानते हैं इस बात को फिर ईसीजी देखो इसी जी के अंदर हमसे क्या पूछा है हमसे पूछा है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है तो आपको पता ही है बच्चों देखो जो पी है वो पी किसको शो करता है पी शो करता है कहीं ना कहीं जो एट्रियल सिस्टॉल और सिस्टॉल का मतलब यहां पर एक तरह से हम क्या कह सकते हैं सिस्टॉल का मतलब क्या हो गया डी पोलराइजेशन ठीक है डी पोलराइजेशन यानी कि क्या एक तो होता है देखो ध्यान से रख लो जब कोई रिलैक्स है तो वो पोलेराइज है यानी ध्रुवित अवस्था में है जब उसमें कॉन्ट्रेक्शन कौ, हुआ यानी कि संकुचन हुआ तो वो क्या हो गया डीपोलराइज हो गया यानी कौन सी अवस्था आ गई विध्रुवित जब वापस अपनी रिलैक्स स्टेज में आया तो इसको हम कहते हैं पुनः ध्रुवन है और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है रिपोलराइजेशन तो ये तीन वर्ड्स हैं पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन

वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो रहा है क्यू वेव के बाद बल्कि गलत है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को तो हम क्या मानते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करते हैं इस दौरान तो क्या होता है डीपोलराइजेशन होता है तो ये भी गलत हो गया टी वेव जो है वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को प्रदर्शित कर रही है बिल्कुल निलयों के पुनः ध्रुवण को तो बिल्कुल पुनः ध्रुवण को प्रदर्शित कर रही है तो सही आंसर हमारा कहां पे मिल गया हमें थर्ड ऑप्शन पे और टी वेव को रीपोलराइजेशन री ऑफ एट्रिया तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे तो सही आंसर कौन सा मिल गया हमें बच्चों थर्ड ऑप्शन जो है हमारा क्या हो गया एकदम करेक्ट आंसर हो गया चले आगे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या करनी है मैचिंग करनी है कि किसकी कितनी जो है क्रेनियल कैपेसिटी है उसकी हम बात करें तो बच्चों होमो हेबिलस जो है उसकी अराउंड 650 से 800 होती है बिल्कुल याद रखने वाला क्वेश्चन है आपका होमो हेबिलस की कितनी होती है अराउंड 650 टू 800 होती है वहीं होमो नियंडर थैलेनीज की हम बात करें तो होमो नियंडर थैलेनीज की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो अराउंड 1400 सीसी होती है और इरेक्टस की जो है वो अराउंड कितनी हो जाती है यहां पर फर्स्ट और यहां पर सेकंड यानी थ्री आ, बेसिकली सॉरी ये कितना हो गया सेकंड यानी थ्री टू वन तो थ्री टू वन की हम बात करें तो हमें देखो सेकेंड ऑप्शन में मिल गया थ्री टू वन तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो कैसा हो गया एकदम करेक्ट आंसर हो गया ठीक है चलो आगे चलते हैं अब ये देखो क्वेश्चन है हमारे हार्ट के डिफेक्ट के ऊपर क्या पूछता है यहाँ पर कि हमारा हार्ट जो है वो इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर पा रहा यानी कि विभिन्न अंगों को आवश्यकता अनुसार रक्त की आपूर्ति नहीं कर पा रहा यानी कि अब देखो सिंपल सा केस है जैसे पास होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए होते हैं सीबीएसई को पर किसी के नंबर आ रहे हैं थर्टी तो वो क्या नहीं कर पाया वो उस स्टैंडर्ड पर नहीं रह पा रहा मतलब वो क्या हो गया फेल हो गया सेम इसी तरह से अगर हार्ट अपना काम ढंग से नहीं कर पाए तो कौन सी अवस्था मानी जाएगी हार्ट फेलियर बोला जाता है उसे क्या बोला जाता है हार्ट क्या हो गया यहां पर बेचारा फेल हो गया अपना काम जो उसको करना था बॉडी के ऑर्गन को सप्लाई तो वो इफेक्टिवली नहीं कर पाया तो इसलिए क्या हो गया हार्ट फेल तो आंसर कौन सा चला गया हमारा बच्चों थर्ड ऑप्शन चलो हमें क्या करना है स्टेटमेंट जो करेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए उसकी बात करनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट आप सभी जानते हैं अराउंड जो है हमारा सेवन परसेंट जो है फाइव टू सेवन परसेंट जो है वो प्लाज्मा में डिजोल्व स्टेट में होता है और जो सेवेंटी परसेंट के अराउंड है वो के के रूप में थ्रू होता है और ट्वेंटी से ट्वेंटी हिमोग्लोबिन के रूप में होता है तो देखो क्या पूछता है ये ये कह रहा है कि पांच से सात परसेंट जो है सीओ तो का ट्रांसपोर्ट कार्बामिनो हिमोग्लोबिन के थ्रू होता है तो ये तो गलत बात हो गई कार्बामिनो हिमोग्लोबिन के थ्रू कितना होता है ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव परसेंट होता है तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है बच्चों क्या हो गया

फोर एम करता है तो यहां कितना है 20 ML, तो आंसर हो गया हमारा फोर्थ का गलत आगे चलें। रिदम सेंटर कहां होता है रिदम सेंटर कहां है हमारे ब्रेन के जो पार्ट है देखिए के जो वहां पर तो कौन सा होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और अगर पूछ ले क्या न्यूमोटेक्सिक न्यूमो पूछ ले तो आंसर क्या चला जाएगा से न्यूमो और से

एंजाइम यानी कि ऐसा एंजाइम जो किसका लाइसिस करता हो का लाइसिस करता हो या फिर प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करता हो तो बिल्कुल किस पर काम करेगा प्रोटीन पे काम करेगा यानी कि पेप्सिन किस पर क्रिया करेगा प्रोटीन के ऊपर क्रिया करेगा आगे चले आइडेंटिफाई आपको डिजीज को आइडेंटिफाई करना है लक्षण आपको दे रखे बहुत अच्छे से देखो इनमें डिफरेंसेस याद रखो कौशी औरकर जो बीमारी है वो केवल प्रोटीन की कमी से होती है और मैरासमस जो है वो किसकी कमी से होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होती है तो कौशी और कर में प्रोटीन की कमी है काबो एनर्जी की कमी नहीं है ऊर्जा की कमी नहीं है और आपको पता है, एनर्जी जो है फैट की लेयर मिलेगी पर मैरासमस में नहीं मिलेगी बहुत ज्यादा पतला बच्चा देखने को मिलेगा कौशी और कर जो बीमारी है वो जनरली आपको किन बच्चों में देखने को मिलेगी जिनकी उम्र कितनी है कौशियोरकर जो है जनरली अगर हम कहें किन बच्चों में आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको देखने में एक से लेके पांच साल तक के बच्चों में यानी एक साल से ऊपर तक के बच्चों में और अगर एक साल से कम है तो मैरासमस देखने को मिलेगी तो अब कुछ लक्षण दे रखे हैं देखो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन आगे कुछ देखने की जो ओनली लिख दिया भोजन में प्रोटीन की अल्पता मतलब पी से प्रोटीन और क्या कौशी और कर

कौन से सब्सटेंस है जो कलेक्टिंग डक्ट में डेजॉर्ब होते हैं तो देखो कलेक्टिंग डक्ट में ऊपर वाले पार्ट में सोडियम का बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हल्का सा जो है uh, होता है सेलेक्टिव होता बट आपको किसकी बात करनी है यहाँ पर बच्चों किसकी बात करनी है जो है रीअन की बात कर रहा है ये कि किसका पुनः अवशोषण किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर आंसर की बात करें तो देखो क्या आंसर हम लोग यहाँ पर दे सकते तो बच्चों जैसा कि हम बात कर ही रहे थे ना क्वेश्चन की तो देखो इस तरह में यहाँ पर कहीं पे भी कंडीशनल की बात नहीं की है कंडीशनल का मतलब यहां पे हमसे ऐसा नहीं कहा है कि एल्डोस्ट्रॉन हार्मोन है या नॉर्मल तो नॉर्मल केसेस में माना कि कलेक्टिंग जो डक्ट है उसमें यूरिया का सीक्रेशन भी होता है ऑस्मोलोरिटी को मेंटेन करने के लिए ठीक है बट हम देखें अगर री तो वाटर का और यूरिया का रीएब्सोर्न भी कलेक्टिंग डक्ट में हमें देखने को मिलता है। तो वाटर और आंसर इसलिए नहीं गया क्योंकि तो तो no होगा हो बट ज्यादा करेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें आंसर देना हो तो हम क्या दे सकते हैं वाटर एंड यूरिया इसीलिए आंसर कौन सा चला गया इसमें सेकेंड ऑप्शन चलो आगे चलते हैं द टिश्यू विच पजेज हाइएस्ट पावर ऑफ डिविजन एंड रीजनरेशन थ्रू आउट द लाइफ यानी कि ऐसा उतक जिसमें सबसे अधिक क्षमता पाई जाती है पुनराध्वन की तो देखिए ऐसा कौन सा ऊतक होता है जिसमें हाईएस्ट पावर होती है रीजनरेशन की तो ऐसा हमारे पास में एपिथेलियल टिश्यू होता है क्योंकि इस उपकला ऊतक को क्या करना है ये क्या बना रहा बना रहा रहा है है ज्यादातर कवरिंग्स इंटरनल लेयर्स बना रहा है इन सभी को कौन बना रहा है हमारा उपकला ऊतक बना रहा है तो इसके टूटने फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो इसलिए इसमें पुनराध्वन यानी कि रीजनरेशन की जो कैपेसिटी होती है वो बाकी के टिश्यूज के कंपेरेटिवली क्या होती है बच्चों हायर होती है इसलिए आंसर क्या गया

एनल सरकाई जो है देखो सेवेंथ टर्गम दे रखी है बल्कि यहाँ पर पेयर स्ट्रक्चर होती है और जिसको हम बेसिकली गुदे लूम कहते हैं और ये किस पे होती है टेंथ पर होती है ना कि किस पर होती है सेवेंथ पर इसीलिए हमारा गलत कौन सा हो गया इसमें बच्चों सेकंड ऑप्शन जो है वो कैसा हो गया गलत हो गया ठीक है चलो हमें इनकरेक्ट का पहचान करना है डिपोलराइजेशन यानी विध्रवन सोडियम सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे बिल्कुल और रैपिड होगा का ये बात एकदम सही है है ठीक पोलराइजेशन में आयनिक ग्रेडियंट को मेंटेन कौन करेगा सोडियम पोटेशियम पंप करेगा जिनमें तीन सोडियम को बाहर भेजेगा दो पोटेशियम को क्या करेगा अंदर भेजेगा ये बात भी एकदम सही है डी में हाई परमिलेबिलिटी बता रहा है अधिक पारगम्यता बता रहा है पॉजिटिव uh, के प्लस के लिए और आपको पता है कि के प्लस के लिए अधिक पारगम्यता विध्रुवन में नहीं होती किसके लिए हो जाती है सोडियम के लिए हो जाती है तो गलत हो गया हमारा यही थर्ड ऑप्शन और ये बिल्कुल सही है देखो फोर्थ ऑप्शन इसका अपोजिट हो गया तो गलत पहचानना है तो गलत कौन सा ऑप्शन है हमारे सामने तीसरा जो ऑप्शन है थर्ड जो ऑप्शन है वो कैसा हो गया फॉल्स हो गया ठीक है बच्चों चले आगे आ जाओ लाइट रे जो आंखों में एंटर करती है उसका नियमन कौन करता है देखो आइरिस जो होती है दोनों तरफ की इस तरह से वो किसका निर्माण करती है एक आइरिस जो होती है वो किसका निर्माण करती है प्यूपिल का निर्माण करती है तो जो लाइट रे होती है वो प्यूपिल

पेक्टोरल ग्रिडल जो है उसके अंदर पैक्टोरल ग्रिडल में यानी कि जो आ, हमारी मेखला है उसके अंदर आपको पता है स्कैपुला की कैविटी कौन सी है क्लीनोइड कैविटी तो इसमें ह्यूमरस का हेड फिट है ठीक है ये जो शोल्डर ज्वाइंट है ये कौन सी बना रही है ग्लिनोइड गुहा बना रही है तो देखो स्कैपुला को एक्रोमियन से नहीं क्लेविकल को स्कैपुला से नहीं ह्यूमरस को स्कैपुला से बिल्कुल सही बात है थर्ड ऑप्शन कि ह्यूमरस को स्केपुला से जोड़ने वाली कौन सी कैविटी हो गई ग्लिनोइड कैविटी हो गई इसीलिए आंसर क्या गया बच्चों थर्ड ऑप्शन सेल्स सेल्स को कौन उत्तेजित कर 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 रहा 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 है रहा है है? या प्रेरित क्या करेंगे? जब बोन के ऊपर अपनी एक्टिविटी तो बोन से कैल्शियम ब्लड में आएगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ेगा तो ऑस्टियोक्लास्ट को स्ट्यमुलेट करने वाले पीटीएच कौन से हॉर्मोन कौन, कौन सा है

एडिसन डिजीज किसकी वजह से होती है यानी कि एडिसन रोग का आपसे क्या पूछा है बच्चों कारण पूछा है तो एडिसन रोग के कारण की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल सही बात है कि जो एड्रीनल हॉर्मोन्स है, है मेडुला वाला भाग नहीं कॉर्टेक्स वाले भाग की बात हो रही है यहाँ पर उनके हाइपोसिक्रेशन से या फिर किससे अल्प अल्पस्त्रण से कौन सी बीमारी होती है एडिसन का रोग नामक बीमारी अल्प अल्पस्त्रण से होती है इसी वजह से आंसर क्या चला गया फर्स्ट ऑप्शन चला गया। मेंबर्स ऑफ़ द फॉलोइंग फ़ाइलम हैज़ ओनली ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी यानी कि ये बात कर रहा है कि ऐसे जंतुओं को पहचानना है जिनमें एक ही ओपनिंग है जो किसका काम कर रही है जो किसका काम कर रहा है बेसिकली माउथ uh, का भी काम कर रहा है और किसका काम कर रहा है एनएस का काम कर रहा है सिंगल ओपनिंग है बॉडी से तो देखो आप यहाँ पे प्रोटोजोआ तो 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 डाउट हो, हो सकता है तो अगर अब हमें इसमें आंसर देना हो तो देखो कौन सा आंसर हम लोग देंगे पॉरीफेरा और किसके अंदर हमें आंसर सेलेक्ट करना है यहाँ पे प्लेटी हेलमेंथीज के अंदर तो देखो पॉरीफेरा के अंदर यहाँ पर बात करें तो माउथ और जो एनस है इसकी हम बात पॉरीफेरा में कर ही नहीं सकते क्योंकि पॉरीफेरा जो है उसके अंदर सेल्यूलर ग्रेड ऑफ और ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी तो माउथ और एनस यहाँ पर हम एक तरह से किस पे आ गए ऑर्गन पे आ गए अंग स्तरीय पे आ गए तो हमें अंग स्तरीय पे सिलेक्ट करना हो तो फिर हमारे सामने ऑप्शन ए की वजह प्लेटी हेलमेंट जो है यानी कि जो चपटे क्रमी है उनमें ज्यादातर में सिंगल ओपनिंग ही प्रेजेंट होती है जो माउथ का भी काम करती है और किसका काम करती है एनएस का भी काम करती है अगर यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाता कि हाइड्रा की बात करते जिसमें टिश्यू ग्रेड क्या है तो आंसर हम हाइड्रा भी दे देते पर पॉरीफेरा में तो क्या है बेसिकली देखा जाए तो ऑस्टिया है उनसे वाटर अंदर आ रहा है उसमें तो वाटर बेसिकली uh, कौन सा सिस्टम है वॉटर कैनाल सिस्टम है उसमें तो हैं. तो इसलिए आंसर सही कौन सा होगा किसमें उपस्थित होंगे यानी कि जो, है, है. जो वेंट्रिकल्स हैं, उनमें कौन पाए जाते हैं बच्चों पुरकिंजे फाइबर्स पाए जाते हैं एसेनोड एसेनोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे तंतु यानी कि पुरकिंजे फाइबर तो सही आंसर कौन सा चला गया वेंट्रिकल्स जो है वो हमारा क्या हो गया बच्चों सही आंसर हो गया आके आ जाओ अब पूछा है आपसे कि जो आ, CO2 है वो बॉडी से ब्लड में कैसे जाएगी सीक्वेंस पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज आउट ऑफ द बॉडी ब्लड यानी ब्लड से CO2 को बाहर निकलना है तो ब्लड से CO2 कहां पे बाहर निकलेगी कुपिकाओं में यानी कि में तो एल्विलाई में लेयर्स का सीक्वेंस क्या होता है यानी अब ब्लड से बाहर निकलना है तो पहले ब्लड की लेयर की बात करेंगे तो देखो पहले क्या आनी चाहिए एंडोथिलियम आनी चाहिए एंडोथिलियम हमें यहाँ पर दे रखा है देखो एंडोथिलियम से बेसमेंट मेम्ब्रेन फिर स्क्वास एपिथीलियम एंडोथीलियम आधारित कला और शल उपकला ये गलत हो गया ठीक है बेसमेंट से स्टार्ट कर रहा है ये उल्टा हो गया यहां पर अगर हम बात करते हैं है ब्लड में तो हमारा ऑप्शन जाता है गलत हो गया। फिर यहां हमारा बच्चों फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा कैसा हो गया एकदम करेक्ट आंसर यहां पर हमारा कौन सा हो गया एक में पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर हो गया आगे आ जाओ क्या पूछा है, है हमसे रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथिलियम इज फाउंड इन देखो स्किन आंसर जाता तो क्या चला जाता क्रेटिनाइज ठीक है तो इसलिए स्किन नहीं होगा स्टोमक की बात करें

कितना आसान सा क्वेश्चन है देखो बच्चों आपका सभी का सही गया नहीं गया ए क्या है बच्चों यहाँ पर देखो ए माइलिन शीट हो गई और बी क्या है यहाँ पर बेसिकली हम बात करें तो बी क्या हो गया यहाँ पर हमारा सिनेप्टिक नोब हो गया तो सही आंसर हमें कहा दे रखा है थर्ड पर तो ए तो क्या हो गई माइलिन आच्छद हो गया ठीक है माइलिन शीट और बी क्या हो गया यहाँ पर सिनेप्टिक नोब हो गया तो सही आंसर कौन सा चला गया हमारा थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर इनर ईयर में कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कॉकलिया के अबव लोकेटेड है ये इन्फ्लुएंस होता है ग्रेविटी से और मूवमेंट से जो हमारी किस में मदद करता है बहुत बार आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा होगा कॉकलिया की बात कर रहा है मतलब किससे बात कर रहा है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है कोक्लिया के अब कोक्लिया के अब कौन है वेस्टिबुलर एपरेटस है, ठीक है तो ऑर्गन ऑफ कोटाई तो होगा नहीं क्योंकि मदद करता है बेसिकली बैलेंस की बात करता है आ, अगर हम देखें यहां पर ग्रेविटी एंड मूवमेंट हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस यहाँ पर मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस आना चाहिए ठीक है थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बेसिकली बॉडी बैलेंस के मेंटेनिंग में मदद कर रहा है uh, क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस होता है ग्रेविटी से भी होता है और मूवमेंट से भी होता है उसके अंदर आपको पता ही है सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जिनमें क्रिस्टा एम्पुलेरिस होता है और फिर क्या होता है यूट्रिकल और सेक्यूल और यूट्रिकल और सेक्यूल में क्या होता है आपको पता ही है मैक्यूला नाम की संरचना स्ट्रक्चर पाई जाती है जो जो होती है, है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बनाती और जो क्रिस्टा एम्पुलरिस है वो गतिक साम्यवस्था को नियमित करती है यानी कि किसे नियमित करती है वो एक तरह से हमारा जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है उसे कौन बना रही है क्रिस्टा एम्पुलरिस और जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है उसे कौन बना रही है मैक्यूली तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा ए क्योंकि कोक्लिया के ऊपर पूछा है कोक्लिया के अंदर नहीं पूछा तो और कौन सा आंसर आप लगाएंगे इसके अलावा देखा जाए तो हंड्रेड हमारा आंसर कौन सा जाएगा थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर चलिए बच्चों

Oral pills जो वो बर्थ कंट्रोल में कैसे मदद करती है, कि का है? ये हो गया. को मार के नहीं सही आंसर करेक्ट आंसर हमें कहा मिल गया देखो जो एग्जैक्ट वर्डिंग हो ऐसे अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो आपको हर ऑप्शन सही लगेगा आपको वो ढूंढना है जो मोर करेक्ट हो तो मोर करेक्ट आपको कहा मिलेगा थर्ड ऑप्शन में मिल गया देखो अंडोत्सर्ग को रोक के यानी कि किसे रोक करके, ovulation. तो ovulation को रोक करके करके तो को अगर हम सही आंसर लगाए तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर चले आगे सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म किसका एग्जांपल है बहुत आसान सा क्वेश्चन है देखो औद्योगिक कर्षणता ठीक है पूछ ले आपसे प्रतिरक्षी बैक्टीरियाओं का चयन पूछ ले तो किसका है ये फाइनली देखो इंडस्ट्रियल की बात कर रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की बात कर रहा है तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं जाएगा इसका आंसर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है तो इसका जो सही आंसर है मोर करेक्ट वो किसका एग्जाम्पल मानते हैं हम लोग इसे नेचुरल सिलेक्शन का मानते हैं या फिर हम हिंदी में बात करें तो हम उसे क्या कह सकते हैं प्राकृतिक चयन कह सकते हैं तो सही आंसर कौन सा हो गया हमारा नेचुरल सिलेक्शन आ ए पर्सन जो, जो किससे सफर कर रहा है मलेरिया से सफर कर रहा है तो उसको बुखार का अनुभव कब होगा जब लीवर सेल डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे नहीं जब स्पोरोड सेंटर होंगे नहीं जब आरबीसी रप्चर होगी और हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स निकलेंगे तब उसे फीवर आएगा यानी कि आरबीसी फटती है और हीमोजोइन ग्रेन्यूल जब मुक्त होते हैं तब उसे बुखार की अनुभूति होती है इसीलिए आंसर क्या चला गया इसका बच्चों थर्ड ऑप्शन चला गया ठीक है टोबैको कंजप्शन जो है वो क्या करता है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का जो स्त्राव है उसे बढ़ा देता है शरीर के अंदर ठीक है तो ये बताओ कि कौन सा अवयव करता है यानी टोबैको के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो ये काम करती है तो देखो कौन सी ऐसी चीज है आपको पता है क्या होता है टोबैको में निकोटिन होता है ठीक है क्या पाया जाता है निकोटिन नाम का जो है पदार्थ वो पाया जाता है तो वही एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनलिन का लेवल बॉडी में क्या कर देता है इंक्रीज कर देता है तो इसीलिए आंसर इसका कौन सा चला गया थर्ड वन इज दी करेक्ट आंसर हेल्थ किससे अफेक्टेड होती है देखो किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं तो भी हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है इंफेक्शन है बिल्कुल हो सकती है और लाइफ स्टाइल है उससे भी हो सकती है कहने का मतलब तीनों ही फैक्टर्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है WHO की कम्प्लीट वेलबींग है? Well है तो तीनों फैक्टर्स क्या करते हैं हेल्थ को अफेक्ट करते हैं तो देखो ए बी सी तो सही आंसर हमारा कहां पे हो गया फोर्थ ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 133 में सही आंसर हमारा हो गया फोर्थ ऑप्शन ठीक है आगे आ जाओ f1 हाइब्रिड है ठीक है f1 हाइब्रिड है उसका क्रॉस करा रहे हैं किसी भी पेरेंट से जैसे कैपिटल टी और ये स्मॉल टी स्मॉल टी यहां पर बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी ये कौन सा हाइब्रिड बना f1 अब इस f1 का आप चाहे इससे क्रॉस कराओ चाहे इससे क्रॉस कराओ किसी से भी कराओ रिसेसिव से कराओगे तो हो जाएगा टेस्ट क्रॉस डोमिनेंट से कराओगे होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से कराओगे तो हो जाएगा क्या आउटक्रॉस और कॉमन भाषा में इन्हें क्या बुला सकते हैं हम लोग किसी भी पेरेंट से हम बात करें तो कॉमन भाषा में हम इसे क्या बोल सकते हैं बैक क्रॉस इज दी करेक्ट आंसर ठीक है तो कौन सा क्रॉस हो गया ये बैक क्रॉस जो है वो हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों तो सही आंसर कौन सा होगा बैक क्रॉस आगे आ गया जो करेक्ट पूछा है ह्यूमन रिब्स के लिए तो देयर नंबर इज मोस्टली ट्वेंटी फोर पेयर्स नहीं बिल्कुल भी नहीं कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं बारह जोड़ी पसलियां जो हैं वो उपस्थित होती हैं तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया गलत ये बाई होती है, होती हैं द्विशिरस्क है बिल्कुल सही बात ईच रिब इज थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड वेंट्रली टू द दर्टिब्रल कॉलम यानी आधारिय रूप से वर्टिब्रल कॉलम से थोड़ी जुड़ी होती है डॉर्सल रूप से होती है तो इसलिए ये भी गलत हो गया नाइन्थ सेवेंथ नाइन्थ सॉरी सेवेंथ एट्थ जो नाइन्थ पेयर बता रहा है ये किसी से भी नहीं बता रहा ठीक तो तो है कौन सा हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन इसी के साथ देखो सेक्शन ए बहुत आसान से क्वेश्चंस थे आपके सभी के ठीक हो गए होंगे तो अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी के ऊपर सेक्शन बी में हमारे पास में पंद्रह क्वेश्चन है कोई भी दस आप लोगों को करने दे मैं 15 के ही सॉल्यूशन की बात करूंगा लो फेवर कि अगर पीसीओ टू कम है तो वो किसे फेवर करेगा देखो अगर पीसीओ टू कम है तो वो ऑक्सी हिमोग्लोबिन के निर्माण को यानी उनके संयोजन को प्रेरित करता है और ज्यादा है तो वो किसको प्रेरित करता है वियोजन को तो एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन बिल्कुल सही बात है डिसोसिएशन डिसोसिएशन ऑफ नहीं, को तो हाई फेवर करता। कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन की तो बात ही नहीं हो रही और बोथ आंसर तो जा ही नहीं सकता तो ऑक्सी के संयोजन को कौन प्रेरित करेगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन के संयोजन को कौन प्रेरित करेगा लो पीसीओ2 इसी वजह से आंसर क्या चला गया इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखो टू सिस्टम जो अपोजिट इफेक्ट डाल रहे हैं एक ही सेट ऑफ पे तो ध्यान रखना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम स्वायत्त तंत्र का तंत्र उसमें दो सिस्टम होते हैं सिंपेथेटिक और पैरासिंपैथेटिक वो कैसे कंट्रोल करते हैं अगर आपको किसी चीज को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना है शरीर में तो आप क्या कर सकते हो एक बढ़ाए

बॉडी जो डिवाइडेड है हेड में और ट्रंक में ठीक है ट्रक नहीं है ये ये थोड़ा सा यहाँ पर है ठीक है ट्रंक में डिवाइडेड होती है मॉइस्ट स्किन है बिना स्केल्स के थ्री चैम्बर्ड हर्ट है किसका कैरेक्टर है ये ये एम्फीबिया की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर किसकी बात कर रहा है ये उभय में यानी कि एम्फीबियंस में बिल्कुल थ्री चैम्बर्ड हर्ट होता है मॉइस्ट स्किन है क्योंकि तो उन्हें रेस्पायर भी करना है वॉटर में तो क्या हो गया आंसर यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर

क्या हो गया आंसर हमारा ये भी बात सही है फंडस पार्ट जो है स्टोमक का वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है से नहीं कार्डियक पार्ट कनेक्ट होता है और किसके थ्रू होता है कार्डियक के थ्रू होता है इसलिए ये हो गया हमारा गलत कॉमन बाइल डक्ट जो है वो मर्जर ऑफ कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट से बनती है ये बात भी हो गई सही तो गलत पूछा है तो गलत कौन सा हो गया जो है हमारा कौन सा वाला हो गया थर्ड ऑप्शन इसीलिए आंसर क्या गया थर्ड ऑप्शन आगे आ जाओ कितना एम एल ब्लड फिल्टर करती है किडनी एक मिनट के अंदर यानी औसतन रक्त की बात कर रहा है जो किडनी फिल्टर करती है बिल्कुल आपका आंसर एकदम सही है 1100 से 1200 जो है एम एल ब्लड है वो किडनी क्या करती है एक मिनट के अंदर क्या करती है बच्चों फिल्टर करती है तो सही आंसर कौन सा हो गया हमारा यहाँ पर फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आंसर हो गया बिल्कुल आपको डाटा बेस्ड क्वेश्चन है याद भी होगा ज्यादा टाइम में इसलिए भी नहीं लगा रहा क्योंकि अभी हम पढ़ाई का टाइम हमारे पास बचा नहीं है हम बिल्कुल जो गलत हो गए आपके वो कॉन्सेप्ट से आपके ठीक हो जाए ताकि आप फटाफट फटाफट -फटा -फटा आगे सोल्यूशन देख सके चलो नेक्स्ट विच ऑफ दॉट ए टिपिकल ऑफ द्लास मेमिलिया यानी क्लास मेमिलिया का कौन सा जो है वो एक टिपिकल या प्रारूपिक लक्षण नहीं है तो देखो थीकोडोन डेंटेशन बिल्कुल थीकोडॉन डेंटेशन अगर आप देखोगे तो मैमल्स का एक अच्छा खासा लक्षण है लंग्स बिल्कुल फेफड़े पाए जाते हैं टेन पेयर ऑफ क्रेनियल नहीं कितनी हम काउंट नहीं करेंगे ठीक है तो हमसे यही पूछा है कि नहीं है तो नहीं है कौन सा है तीसरा वाला कितनी होती है बारह जोड़ी होती है तो कितना आना चाहिए था ट्वेल्व तो हम इसको सही लक्षण मान लेते ट्वेल्व नहीं आया इसी वजह से आंसर क्या हो गया थर्ड ऑप्शन आगे आ जाओ देखो यहां पे आपको क्या करना है मेज द फॉलोइंग करना है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है जो मतलब पहले जो क्या था पूरा की पूरा एक तरह से जो हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स थे वो जुड़े हुए थे ऑस्ट्रेलिया भी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था तो जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी जब ये सब अलग हो गए तो ये क्या हुआ उस टाइम पर बायो बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ये एविडेंस है किसके लिए ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए ठीक है तो ए में क्या आना चाहिए ए में आना चाहिए थर्ड ऑप्शन ब्रांचिंग डिसेंट ब्रांचिंग डिसेंट की बात करें तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो नई स्पीशीज है उनका यहां पर क्या होता है इसकी वजह से ओरिजन होता है लोबडफिन फिशेज हैं जो उनसे किसकी उत्पत्ति मान सकते हैं उभयचरों की यानी कि ऑफ और सिलेक्शन क्या हो गया दो अधिमानी लक्षणों का चयन यानी कि फोर्थ तो थ्री वन टू फोर थ्री वन टू फोर हमें एक ही ऑप्शन में दे रखा है इसी वजह से बच्चों वन हंड्रेड फोर्टी टू में हमारा सही आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा फोर्थ ऑप्शन आगे आ जाओ देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है कॉर्डेट्स में बिना किसी एक्सेप्शन के एक कॉमन कैरेक्टर है जो कभी भी गलत नहीं होगा ट्रू सिलोम बिल्कुल सही बात है ट्रू सिलोम आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ट्रू सिलोमेट्स होते हैं सारे के सारे कॉर्डेट्स प्री एनल टेल नहीं पोस्ट एनल टेल मेमरी ग्लैंड ये भी सभी में प्रेजेंट नहीं है रीनल पोर्टल सिस्टम ये भी सभी में प्रेजेंट नहीं है पर ट्रूसिलोम सभी में देखने को मिलेगी इसलिए बिना किसी अपवाद के सत्य देही गुहा सही आंसर हो जाएगा इसका ठीक है आगे आ जाओ स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन की थ्योरी है ये क्या कहती है देखो लाइफ जो हुई है वो लिविंग फॉर्म से राइज हुई है नहीं लाइफ जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग से राइज हुई है

का क्या होता है बच्चों ओवल्यूशन के अंदर रिलीज होता है उसी को तो हम क्या कहते हैं ओवल्यूशन कहते हैं ठीक है से सेकेंड में अटका हुआ है जो कब कंप्लीट होगा जब स्पर्म्स आ जाएंगे तो सही आंसर कौन सा हो गया फोर्थ आगे आ जाओ करेक्ट तो इस तरह है। जहां पे भी डिफ्यूजन बाउंड्री बनानी हो विस्तर वाली तो वहां पर स्क्वेमस एपिथिलियम आपको मिलेगा शल की उपकला ठीक है अब देखो सेकंड में इसने बात भी कर दी विस्तरण सीमा का निर्माण करते हैं तो ये बात भी सही है सिंगल लेयर ऑफ टॉल सिलेंडर सेल लंबी बेलनाकार कोशिकाओं की बात नहीं होगी बच्चों गलत हो जाएगी फ्लैट सेल से बने हुए होते हैं तो फोर्थ ऑप्शन जो है पहला तथा दूसरा एकदम सही आंसर को रिप्रेजेंट करता है इसलिए 147 में क्या आया आंसर फोर्थ ऑप्शन आगे आ जाओ टीनोफोरा के लिए बात करना है डाइजेशन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एट रो है एक्सटर्नल रो जो सीलिएटेड कॉम्स प्लेट्स की तो यह बात भी आपकी क्या है एकदम सही है ठीक है तो पहली वाली बात भी सही है कि इंट्रा भी होता है और एक्स्ट्रा भी होता है मेल एंड फीमेल आर सेपरेट ये बात गलत हो गई आपकी तो देखो क्या पूछना है करेक्ट पूछा है तो ये सही है ये सही है यानी ए और बी तो सेकेंड ऑप्शन में हमें आंसर क्या हो जाएगा मिल जाएगा आगे आ जाओ करेक्ट कोड चूज करना है लाइफ अपियर ऑलमोस्ट फोर बिलियन ईयर बैक बताओ लाइफ जो है ऑलमोस्ट फोर बिलियन ईयर बैक पे होती है तो ये बात क्या हो गई

उनका भी यही मानना था जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात थी बट वो अलग तरह से उन्होंने बताया इस चीज को ठीक है तो ये हो गया सी जो है वो कैसा हो गया गलत तो ए और बी सही है और ए और बी हमें कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं सेकंड ऑप्शन में हमें ए और बी सही दे रखे हैं इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर चला जाएगा 150 की बात करें कौन सा डिवाइस जो है जिसके कॉन्ट्रासेप्टिव के मिनिमम पॉसिबिलिटी है फेलियर की तो मिनिमम पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है तो देखो मिनिमम पॉसिबिलिटी किसकी है नहीं नहीं की भी नहीं है है स्टरलाइजेशन मेथड जो अगर उसको यूज किया जाए तो बिल्कुल कोई चांसेस नहीं होंगे कॉन्ट्रासेप्शन के और वो कौन सा दे रखा है हमें वैसे दे रखा है यानी कटिंग एंड टाइंग ऑफ वास तो इसीलिए आंसर क्या चला गया इसका फोर्थ ऑप्शन आंसर चला गया तो बच्चों इसी के साथ बहुत ही फटाफट फटाफट हमने बिल्कुल को ध्यान में रखते हुए पेपर का डिस्कशन किया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो हल्का सा कंसेप्ट भी आपका वापस से क्या हो जाए रिवाइज हो जाए उम्मीद करता हूं आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे बेस्ट ऑफ लक आपको और बहुत अपने को एकदम ठंडा रखिए चिल रखिए प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए जितना ज्यादा आप कर सकते हो वहां से कॉन्सेप्ट को रखिए दिमाग में आपको फिर पता चल चुका होगा अब तक कि डाइजेशन है तो चार प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं रेस्पिरेशन है तो इतने बन रहे हैं तो इस तरह से आपका उम्मीद है बहुत अच्छा पेपर होगा ठीक है बच्चों धन्यवाद थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ जी चौहान टीम बॉटनी से सीकर हम लोग कंटिन्यू हैं दंगल के जो एपिसोड आपके लिए ट्वेल्थ प्रोवाइड किया गया है उसमें उम्मीद करते हैं डेफिनेटली आप काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे होंगे बूस्टअप जो सीरीज़ हमारी सी एल सी प्लेटफॉर्म से चल रही है ओबियसली ये दंगल बिल्कुल एक नीट पैटर्न या नीट का जो ट्रेंड है उसके बेसिस पर कंटिन्यू जारी है तो होपफुल कि आप इसे काफ़ी अच्छे से इन्जॉय कर रहे हैं और चीज़ों को एनालिसिस भी कर रहे हैं समझ रहे हैं ओके okay? अब हम इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल प्रूफ ऑफ डी एन एज द जेनेटिक मटीरियल केम फ्रॉम फाइनल प्रूफ ये टर्म आपको दिमाग में रखना है मतलब अंतिम प्रम, प्रमाण एक्चुअली हुआ ये था कि फर्स्ट टाइम जो एवरी मैकलॉड मैकती थे इन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर यह बात समझाई थी कि डीएनए से जेनेटिक मटेरियल लेकिन जो इसका फाइनल स्वरूप है वो आपके सामने आता है 1952 में जब हर से चेस एक ट्रांसडक्शन uh, प्रोसेस मतलब कि आपके जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरियो के ऊपर बैक्टीरियोफाज की प्रेजेंस होती है उसके बेसिस पर ये ये डीएनए है और यहाँ पर जो बैक्टीरियोफाज होता है उसमें ये रेडियो एक्टिव का यूज करते हैं उसके बेसिस पर uh, इसके uh,

एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट ये एक uh, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है एक uh, हर स्टूडेंट के दिमाग में ये बात होना चाहिए कि नारियल यानी कि ड्रू फ्रूट के अंदर जो एडिबल पार्ट है वो उसका एंडोस्पम है सोचो नॉर्मली बच्चे क्या सोचते हैं कि एक फ्रूट है तो फ्रूट में फ्रूट की जो वॉल है या पेरिकार्प है वही एडिबल होना चाहिए तो एक्चुअली यहाँ पर जो उसका मीजोकार्प है उससे फाइबर ऑप्टेन होते हैं ये एन में एलेवेंथ में लिखा हुआ है लेकिन यहाँ जो एडिबल सब्सटेंस माना गया है वो ग्राउंड नट है एंडोस्पर्म इसमें प्रेजेंस होता है ग्राउंड नट में एक चीज और याद रखना कि इसका जो लिक्विड फॉर्म है वो से कंडीशन शो करता है एन में लिखा है साड़ो, साड़ो वाले हिस्से में प्लस इसमें ये बात भी लिखी गई है कि कोकोनट का जो फ्रूट होता है उसमें तीनों तरीके के एंडोसपर्म मिलते हैं न्यूक्लियर सेलुलर एंड हैलोबियर ओके तो नेक्स्ट हम चलते हैं मतलब इसमें जो राइट आंसर है वो सीधे सीधे हमें यहीं पर याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी जायलम एंड सेकेंडरी फ्लोयम इन डायकॉट स्टेम प्रोड्यूस बाई द्वितीय बीज पत्री तने में द्वितीयक जयलम और फ्लोयम किससे बनेंगे तो सोचने की बात है कि डाइकॉट और जिम्नोसम ऐसे दो प्लांट ग्रुप हैं जिनमें हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है ठीक है तो आपके लिए जो स्टील रीजन होता है वहाँ पर आप देखते हैं कि कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये जो ग्रोथ ये जो कैम्बियम है आपके लिए एक्चुअली ये आपकी इंटराफेसिकुलर कैम्बियम होती है ये और ये और आपका जो बंडल के अंदर होती है इसे हम कहते हैं इंटराफेसिकुलर इंट्रा ठीक है और इसे कहते हैं इंटर क्या कहते हैं इंटर फेसिकुलर कैम्बियम यहाँ पर इसमें सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम होता है प्राइमरी फ्लोयम होता है लेकिन जब इसमें पेरिक्लान डिविजन होता है तो यही जो इंटर और इंट्रा दोनों मिलकर इसे हम फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं या सेकेंडरी बेस्कुलर कैमियम के नाम से भी जानते हैं यही कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान यहाँ सेकेंडरी जाइलम और फ्लोयम का फॉर्मेशन करता है कहा तो यहाँ तक जाता है कि बेस्कुलर कैमियम इज़ मोर एक्टिवेट ट्स द इनर साइड देन प्रपेयर लार्ज अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जयलम कंपेयर टू आउटर सर्फेस और एक्सटर्नल surface, uh, surface जहाँ पर की फ्लोयम तो इसीलिए फ्लोयम के रेस्पेक्ट में जो सेकेंडरी जायलम होता है वो दस गुना ज़्यादा बनता है इस चीज़ को हमें फोकस करना चाहिए याद रखना चाहिए तो ये आपके लिए कौन है इसे हम कहेंगे बेस्कुलर कैम्बियम ये आपके लिए कौन है ये बेस्कुलर वैस्कुलर में इंटर और इंटरा दोनों मिलकर वैस्कुलर कैम्बियम बनाते हैं फेलोजन को एक्चुअली हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं क्या है ये दिस इज कॉर्क कैम्बियम है ना तो कैम्बियम आपके फेलम फेलोडर्म और आ, इनको बनाएगा तो इसको कम्बाइंडली हम तीनों को पेरीडर्म के नाम से जानते हैं एन सी आर डी बेस्ड क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है आपको इन पर ध्यान रखना चाहिए नेक्स्ट है प्यूरिन फाउंड बोथ इन डी एन एंड आर एन ए आप जानते हो कि प्यूरिन के अंदर जो आप इंक्लूड करते हो वो आपके लिए कौन है एक तो एडेनिन है प्लस आपके लिए है। एडेनिन और ग्वानिन दोनों में प्रेजेंस होते हैं चाहे वो डीएनए हो या फिर वो आरएनए हो ठीक है अंतर सिर्फ यहाँ होता है कि थायमिन की प्रेजेंस डीएनए में होती है और थायमिन एक पिरिमिडीन का कंपोनेंट है जबकि आर में उसी थायमिन की जगह पर यूरासिल की प्रेजेंस होती है क्लियर तो आपके लिए आंसर बन जाएगा एडेनिन एंड गुआनन ठीक है डीएनए एंड आरएनए दोनों में प्रेजेंस होता है प्रियोनिन अब यहाँ देखें तो ये थायमिन की वजह से क्योंकि प्रिमिडीन हैिमिडीन है साइडोसिन प्रिमिडीन है, है। इसलिए आपका ये राइट आंसर नहीं बनेगा और फोर्थ आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फोलोइंग कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट अच्छा है ईस्ट uh, की एक स्पसीज है मोनास्कस पर प्यूरियस उससे ये स्टेटिन का फॉर्मेशन होता है और ये एक्चुअली आपके उस एंजाइम से कॉम्पिटिटिव इन्विचेंस करती है जो कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसीलिए आजकल जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग टैबलेट्स आती हैं उनमें इस्टेटेंस खास तौर से प्रेजेंस होता है और चूंकि ये कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम से कंपटीशन करता है तो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन बॉडी में कम हो जाता है या रुक जाता है इससे ये Uh, जो हार्ट अटैक है उससे प्रिकॉशन uh, के बेसिस पर इसे यूज किया जाता है एज ए मेडिसिन यूज करते हैं ठीक है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट नेक्स्ट है है वायरस देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है अगर ऑर्डनरी क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली डाइवर्सिटी uh, से क्वेश्चन आता है वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए की प्रेजेंस होती है दोनों कभी भी प्रेजेंस नहीं होते हैं यहाँ डीएनए और आरएनए की डेफिनेटली प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है ठीक है कोई भी वायरस ले लो जैसे कोरोना वायरस ही ले लो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ले लो सिंगल स्टैंडर्ड आर एन है इसमें आर है।, है, है ठीक है बैक्टीरियोफाज है इसमें डबल स्टैंडर्ड डी है है ना तो कहने का मतलब जहाँ डीएनए भी होगा वहाँ भी आरएनए की प्रेजेंस नहीं होगी किसी भी वायरस के अंदर ये जेनेटिक फॉर्म या तो डीएनए के फॉर्म में होगा या आरएनए के फॉर्म में होगा प्लस इस पर प्रोटीन का कोट भी प्रेजेंस होगा ठीक है तो याद रखना प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस uh, ये तो कोई बात ही नहीं हुई सिंगल क्रोमोजोम ऐसा कुछ है नहीं एंड शब्द आप यूज कर नहीं सकते हो तो ये और आप इसमें कंफ्यूज uh, 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 हो सकते हो या कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है हमेशा के लिए याद रखें और इनमें से कोई एक होगा दोनों कभी भी नहीं होंगे ठीक है नेक्स्ट चलते हैं प्लेनेरिया पज हाई कैपेसिटी ऑफ ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके रिप्रोडक्शन वाले उस हिस्से में है जहां एन कहती है तो वहां रीजनरेशन रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्भवन प्लेनेरिया के अगर कई फ्रेगमेंट्स कर दिया जाए तो हर एक फ्रेगमेंट नए बॉडी को जनरेट करने में कैपेबल है इसे रीजनरेशन की प्रॉपर्टी हम कहते हैं क्लियर क्वेश्चन अच्छा है हमें इस पर फोकस करना है द मोटाइल ये भी अच्छा क्वेश्चन है मैंने वही क्वेश्चन रखी है जो पॉसिबल क्वेश्चन है जो सीधे सीधे नीट में आ सकते हैं ठीक है थीके? उसमें आ, इजी और टफ का ज़्यादा कंसेप्ट कुछ नहीं है मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई मोटलिटी याद रखना बैक्टीरिया में तीन ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं एक फिमरी है जो बैक्टीरिया को सबस्टेशन से अटैच कराता है जोड़ता है झालर की तरह काम करता है ब्रिसल्स की तरह काम करता है आपका पिलाई जो है वो लोकोमोशन में काम नहीं करता वो डीएनए ट्रांसफर में वर्क करता है जबकि इसके फ्लेजिला आ, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन माने गए हैं याद रखना इसको प्लेजिला जो प्रोक्रियाड के होते हैं वो केमिकल और उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें यूक्रियाट से वेरिएबिलिटी शो करते हैं ये अच्छी लाइन है एनसीआरटी में लिखी है डेफिनेटली ये पॉसिबल क्वेश्चन है पेरीगैनस यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएंगे आप देख लें मार्कोलॉजी में दो सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एक है हाइपोगनस पेरीगैनस एपीगैनस और दूसरा फिर प्लासेंटेशन है इन दोनों सेगमेंट को बहुत अच्छे से एक बार ठीक से पढ़ लें ठीक है और अच्छे इसमें लेवल पर पढ़ें फैमिली पर आ, के बेसिस पर जाके पढ़े है ना जैसे जितनी भी फैमिलीज हैं अपने फैमिली में जो में दी हैं को जोड़ दें तो उन सब में हाइपोगाइनस होता है ऐसे दिमाग में रखना तो, पेरी गायनस तीन जगह होता है एक है आपका है प्लम प्लम एक है आपके लिए पीच और एक है आपके लिए रोज तो यहाँ पर रोज आंसर बन जाता है गुआवा में इंफीरियर फॉर्म है कुकुम्बर में इंफीरियर है चाइना रोज में आपका हाइपोग यहाँ पर आपका सा होगा क्या होगा हाइपोगाइनस हाइपोगाइनस ठीक है हाइपोगाइनस का मतलब है ओबरी सुपीरियर इसका जो थैलमस होता है वो इस तरीके से होता है यहाँ पर इसकी गायनोसियम ऊपर प्रेजेंस होती है फ्लोरल पार्ट्स नीचे के साइड्स में से अराइज होते हैं है ना कुछ इस तरीके से लाइक दिस ठीक है ये याद रखने की चीज है है? इस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर नजर आता है ठीक है आप देखें कि ओवरी की पोजीशन अपर साइड में है तो सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस है लेकिन आप यहाँ देखोगे तो इनफीरियर फॉर्म है और इसमें हम देखेंगे तो आपका दूसरा फॉर्म हमें नजर आएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्रोमेटोफोर्स टेक प्लेस इन ओबियसली फोटा क्रोमेटोफोर आपके साइनोबैक्टीरिया में होते हैं क्रोमेटोफोर के लिए कहा जाता है कि ये एक्चुअली आपके कुछ ग्रीन पिगमेंट्स कंटेनिंग ऐसे फिलामेंटस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनमें पिगमेंट्स की प्रेजेंस होती है इन्हीं को हम क्रोमेटोफोर के नाम से जानते हैं इनकी प्रेजेंस बी जी ए में होती है कहाँ होती है बी जी ए ये BGA है ब्लू ग्रीन एल्गी की कोई सेल है उसके अंदर ये पेरिफेरल पार्ट में ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंस होते हैं जैसे सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्रोमेटोफोर कहते हैं इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं इसीलिए इसे क्रोमेटोफोर का क्रोमामींस कलर और फोर का मतलब है जिस पर कोई चीज अरेंज है तो इन पर चूंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रजेंस है इसलिए हम इसे क्रोमेटोफोर के नाम से जानते हैं जहाँ लाइट रिएक्शन कंडक्ट होती है अच्छा क्वेश्चन है पॉसिबल क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑटोनोमस ठीक है याद रखना दोनों के लिए क्यों क्योंकि इनके अंदर सेल्फ डी एन होते हैं मतलब इनके अंदर प्रोटीन फैक्ट्री है दे दे कैन प्रिपेयर देयर एंजाइम्स स्टिल रिक्वायर डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल डीएनए इसके बावजूद भी इन्हें मुख्य डीएनए पर निर्भर रहना पड़ता है जबकि इनके पास प्रोटीन फैक्ट्री होती है ठीक है तो अच्छा क्वेश्चन है दिमाग में सेट कर लो पॉसिबल क्वेश्चन है फिर आते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल एंड दे कंटेंट डी एन ए बट लैक ऑफ प्रोटीन इन दैक्ट्री ये ये यहाँ पर जाके गलत हो जाता है अदरवाइज देखा जाए तो ये सेंटेंस भी सही हो जाता ये सेमी ऑटोनोमस सही है लेकिन ये बी आपका रॉन्ग हो रहा है क्योंकि इसमें प्रोटीन फैक्ट्री और क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो स्टार्च फैक्ट्री भी पाई जाती है याद रहे ऐसा क्वेश्चन बनता है ठीक है प्रोटीन फैक्ट्री दोनों में क्लोरोप्लास्ट माइड्रोकोन्डिया में और आपके स्टार्च फैक्ट्री क्लोरोप्लास्ट में तो क्लोरोप्लास्ट में दो फैक्ट्रियाँ हो गई ठीक है तो आपका ए ट्रू है और बी फॉल्स हो रहा है तो आपका सेकेंड करेक्ट आंसर चला जाएगा ठीक है गुड नेक्स्ट चलते हैं प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ ठीक है रोमिनेट स्टमक जिनमें पाया जाता है खासतौर से जो जुगाली करने वाले जानवर है गाय है भैंस है इनमें इनमें रूमिनेंट स्टमक है इनका जो रूमेन रीजन होता है स्टमक का उसमें बैक्टीरिया uh, प्रेजेंस होते हैं खासतौर से मीथेन बैक्टीरिया वो सेलोज कंटेनिंग फूड को डिग्रेड करते हैं और उससे मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं तो ये मिथेनोजन बढ़िया क्वेश्चन है आर्की uh, बैक्टीरिया से क्वेश्चन लिया गया है तो ऑब्वियसली हमारे मिथेनोजन का आर्क के लिए आंसर बन जाता है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है आपके लिए द प्रोसेस विच मेक मेजर डिफरेंस बिटवीन अच्छा क्वेश्चन बहुत बढ़िया तो एक्चुअली C4 फोर साइकिल और C3 थ्री साइकिल में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है फोटो रेस्परेशन का एक्चुअली C4 फोर साइकिल ने जो सीफोर uh, प्लांट ने जो क्रेंज एनाटोमी अपनाई है वो सिर्फ इसलिए अपनाई है जिससे कि जो uh, फोटो रेस्परेशन के फैक्टर्स हैं उन्हें न्यूट्रल किया जा सके जैसे हाई कंसनट्रेशन ऑफ वो लो कंसनट्रेशन ऑफ सी एंड इंटेंस लाइट तीव्र प्रकाश इन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए ही सी प्लांट ने अडोप्टेशन किया है तो जाहिर सी बात है C3 प्लांट में वो रेस्पिरेशन होता है यह रुबिस्को शो करता है आ, आ, दोनों के साथ बंधुता दर्शाता है ये डिपेंड करता है कि इनका कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में या रुबिस्को के आसपास कितना है तो ये चीज़ अच्छी है नो no डाउट इस पर अच्छा क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया जा सकता है पिछले साल नीट में भी इस पर क्वेश्चन आया है ठीक है टेलर कंडक्ट एक्सपेरिमेंट प्रूफ सेमी कंजर्वेटिव टेलर ये एनसीईआरटी ट्वेल्थ में लिखा हुआ है याद रखना है इस टेलर को एक्चुअली इसने बिसिया फावा सेम पर ये क्रोमोजोम के बेसिस पर ये प्रूफ किया कि डीएनए में सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस यही होती है यूकैरियोट में आपके आ, टेलर के जरिए ये कंडक्ट किया गया जबकि आपके वहाँ देखा जाए किस जगह आपके के केस में तो प्रोकैरियोट में एक्चुअली ये स्टडी हुआ है आपके वहाँ पर ट्रांसडक्शन के फॉर्म में है ना स्टॉल ने सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था और इसमें आपने सेमी कंजर्वेटिव को ऑब्जर्व किया था प्रोक्रियोट में लेकिन यूक्रियोट के रिस्पेक्ट में आया तो टेलर को याद रखना है इसने हाइड्रोजन के आइसोटॉप का यूज किया था थाइमीन के अंदर है ना ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ थेरेपी अच्छा क्वेश्चन है ये थेरेपी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीन थेरेपी इसके लिए बेस्ट आ, आ, इसका आंसर है टू ए फोर ईयर ओल्ड गर्ल एडिनोसिड डीएमएनएज जो तो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है जिसे हम क्रॉनिकल सिंड्रोम भी मानते हैं असाध्य रोग है ये जीन के डिफेक्ट होने से बनता है एक्चुअली इस लड़की के अंदर जो जीन है जो एडनोसेंट डीएमिनेज एम एंजाम को बनाता है वो अफेक्ट हो गया है म्यूटेट हो गया है डिफेक्ट हो गया है तो जीन थेरेपी के जरिए हम उस डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करके इस बीमारी से यानी कि एडनोसेंट डी जिसे हम सिड डिसीज uh, भी कहते हैं सीवियर सिंड्रोम uh, है ना uh, तो इम्यूनो सिंड्रोम इम्यूनिटी से रिलेट है तो इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है आपका जीन थेरेपी इम्यूनोथेरेपी नो डाउट अगर ये नहीं होता तो इसका कनेक्शन बन जाता था लेकिन आपके लिए जीन थेरेपी बेस्ट एग्जांपल है एनसीआरटी ने इसके बारे में अच्छा खासा डिस्कशन आपको दे रखा है ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन uh, बना है एक दो साल के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिफर द एंजाम एंजाम के लिए सही uh, कथन को या उचित कथन को चुनना है आपको यहाँ पर तो आप समझें कि ये एंजाम के स्ट्रक्चर से लिया गया है होलो एंजाम कम्प्लीट एंजाम को कहते हैं एंजाम एक्चुअली इसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है तो प्रोटीन पार्ट को अपोजेंजाम और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं कोफैक्टर आपके को एनजाम हो सकते हैं एक वो एक्टिवेटर हो सकते हैं यानी कि मेटल्स हो सकते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकते हैं को फैक्टर को तीन कैटेगरी में बांटा है डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन बनता है इसीलिए इस एरिया एक्चुअली हम क्या करते हैं यहाँ पर कि पॉसिबल जो एरिया हैं एन में जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हम वहीं से फ्रेम कर रहे हैं जिससे कि आ, आपके नीट में वैसे ही उसी एरिया से क्वेश्चन मिल जाए है ना आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हाईलाइट कराया जा रहा है इस स्टडी के दौरान जिससे कि इसके सराउंडिंग में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तब भी आप डेफिनेटली कर पाएंगे ओके okay? नेक्स्ट चलते हैं सिलेक्ट द इसमें मिसमैच को चुनना है साइका से एक प्लांट को शो करता है दे आर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंस ऑन टू डिफरेंट प्लांट ये प्लांटियस है साल में हाइड्रोस्पोरी पाई जाती है इनसाइड में लिखा है Ecclucytum में होमोस्पोरी पाई जाती है बिल्कुल लिखा है पायनस एक मोनोसियस है इस पर मेल और फीमेल दोनों कौन एक ही प्लांट पर होते हैं इसलिए ये गलत हो रहा है मेरे ख्याल से मिसमैच पूछा है तो हमारे लिए आपके लिए राइट आंसर फोर्थ बन जाता है मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड सही बात है अच्छा क्वेश्चन है एनसीआरडी के सारे कंसेप्ट इसमें लिए गए हैं बेसिड्यूसफोर में फोर बनते हैं एक्जोजीनस आपका बेसिड्यूसफोर्स होते हैं एट के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो यहाँ ए को ले लेते हैं एंडोजीनस ए को आ जाएगा और आपका पक्सिनिया एक्चुअली एक बेसिडियो का सदस्य है पेंसिलीन आपके लिए एक एस्कोमाज का सदस्य है तो आपका ए में जाना चाहिए थर्ड फोर्थ एंड सिक्स थर्ड फोर्थ ए में जाना चाहिए थर्ड फोर्थ सिक्स ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा बाकी आप इसमें और मैच कर लें ठीक है नेक्स्ट है इन पायरीनोड क्लोरोप्लास्ट में होते हैं चलिए हम एक स्ट्रक्चर आपको समझा देते हैं ये पॉसिबल क्वेश्चन आपको दे सकता है यहाँ ये क्लेमाडोमोनास का स्ट्रक्चर है इस पर आप हमेशा याद रखना पॉसिबल क्वेश्चन बन जाएंगे है ना यहाँ क्या होता है इसमें एक पायरीनोयड होता है सिंगल पायरीनोयड आपके क्लेमाडोमोनास में होता है ये स्टार्च स्टोरिंग ग्रेन्यूल है जो ये कप सेफ क्लोरोप्लास्ट में आपके लिए मौजूद है यहाँ पर यह प्रोटीन है ये प्रोटीन है और ये आपकी स्टार्च सीथ है स्टार्च सीथ बाहर होती है इंटरेस्टिंग चीज़ ये इसके बावजूद भी कहा जाता है कि ये स्टार्च स्टोरिंग ग्रेन्यूल है बच्चे यहाँ कंफ्यूज इस बात से होते हैं कि वो सोचते हैं कि अंदर की तरफ प्रोटीन है तो प्रोटीन का स्टोरेज होगा नहीं ये कप सेप क्लोरोप्लास्ट है आप इसको ठीक से दिमाग में रखें क्लोरोप्लास्ट और एक्चुअली इसमें सिंगल पायरिनोइड इन दोनों को कंबाइंडली हम पायरिनोइड कहते हैं एनसीईआरटी ने वन और मेनी पायरिनोइड का कंसेप्ट आपको दे रखा है एक्चुअली ये क्लेमाडोमोनास का स्ट्रक्चर आपके लिए बनता है ठीक है आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट चलते हैं गैमी आर फाउंड इन पहले तो मार्केंसिया में होते हैं दूसरा ए सेक्शोर प्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं तो ओबियसली मार्केशिया में ही ये शो करेंगे मार्केसिया कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है आपके लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें राइजॉइड्स हैं अब गैमी की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है ज़रा उसको समझ लेते हैं ये मिड रेप कहलाती है गैमी की जो लोकेशन होती है वो एक्चुअली हमारे इस रीजन में हमें देखने को मिलती है गैमी यानी कि कप सेफ स्ट्रक्चर और ये इस टाइप का अगर कोई स्ट्रक्चर आपको नजर आए तो ये इसके आर्की फोर कहलाएंगे दिस इज कॉल्ड गैमी गैमी इज ए प्लूरल टर्म और इसके अंदर आपको गैमी दिखते हैं एक्चुअली गैमी आपके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है लाइक like दिस एट के शेप के कुछ ऐसे गैमी होते हैं इसमें एक गैमा कप में एक से ज्यादा गैमी की प्रेजेंस हो सकती है मल्टी चलर स्ट्रक्चर हैं और ये डिटैच होने के बाद में यहाँ से अलग होने के बाद में ये नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं आप इन्हें याद रखेंगे अगार अगर इज वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम जेलिडियम ग्रेसिल एरिया एन बेस लिखा हुआ है आई यूज टू तो ग्रो माइक्रो, माइक्रो माइक्रोप्स एंड आइसक्रीम फॉर्मेशन ये एन सी आर डी लिख रहा है माइक्रोप्स की ग्रो क्यों कराते हैं क्योंकि अपन टेस्टिव कल्चर जब करने जाते हैं तो यहाँ पर मीडियम को रखा जाता है है ना अब इस मीडियम में सेमी सॉलिडिटी प्रोवाइड करने के लिए एक्चुअली हमें आगारगार का यूज़ करना पड़ता है यहाँ पर कोई भी एक सेल यूज करके हम उसे प्लांट बना सकते हैं इसे हम कहते हैं ग्रो माइक्रॉप्स आप इसमें बैक्टीरिया का कल्चर भी कर सकते हो इसमें फंगस को भी कल्चर कर सकते हो आप इसमें टिश्यू कल्चर भी कर सकते हो एक टोटिपोटेंसी के जरिए एक सेल से आप माइक्रो प्रोपेगेशन प्रोसेस से एक प्लांटेशन डेवलप कर सकते हो प्लांट को डेवलप कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ अल्टरनेशन जनरेशन प्रेजेंस इन ब्रायोफाइट ब्रायफाइट हैप्लोडिप्लॉन्टिक है ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है गैमिडोफाइट है मल्टीशेलर है और ये ऑटोटॉपिक है ठीक है ऐसे ही इसमें जो स्पोरोपिटिक कंडीशन आती है वो भी मल्टीशेलर है तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक को शो करती है ठीक है याद रखना हैप्लोडिप्लॉन्टिक दो में पाई जाती है आपके ट्रिडोफाइट में भी और इसमें भी नेक्स्ट है रेपलम ये अच्छा क्वेश्चन है किस में पाया जाता है ये एनसीआरडी में लिखा है आपके पैराइटल प्लासेंटेशन के दौरान वहाँ कहा गया है कि नॉर्मली पैराइटल प्लासेंटेशन में यूनिलोकुलर होली होती है एक कक्ष होता है लेकिन मस्टर्ड और आर्चिमोन के रेस्पेक्ट में कहा गया है कि इसमें सीडोसेप्टम बन जाता है इस फ्रूट के अंदर और इस वजह से इस सरसों के आपका जो फ्रूट होगा उसमें आपको डेफिनेटली एक लेयर नज़र आएगी इस लेयर को ही रेपलम कहा जाता है और बाकी सीट की जो लोकेशन है वो आपके यहाँ पर पैराइटल फॉर्म में होती है याद रखना क्योंकि एन ने अथोराइज तरीके से, से का यूज नहीं किया है हम इस हिस्से को रेपलम कहते हैं ये जो एक्स्ट्रा लेयर आपको नज़र आ रही है इस वजह से इसमें टू चैम्बर कंडीशन बन जाती है कैसी टू चैम्बर कंडीशन ऐसे एक ऐसे और ऐसे इस तरीके से ये आप एल एस देख रहे हैं और याद रखना ये मस्टर्ड में भी होगा और दूसरे इसके के में भी आपको मिल जाएगा, है ना? बढ़िया क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेटली बनते हैं तो सोलेनेसी परसिस्टेंट कैलिक्स आप बैगन में जो देखते हैं ऊपर की तरफ पांच कैलिक्स एक्चुअली वो चिर लग्न चिरक एक्चुअली uh, इनके कैलिक्स हैं बाहे दल हैं बाई कार्पलरी आपको देखो डायकॉट दा, में ही मिलती है तो सोलनेसी डाइकॉट की फैमिली है ट्राई कार्पलरी आपको ये मिलेगी है ना अब आपके एपी पेटेल पेटल्स की प्लेस प्रजेंस सोलनेसी में होती है ठीक है तो हमारे लिए ए जो बनना है थर्ड फोर्थ दैन सिक्स ए बनना है थर्ड फोर्थ एंड सिक्स ये बनता है और बाकी फर्स्ट, सेकंड एंड आपके फिफ्थ ये आपके बन जाते हैं बी में ऑप्शन में तो हमारे लिए करेक्ट आंसर सेकंड बनता है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं आ, बढ़िया क्वेश्चन है नो no डाउट ये एनसीईआरटी के बेस्ड इंफॉर्मेशन है आपका जो इकोलाई है इसमें आपके जो बेस पेयर्स होते हैं चूँकि बैक्टीरिया है आ, आ, इसके बाद में आप आ जाए ह्यूमन जीनोम में ये प्रेजेंस है आपका आ, ये फाइव इंटू वन सेवेंटी फोर में आपका ये प्रेजेंस है बेसिस याद रखना बेस पेयर्स नहीं है इसमें इस चीज़ को इस पॉइंट को अपने दिमाग में स्ट्राइक करना ठीक है तो ए में आपका सेकेंड जा रहा है लो भाई आंसर आपको यहीं से मिल जाता है बी में आपका फोर्थ जा रहा है डेफिनेटली ये सही है सी में आप देख पा रहे हैं थर्ड की प्रेजेंस है और इस तरीके से हमारा थर्ड करेक्ट आंसर बनता है ए आपको बिल्कुल डेफिनेटली uh, याद रखना चाहिए पेयर uh, और प्लांट प्लान एलबिनस एल्यूमिनस का मतलब होता है एंडोस्पर एंड सीड कैसे एंडो ये कहाँ प्रेजेंस होंगे एंड नॉन एल्यूमिनस सीड्स रेस्पेक्टिवली कहाँ प्रेजेंस होंगे यानी कि आपका एलमिनस एंडोस्पर्मिक सीड एक तो वीट में जा रहे हैं लेकिन आपको दोनों चाहिए नॉन uh, एल्युमिनस आपका ग्राउंड नट में जा रहा है यहाँ दोनों ही एंडोस्पर्मिक हैं यहाँ ये आपका नॉन एंडोस्पर्मिक है ये एंडोस्पर्मिक है तो आपका रेस्पेक्टिवली के रेस्पेक्ट में ये गलत हो जाएगा ये भी इसी सेंस में यहाँ आपके नॉन एंडोस्पर्मिक है यहाँ आपके एंडोस्पर्मिक हैं तो इसलिए सिक्वेंस की बात करी गई है उसके हिसाब से हमारा सिकिन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है प्लांट कंटेन बोर्ड टाइप ऑफ बढ़िया क्वेश्चन है इस क्लिस्टोगेमस फ्लावर के जो रीजन है जिसे हम ऑटोगेमी कहते हैं यहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके लिए मिलेगा ही तो आपके लिए बायोला ये चीज़ है आपको इसी आंसर से बात करनी है और चलना है है ना आगे चलते हैं जनरेटिव सेल जनरेटिव सेल में हम क्या बात करते हैं कि आपकी जो वेजिटेटिव सेल है ओबियसली क्या करना है वेजिटेटिव सेल में आप देख रहे हैं कि ये देखो वेजिटेटिव सेल इसमें आपका small nucleus, नहीं इरेगुलर ये बड़ा होता है ए में, तो में आपका सेकेंड जा रहा है लो भाई आंसर आपको यहाँ मिल सकता है बी में आपका फर्स्ट जा रहा है लो भाई ये आपका फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाता है ठीक है ये चीज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये लार्ज होल बढ़िया क्वेश्चन है चीज से बनता है प्रोपे हारमनी ये बैक्टीरिया है एक्चुअली ये आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट है साइक्लोसपोरिन इम्यूनोसप्रेसिव बढ़िया क्वेश्चन है नो डाउट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं एलाइजा टेस्ट ये किससे रिलेटेड है एलाइजा टेस्ट एंटीबॉडी इंटरेक्शन एंड प्रोटीन ठीक है प्रोटीन को डिटेक्ट किया जाता है ये आपके वायरस स्पेशली एच को स्टडी करने में इसका यूज किया जाता है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं यूट्रोफिकेशन आप कहाँ पाओगे फ्रेश वाटर के अंदर ठीक है मैराइन में कभी नहीं जो स्टेगनेंट वाटर जहां पानी खड़ा रहता है वहीं पर आ, आपका यूट्रोफिकेशन एलगल ब्लूम हमें देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूज डिलीवर डिजायरेबल जीन इन टू द एनिमल है ना तो एनिमल्स में आप कैसे ले जाओ डिस आर रिट्रो इसके जरिए एनसीआर लिखती है ऑब्वियसली ये सही है नेक्स्ट चलते हैं Which of the following uh, cut the DNA from ए प्रोम स्पेसिफिक फेज ओब्वियसली रेस्ट्रिक्शन NCRD एन सी आर टी का क्वेश्चन uh, है आगे चलते हैं How Bt toxin kill? Bt toxin actually क्या होता है ये protoxin है और ये जैसे ही बॉडी के अंदर मिड गट रीजन में जाता है insect के बोलबर्म के वहाँ पर ये उसके एफिथिलम को डिग्रेड करता है छिद्र बन जाते हैं जिससे वाटर एंटेक होता है वो फूल जाता है और उसकी डेथ हो जाती है तो वही चीज़ है मिड गट में जाएगा स्वेलन एंड लाइसिस एपिथीलियम को करेगा उससे उसकी मौत होती है नेक्स्ट हमारा जो बी सेक्शन है उसमें हम देखें तो ओबियसली जो नया ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट बॉस ने कई बार आपको ये समझाया है याद रखना इस चीज़ को गलती मत करना फर्स्ट जो ट्रेंड होंगे वही आपको डिटेक्ट किए जाएंगे उसके बाद में अगर कोई भी आपने आ, सही भी आंसर लगाया वो भी आपको काउंट नहीं किया जाएगा ऑफराइस मेडिटेन ओबियसली ये मेल अनी भी का है और इसका कनेक्शन सीधे किससे है एक तो को इवोल्यूशन से है दोनों एक दूसरे से इवॉल्व होते हैं कहा तो लास्ट में देखा जाता है कि कुछ पेटल ने कुछ इवोल्यूशन के दौरान किन्हीं कारणों बस अपने पेटल को फीमेल के जो मॉर्फोलॉजी है उसे चेंज किया तो उनमें तब तक पॉलिटिशियन नहीं हुआ जब तक उन्होंने दोबारा से उस फीमेल का करेक्टर अचीव नहीं कर लिया तो ये सब सही है ऑल ऑफ दीज अपना राइट right आंसर बन जाएगा नेक्स्ट चलते हैं केमिकल ड्रग रेसरपीन बढ़िया क्वेश्चन है मेरे हिसाब से रोवॉल वोमिटोरिया ये अपनी इकोलॉजी में लिखा है और पॉसिबल क्वेश्चन है रेसरपीन को हम पागलों की दवा भी कहते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट डोडो बढ़िया क्वेश्चन है ओवर एक्सप्लोडेड पैसेंजर प्रिजन इनका ओवर एक्सप्लोटेशन किया गया एक्स्ट्रा यूज किया गया इससे इन नेचर से गायब हो गए बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट ऑफ प्रोटीन इन द बढ़िया क्वेश्चन है अपने बायोमालिकूल्स में ये लिखा है कॉलेजन और यही अगर आपके प्लांट के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो रुबिसको ठीक है ना चलते हैं नेक्स्ट पर आ, सुक्रोज किसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज लो भाई ये बायोमालिक्यूल का क्वेश्चन है ए कॉम्पिटिटिव बढ़िया एंजाम वाले हिस्से में लिखा है मेलोडेट मेलोडेट सक्सिनेट डीहाइड्रोजन का कॉम्पिटिटिव इनिविशन करता है और उससे एंजाम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं अच्छा क्वेश्चन है पॉसिबल क्वेश्चन है फ्रिक्वेंसी ऑफ एस्टोमेटा पोजिशन ये भी इन में लिखा है यूजिंग कोवाल क्लोराइड ये सब चीज़ों का यूज करके ही हम डेफिनेटली इसमें उसकी पोजीशन को एक्चुअली क्या होता है कोवाल क्लोराइड जैसे ही रखते हैं ट्रांसप्रेशन होता है वाटर इजेक्ट होता है वहां जो पिंक कलर होता है वो ब्लू या ब्लू पिंक में कन्वर्ट हो जाता है मतलब उसमें कलर से हम डिटेक्ट करते हैं कि हाँ यहाँ स्टोमेटा की पोजिशन अच्छा सर ऑर्गेनिज्म एंड ये तो इसमें रेड टाइड आता है ठीक है याद करो ये बात करी गई है ठीक है अब जिससे इसमें डम्बेल से ग्रास है ठीक नेक्स है नेक्स्ट चलते हैं ये बढ़िया है अपना डिस्कस हो चुका है अब आते हैं सेवेंटी ये भी एनसीआर में लिखा है याद रखना कि बहुत सारी मेरायन जो आ, 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 हैं, उसमें आपका नेक्स्ट चलते हैं मेडुलरी रेस आर टिश्यू मेड अप ऑफ किससे बने हैं बाबू ये बने हैं आपके पेरिन कामा से पेरिन कामा से ही बनतेन का ठीक है नेक्स्ट चलते हैं बढ़िया एन सी का डायग्राम है पामेट लीव्स है क्योंकि सारे के सारे लीव्स का ओरिजिन पॉइंट एक है पीटीओल ये आपको नजर आ रहा है लीप लेट्स है तो ये कंपाउंड लीफ है पामेच है हस्ताकार होते हैं जैसे हाथ होता है ना हाथ से ही सारी उंगलियां निकलती हैं इसलिए हस्ताकार इसे कहते हैं और ये आपका कहाँ है पामेट कंपाउंड लीव लो भाई आंसर आपका थर्ड है नेक्स्ट चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है डी भी है आर भी है राइबोसोम है पूरी प्रोटीन फैक्ट्री है इसीलिए तो ये सेमी ऑटोनोमस है ऐसे ये चलते हैं लो ER, भाई यहां से चलो टोनोप्लास्ट लाइसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम चलो सी और डी में ही बात करते हैं सी में हो गया फोर्थ कौन हो गया ये लो दो जगह फोर्थ है और डी में आपका क्या हो गया थर्ड है ना यहां भी आपको आंसर नहीं मिला है अब आ जाओ बी में गोल्ची बॉडी से सेंट्रांस मतलब सेकेंड आपका फोर्थ करेक्ट आंसर बन जाएगा नेक्स्ट चलते हैं ये अपना लास्ट क्वेश्चन है ईआरजीबी अच्छा है ये सेल डिवीजन में लिखा हुआ है ठीक है आप उसके पॉइंट्स देखोगे तो वहां पर लिखा है जैसे ही टीलो फेज की स्टार्टिंग होती है इनका रीफॉर्म होता है या न्यूक्लियोलस भी दोबारा रीजनरेट होता है ठीक है उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको डेफिनेटली क्लेरिफाई कर दे होगी सारी एनसीईआरटी की बातें ओके कीप इट अप थैंक यू